कोर्स के अंतर्गत आपको JEE गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक जरूर बने। सभी डिप्लोमा और बीटेक के विद्यार्थी, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, सभी डिप्लोमा और बीटेक के विद्यार्थी अब तैयार हो जाओ। जेनेक टीम आपके लिए लेकर आया है प्रहार 2.0। प्रहार 2.0 के अंतर्गत आपको इंडिया के टॉप 40 गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई जाएगी, जिसके साथ आपको प्री मेंस एग्जाम प्लस इंटरव्यू की भी तैयारी करवाई जाएगी। तो आइए जानते हैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में, जिसमें आपको 1100 आवर्स लाइव क्लासरूम प्रोग्राम प्रोवाइड किए जाएंगे, प्लस आपको 7000 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट एंड डाउट सेशंस प्रोवाइड किए जाएंगे। प्रहार 2.0 कोर्स की वैलिडिटी है 400 डेज। जी हाँ दोस्तों, ये आपको 400 दिनों के लिए प्रोवाइड कराया जाएगा। इसमें आपको 4 to 5 आवर्स की आपकी रेगुलर क्लासेस होंगी, रिवीजन क्लासेस होंगी, प्लस ऑल सब्जेक्ट के PDF आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो बिल्कुल भी बिना देरी किए डाउनलोड एंड इंस्टॉल आवर जेनेक लर्निंग ऐप ऑन गूगल प्ले स्टोर। वेल हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, सुप्रभात एंड वेलकम टू दिस चैनल, दैट इज योर जेनेक बेटा। सो कैसे आप सब, आई होप एवरीथिंग इज फाइन बेटा। सो फाइनली नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड वेलकम टू दिस जेनेक प्लेटफॉर्म बेटा। सो आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज संडे का दिन है, संडे का दिन है ना तो संडे का दिन बेटा थोड़ा सा हम क्या करेंगे, संडे कब है, मंडे कब, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो भैया आप ये सब को पता चलेगा एग्जाम के बाद। सो क्या संडे, क्या मंडे, क्या दिन, क्या रात बेटा, आप तो दिन भर लगना है पढ़ाई में। और ये अगर हम तभी बोल सकते हैं जब हम खुद लगेंगे, इसलिए हम रोज यहाँ आ रहे हैं, रोज पढ़ा रहे हैं, रोज अच्छे से कॉन्सेप्ट दे रहे हैं आपको, रोज ट्रिक्स गा रहे हैं, ताकि बेटा आप लोग उसको समझो, सीखो बेटा, अपने एग्जाम में इंप्लीमेंट करो। सो अपनी मॉर्निंग की स्टार्ट एक स्माइल से किया करो, दैट इज 100 टाइम्स मोर बेटर देन हैविंग एनी मोटिवेशनल कोट और वीडियो बेटा। ओके, सो आई होप माई वॉइस इज प्रॉपरली क्लियर टू एवरीवन। इफ माई वॉइस इज प्रॉपरली क्लियर बेटा, एक बार सभी लोग हाथ दिखा दो बेटा, एक बार सभी लोग खाते बेटा। ओके, राधे राधे बेटा, राधे राधे बेटा, मधु मधु सदन। ओके, तो बात ये है बेटा कि रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना है बेटा, एक दिन 10 घंटे पढ़ने से अच्छा है रोज 2-2 घंटे पढ़ो, दैट इज मच मोर बेटर देन द हैविंग वन डे बेटा। रोज 2-2 रोटी खाओगे अच्छा है बेटा, एक दिन 10 रोटी खाओगे पेट खराब हो जाएगा। सो ऑलवेज रिमेंबर, कंसिस्टेंसी इज द की टू गेट योर गोल अचीव बेटा। ओके, तो भैया आज का थोड़ा सा सिंपल सा जो हम लोग दिन भर करते हैं, बचपन से सीखते आ रहे हैं बेटा कि जब भी पढ़ाई होती है, पढ़ाई करते हैं तो नींद आ जाती है। जैसे कि हम लोग को मिलता था बीटेक में लाइब्रेरी से बुक मिलती थी इतनी सारी, तो उसमें से एक आती थी बहुत सीएल वादवा आती थी और वो बड़ी मोटी मोटी बुक आती थी, तो उसका मेन काम क्या होता था, हाँ तकिया लगा लिए उसको और सो गए, लैपटॉप लगा लिए वापस सो गए। तो ध्यान ये रखना है कि नींद आती है जब हम लोग को इंटरेस्ट नहीं होता है, नहीं तो वही रात होती है, वही मोबाइल होता है और रात भर बात कर जाते हो। सो ऑलवेज रिमेंबर, यू हैव टू क्रिएट द इंटरेस्ट इन योर स्टडी, बिकॉज भैया एट लास्ट पैसा यही देगा और स्टेबिलिटी यही लाएगा। ओके, चलिए बेटा ज्यादा बात ना करते हुए चीजों को आगे बढ़ाते हैं और आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो मेनली आज फोकस ये करना है बेटा आपको कि आज हम थोड़ा क्या करिए बेटा, बेसिक क्वेश्चन हमने उठाए हैं आज, ठीक है। आपको चेक करना बेटा आपको पूरा जो पैटर्न है वो यूपी ओरिजिनल का है बेसिकली, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे, सिंपल क्वेश्चन बेटा। मैं पहले चाहता हूं कि आप लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे बेटा अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे। सो ऑलवेज रिमेंबर, यू हैव टू डू द क्वेश्चन, और वो दोबारा क्वेश्चन कहीं दिख जाएगा तो उसको गलती नहीं करना है, इस तरह से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और एट द लास्ट आप लोग चेक करोगे कि आप लोग के कितने क्वेश्चन सही है, और बिकॉज आपके एग्जाम में निगेटिव मार्किंग भी होती है बेटा। ओके, चलिए तो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते बेटा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज द
क्वेश्चन नंबर बेटा ये रहा अगला क्वेश्चन, और ध्यान से प्यार से आराम से इस क्वेश्चन को देखिए बेटा और आंसर देने की कोशिश करिए बेटा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रीजनरेटिव ब्रेकिंग। भैया क्या होता है आपकी क्या बेटा आपका ट्रेन है आपकी क्या बेटा आपकी ट्रेन है भैया ट्रेन है क्या बेटा ये ऐसे स्लोप में आपकी ट्रेन है ऐसे स्लोप में है तो क्या हो रहा बेटा आपका अपने आप गाड़ी आगे जाएगी। भैया गाड़ी आगे जाती है तो ड्राइवर क्या करता है इंजन को बंद कर देता है इंजन को बंद कर देता है तो बेटा क्या होता है वहां पे आपका रोटर अपने आप घूमता है बेटा और वो क्या करता है पावर जनरेट करता है और उस पावर को हम लोग क्या करते हैं बेटा किसी रियोस्टेट से या फिर किसी रजिस्टर से हम लोग क्या करते हैं बेटा उसको डेसिपेट कर देते हैं दैट इज कॉल्ड योर नथिंग बट योर रीजनरेटिंग ब्रेकिंग बेटा। तो इसको भैया बताओ इसका जो ऑप्शन है वो इसमें से कौन सा सही है बेटा इसमें जो ऑप्शन होगा वो कौन सा सही होगा बेटा इट यूजेज एन एनर्जी रिकवरी मैकेनिज्म व्हिच ट्रांसफर द ब्रेकिंग एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी इट यूजेज एन एनर्जी रिकवरी मैकेनिज्म व्हिच रिड्यूसेस द स्पीड ऑफ व्हीकल बाय कन्वर्टिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी बेटा। और आगे बेटा इट यूजेज एन एनर्जी रिकवरी मैकेनिज्म व्हिच स्लो डाउन अ व्हीकल बाय कन्वर्टिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म दिस इज द बेस्ट आंसर एंड दिस इज द आंसर बेटा। देखिए हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हम क्या करते हैं बेटा किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट भी आप लोग कहते हैं इसको डेसिपेट कर सकते हो बेटा और आपकी ब्रेकिंग लग जाएगी बेटा आपकी ब्रेकिंग लग जाएगी सर। तो आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्लास से आपका ये एग्जाम में आया हुआ था तो मैंने कहा बेटा चलो इसको रख देते हैं। तो ध्यान से प्यार से आराम से क्वेश्चन को समझना है बेटा और आगे बढ़ते हुए चलना है ओके। चलिए बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन लेके आया हूं सिंपल सिंपल जो कि आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है भैया व्हेन द स्टेटर वाइंडिंग भैया स्टेटर वाइंडिंग आर कनेक्टेड इन सच अ फैशन दैट द नंबर ऑफ पोल इज मेड हाफ देन द स्पीड ऑफ रोटर ऑफ सिंक्रोनस मोटर विल बी। कह रहा भैया हमने क्या किया हमने कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया कि हमारा जो पोल है वो क्या हो गया आधा हो गया पोल क्या होगा आधा हो गया। तो मुझे बताइए कि भैया स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा सिंपल सी बात है। तो ये इनडायरेक्टली घुमा फिरा के कान को यहां ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो बात एक ही होती है तो वो घुमा रहा है आपको घुमा रहा है ताकि आप लोग कंफ्यूज हो कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। आपको पता है सर कि एनएस क्या होता है 120 एफ बाय पी होता है पी को हाफ कर दोगे बेटा तो क्या हो जाएगा आपका स्पीड क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा बेटा। तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी बेटा आपकी क्या हो जाएगी बेटा टू टाइम्स हो जाएगी डबल हो जाएगी सर। आंसर विल बी इट विल द स्पीड विल गोइंग टू इंक्रीज द स्पीड विल गोइंग टू इंक्रीज। तो ओवरऑल क्या बात है कि वो आपको इनडायरेक्टली कुछ पूछ रहा है भैया पोल को कम कराओगे तो स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा ओके। चलिए आंसर इज स्पीड ऑल्सो बिकम टू टाइम ओके। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन बेटा। कह रहा है कि भैया फॉर स्विचिंग भैया स्विचिंग ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करने के लिए स्विचिंग करने के लिए बताइए क्या ऑन ऑफ भैया हमारे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में स्विचिंग में क्या होता है सबसे ज्यादा लॉसेस होते हैं भैया उसको हम लोग कम कर रहे हैं हमारे इंजीनियर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो भैया कह रहा है फॉर स्विचिंग एप्लीकेशन अच्छा भैया ठीक है ट्रांजिस्टर नीड टू बी बायस अच्छा भैया ठीक है टू ऑपरेट इन विच आर द फॉलोइंग रीजन। कह रहा है भैया हमारा क्या है हम लोग जो हमारा जो ट्रांजिस्टर है बीजेटी है उसको हम किस रीजन में ऑपरेट कराएंगे जब हमको स्विचिंग कराना है जब हमको सर्किट में क्या कराना है बेटा स्विचिंग कराना है ऑन ऑफ कराना बेटा। तो आपको पता है हमारे जो बायसिंग होती है किसके बीजेटी की वो तीन तरह की होती है एक होती है एक्टिव बेटा एक होती है आपका कट ऑफ एक क्या होता है आपका कट ऑफ और एक क्या होता है आपका दैट इज योर सैचुरेशन रीजन है ना बेटा। तो आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों में क्या होता है बेटा आपका इसमें क्या होता है आपका जनरली क्या होता है सर्किट स्विच ऑफ होता है ना बेटा स्विच इसमें ऑफ होता है बेटा और इसमें क्या होता है जनरली सैचुरेशन में क्या होता है आपका स्विच ऑन होता है। सो ऑलवेज रिमेंबर बेटा जो ऑन ऑफ आपका रीजन होता है वो आपका स्विचिंग करना है बीजेटी को तो आप लोग कहां करोगे बेटा आप लोग क्या करोगे कट ऑफ रीजन में और सैचुरेशन रीजन में अपने बीजेटी को ऑपरेट कराओगे बेटा। तो आंसर इज दैट इज द सैचुरेशन एंड कट ऑफ रीजन। तो ऑलवेज रिमेंबर आपका जो स्विचिंग होता है उसके लिए हम बीजेटी को कहां पे बेटा उसको हम लोग किस रीजन में ऑपरेट कराते हैं दैट इज योर कट ऑफ रीजन और आपका सैचुरेशन रीजन। अच्छा मुझे ये बताइए सैचुरेशन रीजन में आपकी जो बायसिंग होती है किसकी बेटा कलेक्टर टू बेस इमीटर बेस इमीटर बेस और जो कलेक्टर बेस होता है किसमें सैचुरेशन में उसका जो बायसिंग होती है वो कैसी होती है जैसे मैं पूछूं इमीटर बेस में और कलेक्टर बेस में बायसिंग क्या होती है कैसी होती है बेटा फॉरवर्ड बायस की रिवर्स बायस की फॉरवर्ड फॉरवर्ड। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है तो मैं पूछ रहा हूं कि भैया आपका जो बायसिंग होती है सैचुरेशन में कौन सी बेटा वेरी गुड पंकज का वेरी गुड पंकज एंड लव अच्छा बेटा ओके। सो आंसर इज दैट इज बोथ शुड बी इन फॉरवर्ड बायसिंग किसमें सैचुरेशन रीजन में। कट ऑफ रीजन में क्या होता है आपका दोनों क्या बायसिंग होती है आपका मीटर बेस कलेक्टर बेस कैसा होता है आपका रिवर्स बायसिंग होती है किसमें कट ऑफ रीजन में और आपका एक्टिव रीजन में क्या होता है बेटा आपका इमीटर बेस क्या होता है आपका
इमिटर बेस क्या होता है फॉरवर्ड बायस, और कलेक्टर बेस क्या होता है आपका रिवर्स बायस। और एक बात और ध्यान रखो बेटा, तो हम लोग एक्टिव रीजन में किस लिए बीजेटी को ऑपरेट कराते हैं, तो भैया किसके लिए करते हैं, एम्पलीफिकेशन। किसके लिए बेटा आपका, एम्पलीफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं एक्टिव रीजन में अपने बीजेटी को ऑपरेट कराते हैं बेटा। तो इस छोटी छोटी बातों को याद रखिएगा, हर एक जो पॉइंट मैंने बताया है वो एमसीक्यू के फॉर्म में आ चुका है। मेरा मोटिव ये है बेटा कि आपको सिर्फ क्वेश्चन ना कराया जाए, उसके साथ जो इर्द गिर्द जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं सबको करा दिया जाए बेटा। तो ऑलवेज रिमेंबर, स्विचिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, सैचुरेशन रीजन और कट ऑफ रीजन में अपने बीजेटी को ट्रांजिस्टर को ऑपरेट कराते हैं बेटा। ओके चलिए आगे बढ़ते बेटा, आगे बढ़ते, ओके सर आगे बढ़ते बेटा। ये रहा अगला क्वेश्चन, कह रहा है बेटा कि द कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस एम बिटवीन टू इंडक्टेंस कॉइल L1 एंड L2 इज गिवन। भैया म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, दो क्वाइल है भैया, दो क्वाइल मान लो कैसे भी लगा हुआ है, दो क्वाइल तो उसके बीच में क्या है म्यूचुअल इंडक्टेंस है, तो उसका वैल्यू दिया हुआ है आप, तो कह रहा भैया कौन सा 100% ट्रू है, इसमें से सब सही है, कहीं ना कहीं सारे सही होंगे, लेकिन कह रहा भैया जो 100% ट्रू है वो कौन सा होगा बेटा। आपको पता है जो एम होता है दैट इज इक्वल टू कितना होता है, के टाइम्स L1 इनटू L2, और ये क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, इसकी वैल्यू क्या होती है 0 से 1 के बीच में ही रहती है हमेशा, कभी भी इसकी वैल्यू 1 नहीं होती है, बहुत आइडियल केस में इसकी वैल्यू 1 होती है बेटा। तो ऑलवेज रिमेंबर जो m होता है वो क्या होता है बेटा, ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट L1 इनटू L2। सर आंसर विल बी दैट म्यूचुअल इंडक्टेंस इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू L1 इनटू L2 अंडर रूट बेटा। तो आंसर आपका डी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे बेटा, तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोगों को ध्यान रखना है कि हाँ देखने में तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये 100% सही कौन सा बेटा, ये वाला सही है बेटा। ओके चलिए आगे बढ़ते बेटा, आगे बढ़ते। ये रहा अगला क्वेश्चन बेटा, कह रहा है द यूनिट ऑफ इल्यूमिनेशन, पता नहीं कितनी बार इसको हमने बता दिया आपको, लेकिन बार बार ये एग्जाम में आता है तो हम बार बार लिखे चले आते हैं। वे कह रहा है द यूनिट ऑफ इल्यूमिनेशन, तो भैया यूनिट ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है, दैट इज योर क्या होता है बेटा आपका एम्पियर, किससे यूनिट होता है, ये होता है करंट का है ना बेटा, एम्पियर किसके यूनिट होता है करंट का होता है बेटा। ल्यूमन किसका होता है बेटा, आपका ये होता है ल्यूमिनस फ्लक्स का होता है, किसका होता है बेटा, ये ल्यूमिनस फ्लक्स का होता है ना बेटा। और आपका बेटा क्या होता है, ये रहा कैंडेला बेटा, तो कैंडेला किसका होता है आपका, ये कैंडेला किसका होता है बेटा, कैंडेला किसका होता है, कैंडेला बताइए, और लक्स किसका होता है, हमेशा याद रखिएगा इल्यूमिनेशन का जो आपका यूनिट होता है दैट इज योर लक्स होता है बेटा। तो कैंडेला क्या होता है ये आप हमें बताइए, कैंडेला का यूनिट क्या होता है बेटा, ये आप लोग हमको बताइए बेटा, कैंडेला का यूनिट क्या होता है ये आप लोग हमें बताएं बेटा। ओके चलिए वेरी गुड, दैट इज वेरी गुड बेटा, कैंडेला का यूनिट क्या होता है बेटा, ओके कैंडेला किसकी यूनिट बेटा, कैंडेला किसकी यूनिट बेटा, वेरी गुड, जीरो जीरो आज हीरो बना हुआ है, ठीक है, दैट इज योर ल्यूमिनस इंटेंसिटी बेटा, दैट इज योर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, दैट इज योर ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो हमारा मेन मोटिव क्या है बेटा, हमको सारे ये फॉर्मूले याद रखने हैं क्योंकि आपको बहुत ज्यादा ये रोल इंपॉर्टेंट प्ले करेगा बेटा। और सॉलिड एंगल हो गया बेटा आपका, सॉलिड एंगल हो गया, सॉलिड एंगल क्या होगा बेटा आपका, इसका जो यूनिट होता है क्या होता है, स्टे रेडियन होता है बेटा, क्या होता है, स्टे रेडियन होता है। ये हम सबने आपको पीडीएफ फॉर्म में चार्ट बना के सब दिया हुआ है, तो आपको बस उसको रिवाइज करना बेटा। ओके तो चलिए बेटा आगे बढ़ते, ओके। और ये क्या बेटा, ल्यूमेन पर वाट, ल्यूमेन पर वाट, ल्यूमेन पर वाट किसकी यूनिट बेटा, तो ल्यूमेन पर वाट किसकी यूनिट होती है बेटा आपकी, ये होती है एफिशिएंसी की यूनिट होती है, किसकी होती है बेटा, ये एफिशिएंसी की यूनिट होती है, ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट। ओके चलिए आगे बढ़ते बेटा, अब यहां से धीरे धीरे आगे बढ़ते, ओके चलिए ओके। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, कह रहा है कि भैया हमको क्या करना है, प्रोटेक्शन के लिए हमको क्या करना बेटा, प्रोटेक्शन लेना है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वेरी लॉन्ग एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन, कर भैया बहुत लंबी लाइन है, बड़ा हाई वोल्टेज की लाइन है भैया, तो उसको हमको प्रोटेक्ट करना है, तो इसमें से हम कौन सा आपका प्रोटेक्टिव रिले यूज करेंगे। हमेशा याद रखिए बेटा आपका रिले है, ये रिले क्या है, जैसे कि आपके शरीर में क्या है, ये नोस, नोस क्या करता है, ये सेंस करता है, इसी तरह रिले क्या करता है, ये भी बस सेंस करता है बेटा, और ये सिग्नल भेजता है किसको, माइंड को, हमारा माइंड को भेजता है कि भैया घर में बन रहा है क्या, नॉनवेज बन रहा है कि वेज बन रहा है, तो ये सेंस करता है कौन, नोस। इसी तरह हमारे हमारे लाइन में फॉल्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो कौन सेंस करता है, ये रिले करता है, और ये सेंस करके देता है बेटा किसको, आपके सर्किट ब्रेकर को। तो ऑलवेज रिमेंबर कि इसका काम बस क्या है, सिर्फ चीजों को सेंस करना, ये ऑपरेट नहीं करता कि हाँ सर्किट को खोल देगा, नहीं बेटा ये सिर्फ सेंस करके सिग्नल भेजेगा सर्किट ब्रेकर को और वो वहां पे ऑपरेट करेगा। हाँ लेकिन एक ऐसा रिले है आपका, दैट इज योर बुक होल्स रिले, वो कैसा होता है बेटा, वो आपका ट्रिप भी कर देता है, आपका वो सर्किट को ट्रिप कर देता है। ओके तो ये छोटी छोटी बातें आपको दिमाग में रखनी है, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ओके तो ऑलवेज रिमेंबर वेरी हाई वोल्टेज लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन बेटा, तो इस केस में आपको ध्यान रखना है बेटा कि आपका द आंसर इज योर मोर रिले, जो मोर रिले होता है दैट इज योर एडमिटेंस रिले होता है,
तो उसको हम लोग यूज करते हैं फॉर द लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन बेटा, और मीडियम के लिए क्या करते हैं और शॉर्ट के लिए क्या करते हैं हमने आपको बता रखा बेटा। ओके चलिए वेरी गुड, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, एग्जाम में पूछेगा तो उसमें गलती नहीं करना बेटा। ओके चलिए, इसी तरह हमारा क्या होता है इंपेडेंस रिले होता है, इस तरह क्या होता है हमारा रिएक्टेंस रिले होता है, तो उन्होंने सबको हमने बता रखा बेटा। तो ये तीनों ही होते हैं बेटा ट्रांसमिशन लाइन में, बेसिकली इन्हीं का यूज होता है। चलिए ओके आगे बढ़ते बेटा, ये कह रहा है बेटा, ये कह रहा है रेजोल्यूशन, कह रहा है भैया कोई रेजोल्यूशन पास हुआ है आपके पॉलिटिक्स में, आपके भैया आपके राज्यसभा में, तो ये जो रेजोल्यूशन है किसमें इंस्ट्रूमेंटेशन में उसका मतलब क्या होता है, रेजोल्यूशन जो है रेजोल्यूशन है उसका मतलब आपके इलेक्ट्रिकल में क्या होता है, तो ऐसे छोटे क्वेश्चन पूछेगा बेटा। तो आपको ध्यान रखना है कि हाँ आपका रेजोल्यूशन क्या होता है, आपका सेंसिटिविटी क्या होता है, आपकी एक्यूरेसी क्या होती है, ये सब छोटी छोटी बातें आपसे पूछेगा बेटा और आपको इसी में खेल खेलना है। ओके तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजोल्यूशन बेटा, रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा, सो आंसर इज द मिनिमम क्वांटिटी इट कैन मेजर, कोई भी आपका जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो कितना छोटा से छोटा वैल्यू मेजर कर सकता है, दैट इज कॉल्ड योर रेजोल्यूशन बेटा, दैट इज कॉल्ड योर रेजोल्यूशन। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, दिमाग में इसको हमेशा दिमाग में रखिए बेटा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, कह रहा भैया कि हम लोग एलईडी यूज करते हैं, जैसे कि हमारा एलईडी बल्ब हो गया ग्रीन एलईडी, कह रहा भैया हमारा जो ग्रीन एलईडी है वो हमारा किस सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तीन बार हमने इस क्वेश्चन को देखा बेटा, इस क्वेश्चन को हमने तीन बार देखा हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन जनरली बेटा क्या है बुक में आपको नहीं मिलता जनरली, लेकिन ये क्वेश्चन हमने तीन जगह देखा एग्जाम में, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को लिया बेटा। कह रहा है कि आपका जो ग्रीन एलईडी है उसमें हम लोग कौन सा सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज करते हैं, ऑलवेज रिमेंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज रिमेंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। ओके चलिए द आंसर इज व्हाट बेटा, द आंसर बेटा अरे बेटा इसमें आप लोग कंफ्यूज हो इसलिए हम तो आपको ऑप्शन दे रहे हैं, इसमें आप लोग कंफ्यूज हो इसलिए हम इसमें आपको ऑप्शन देंगे, क्या बेटा एक गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड और देंगे बेटा एल्युमिनियम गैलियम फॉस्फाइड, इनमें से ही दो आंसर हो बेटा, या तो ये होगा या तो ये होगा, ये आपको बताना कहां बेटा कमेंट बॉक्स में, और बेटा हम क्या करेंगे आपको कुछ उसमें एक्स्ट्रा पीडीएफ देंगे अगर आप लोग क्या करोगे सही से आंसर दोगे बेटा। ओके सो आपका आंसर जो होगा ग्रीन एलईडी जो है किस मटेरियल से बनता है उसमें बेटा आपका या तो ये होगा या तो बी होगा या तो डी होगा, तो इसमें आप लोग को आंसर देना बेटा कौन सा सही होगा हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा बेटा। ओके चलिए वेरी गुड, तो ऐसे ही क्वेश्चन बेटा आपको एग्जाम में दिखेंगे, ध्यान से क्वेश्चन करने बेटा और बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना बेटा। ओके चलिए ओके वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते बेटा, अब आगे बढ़ते ओके चलिए, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, कह रहा है बेटा क्वेश्चन में सिंपल सा क्वेश्चन बेटा, कह रहा है कि भैया द रेटिंग ऑफ करंट ट्रांसफॉर्मर इज इतना एंड द परसेंटेज ऑफ करंट सेटिंग इज वन, कितना वन इज गिवन एज 150%, दिस इज 150% बेटा 150%, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पिकअप करंट क्या भैया हमारा जो परसेंटेज ऑफ करंट सेटिंग है वो कितना है 150% है, तो हमेशा एक बात याद रखिएगा जो करंट सेटिंग होती है वो कहां होती है बेटा आपके सिटी के सेकेंडरी में होती है, सिटी के सेकेंडरी में करंट सेटिंग होती है बेटा, तो सिटी के सेकेंडरी में करंट सेटिंग हुई है बेटा, तो याद रखिए बेटा आपका कह रहा है कि 150% हुआ है, तो मतलब भैया यहाँ पे 100% होगा तो कितना होगा 5 होगा, तो भैया यहाँ पे 10 होगा सॉरी, तो 150 कितना होगा भैया 150 हो जाएगा आपका, 150% कितना हो जाएगा 15 एम्पियर हो जाएगा, तो आपकी जो करंट सेटिंग है वो क्या है बेटा 15 एम्पियर है, सो योर पिकअप करंट विल बी 15 एम्पियर बेटा। ओके सो आंसर इज 15 एम्पियर। ओके चलिए आगे बढ़ते ऐसे क्वेश्चन सिंपली आपको दिखेंगे बेटा, दिमाग में इस बात को हमेशा रखिए बेटा। ओके चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन बेटा, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, तो कह रहा है भैया आपका जो ये स्पीडोमीटर होता है, आपके जो बाइक में लगा होता है स्पीडोमीटर लगा होता है, वो इसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, इसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है बेटा, आपका जो स्पीडोमीटर होता है वो इसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है वो आपसे पूछ रहा है बेटा, तो कौन सा होता है बेटा ध्यान से प्यार से आराम से बताओ बेटा, जो आपका स्पीडोमीटर होता है वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, सिंपल क्वेश्चन पूछे बेटा एग्जाम में, सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, ज्यादा हाई फाइनल लेके जाएगा, क्योंकि भैया उसको उसने आपको 30 से 40 सेकंड दिए हैं, तो बेटा वो उसी रेंज में क्वेश्चन पूछेगा, तो हमेशा याद रखिए आपको हर चीज को बेसिक पढ़ना है बेटा। ओके इस केस में बताइए बेटा क्या होगा, तो बेटा याद रखिएगा स्पीडोमीटर जो होता है वो कैसा इंस्ट्रूमेंट होता है, दैट इज योर इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, ये क्या होता है आपका इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखे बेटा, ये रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं होता बेटा, आप लोग स्पीड भैया आपका क्या गाड़ी लेके जा रहे हो यहां से गए तुम इलाहाबाद, भैया इलाहाबाद लेके जा रहे हो स्पीड, तो हर आपका
किस टाइम पे क्या स्पीड था, कोई थोड़ा बताएगा कि हाँ तुम भदोही गए तो वहां पे ये स्पीड था, तुम आपके गए वहां पे आगे बढ़ गए तो कहीं भी तो वहां ये स्पीड था। नहीं बेटा, वो आपका जो स्पीड है उसको रिकॉर्ड नहीं करता, बस वो इंडिकेट करता है कि हाँ भैया तुम्हारी स्पीड ये है, अब आगे कुछ होगा, आगे कुछ होगा। तो भैया वो क्या है, आपका इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। क्या बेटा, आपको इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो भैया ये रहा अगला क्वेश्चन, कह रहा है भैया ट्रायंगुलर वेव, भैया सब क्या बात करते हैं साइनोसॉइडल वेव सब बात करते हैं, बेटा किसका आपका स्क्वायर वेव। तो कह रहा है कि ट्रायंगुलर वेव में जो मीन वैल्यू होती है, मीन वैल्यू वो कितनी होती है। सिंपल बात है, आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो भूल जाओगे। तो इसलिए हमने क्या किया, सबके वेव फॉर्म के हमने एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू आपको लिखवा रखा है, इसको ध्यान से देख लेंगे, पीडीएफ के फॉर्म में दिया है जहां पे आपको जेनिक लर्निंग ऐप पे, उसको देख लीजिएगा बेटा, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो याद रखिएगा आपका मीन वैल्यू का मतलब क्या होता है, पहले ये बताओ मीन वैल्यू का मतलब क्या होता है बेटा। तो मीन वैल्यू का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बेटा क्या आपका, दैट इज योर एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू बेटा। ओके, और उसके बाद आपका ट्रायंगुलर वेव फॉर्म है, तो याद रखिएगा ट्रायंगुलर वेव फॉर्म में आरएमएस वैल्यू क्या होती है, वो होती है वीएम बाय रूट थ्री बेटा, और आपका एवरेज वैल्यू क्या होता है, एवरेज वैल्यू होता है आपका वीएम बाय टू, वीएम बाय टू बेटा, वीएम बाय टू बेटा। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसमें आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसमें आंसर क्या हो जाएगा। तो मीन वैल्यू क्या बेटा, मीन वैल्यू मतलब होता है एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू मतलब होता है एवरेज वैल्यू। बच्चे क्या करेंगे, मीन मतलब क्या होते हैं, अच्छा एम एम इसमें आ रहा है तो मान लेते हैं इसको क्या आरएमएस, ये बड़ा गलत, दिस इज रॉन्ग। ये मीन वैल्यू मतलब क्या होता है आपका, एवरेज वैल्यू होता है। अगर यहां पे दिया होता क्या इफेक्टिव वैल्यू, तब तुम कहते कि भैया इफेक्टिव वैल्यू क्या होता है आपका, आरएमएस वैल्यू होता है। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन को गलत नहीं करना बेटा, हर क्वेश्चन का मार्क बराबर मिलता है, चाहे तुम कहना क्या किया आपने स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडक्शन मोटर से क्वेश्चन कर लिया, न्यूमेरिकल आगे कर लिया तुमने, लेकिन भैया वो किया चाहे ये किया आपका जो नंबर ऑफ मार्किंग स्कीम है वो सब में बराबर होता है, इसलिए ध्यान से क्वेश्चन करना बेटा और आंसर देना बेटा। ओके चलो, सो ऑलवेज रिमेंबर दैट द आंसर इन दिस केस इज, दिस इज ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, लेकिन वो इफेक्टिव वैल्यू पूछता तो आपका आंसर क्या होता, वीएम बाय रूट थ्री। ओके चलिए, इसी बात तो मुझे बताइए, इसी बात बताइए कि मुझे एक सिग्नल दिया हुआ है वीटी इज इक्वल टू दिया हुआ बेटा क्या साइन 2t और प्लस प्लस 5, तो भैया इसका मीन वैल्यू क्या होगा, इसका मीन वैल्यू क्या होगा, इसका मीन वैल्यू क्या होगा, व्हाट विल बी द मीन वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हाट विल द मीन वैल्यू ऑफ दिस वोल्टेज, इसका एवरेज वैल्यू क्या होगा, या फिर उसको बोलते हैं आप लोग क्या बेटा मीन वैल्यू क्या होगा। जल्दी से भाई बेटा ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए हमने यहाँ पे यहीं पे लिख दिया इसको, तो आंसर क्या होगा बेटा इस केस में, इस केस में आंसर क्या बेटा आपका 5 आ जाएगा। लेकिन मैंने मान लीजिए इस केस में आंसर क्या बेटा आपका 5 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है आपका, ये क्या है एसी है, ये क्या है डीसी है, जब एसी डीसी दोनों होते हैं तो हम फुल साइकिल के लिए इंटीग्रेट करते हैं एवरेज वैल्यू निकालने के लिए, तो फुल साइकिल के लिए करोगे 0 हो गया, फुल साइकिल करोगे तो 5 आ गया। लेकिन मान लो हमने क्या दे दिया बेटा, हमने दे दिया बेटा क्या, हमने दे दिया सर क्या, यहां पे हमने क्या किया, यहां पर दिया क्या 5 sin 40। इस केस में क्या होगा, इस केस में एवरेज वैल्यू क्या होगा, इस केस में एवरेज वैल्यू क्या होगा, इस केस में एवरेज वैल्यू क्या होगा बेटा, इस केस में एवरेज वैल्यू क्या होगा, इस केस में एवरेज वैल्यू क्या होगा बेटा। तो ऑलवेज रिमेंबर बेटा, गलती यहीं करोगे, गलती आप लोग यहीं पे करोगे, तो मेरा काम क्या है बेटा आपको सिखाना, सिखाना मतलब सिखाना। तो बेटा इस केस में मैं पूछूं आपसे कि एवरेज वैल्यू क्या होगा, तो मुझे बताइए बेटा इस केस में, इस केस में एवरेज वैल्यू क्या होगा। तो बेटा याद रखिएगा ये क्वेश्चन बेटा, जितने भी आप लोग 0 0 दे रहे हो अच्छी बात है, 0 0 दे रहे हो अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा आप लोग उस पे कॉन्फिडेंस रखिएगा, उस पे हमेशा कॉन्फिडेंस रखिएगा, उस पर हमेशा कॉन्फिडेंस रखिएगा। ओके चलो, वेरी गुड, कितने लोग आ जाते हैं बेटा 0 0। देखो बेटा हमको सीखना है, हमको सीखना है बेटा, हमको सीखना है, हमको निकालना क्या बेटा, हमको एवरेज वैल्यू निकालना है, क्या निकालना, हमको एवरेज वैल्यू निकालना है। आपको पता है कि साइनोसॉइडल सिग्नल का जिसका वैल्यू क्या होता है आपका वीएम है, उसका एवरेज वैल्यू क्या होता है, वो होता है बेटा क्या 2 vm/π होता है बेटा। याद रखो यहां पर, अब देखो ध्यान सुनिएगा, अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा ताकि आगे आगे चल के ऐसे क्वेश्चन में गलती ना हो। देखो ध्यान से भैया, आपको जो सिग्नल दिया हुआ है ये क्या है एसी है, ये क्या है एसी है, तो आपको जो पूरा सिग्नल दिया हुआ है वो क्या है, वो एसी है, और एसी जब भी आपका सिग्नल होता है तुम एवरेज वैल्यू किसके लिए निकालते हो, हाफ साइकिल के लिए। भैया किसके लिए निकालते हो बेटा, हाफ साइकिल के लिए निकालते हो, ये हमने आपको पहले भी लिखवा रखा है। तो ध्यान रखिए बेटा, क्वेश्चन ऐसे बनेंगे और आपको भीड़ से अलग यहीं पे होना पड़ेगा, तो ध्यान रखिए बेटा। तो यहां पे बेटा एसी है, तो आप इसको इसको हाफ साइकिल के लिए इंटीग्रेट करो, तो यहां पे क्या हो जाएगा 2 vm/π, 2 vm/π, और यहां पे क्या हो जाएगा आपका 2
टू वीएम बाय पाई। तो भैया हाँ मुझे बताइए वीएम यहाँ पे क्या है, वन है, ये क्या हो गया टू बाय पाई हो गया। यहाँ पे वीएम क्या है फाइव है, तो क्या हो गया टेन बाय पाई हो गया। तो आंसर क्या होगा बेटा बारह बाय पाई हो गया। तो पहला ही आपको वो ऑप्शन देगा ऐसा क्वेश्चन देके जीरो, और मुझे बिलीव मानो बहुत बच्चे इसका आंसर जीरो लगा के आएंगे, लेकिन हमने इसको बताया आपको। इसलिए हम कहते हैं कि रोज चेकलिस्ट सीरीज देखो, आपको रोज मैं कुछ नया नया बताता हूँ चीजें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप लोग आंसर गलत ना दो बेटा। ओके सो ऑलवेज रिमेंबर कि ये एसी के लिए हमेशा हम क्या करेंगे बेटा हाफ साइकिल के लिए वैल्यू निकालते हैं। सबको ये बात समझ आएगा बेटा, सबको अगर ये बात समझ आ गई सभी लोग समझ गए, सबको अगर बात समझ आ गई है तो सभी लोग एक बार समझ बेटा, सभी लोग एक बार समझ बेटा, सभी लोग एक बार थम दिखाए बेटा। ओके ओके बेटा चलो बेटा वेरी गुड। तो मुझे बताइए बेटा यहाँ पे अब हम बताइए, चलो इसी बात पे क्वेश्चन चलो बेटा, इसी बात मुझे बताइए कि VT इज इक्वल टू दिया है साइन 4t प्लस 20 डिग्री और दिया है V1t इज इक्वल टू क्या बेटा आपका, आपका दिया है साइन 8t प्लस 30 डिग्री। मुझे बताइए इसका एवरेज वैल्यू क्या होगा, इसका एवरेज वैल्यू क्या होगा, इसका एवरेज वैल्यू क्या होगा और इसका भी क्या होगा एवरेज वैल्यू बताइए बेटा, इसका एवरेज वैल्यू क्या होगा। तो दोनों का ये क्या है आपका VP है, ये क्या है वी डैश टी है, दोनों का एवरेज वैल्यू क्या होगा, दोनों का एवरेज वैल्यू क्या होगा। देखो बेटा मैं हर क्वेश्चन आपको दे रहा हूं उसके पीछे कुछ लॉजिक है रीजन है इसलिए आपको दे रहा हूं बेटा, तो कोई चीज बताना बताना और एग्जाम्पल के साथ बताना में अंतर होता है। तो मेरा काम क्या है एग्जाम्पल के साथ बताऊं ताकि आप लोग आंसर कभी भी गलत ना कर गया एग्जाम में। ओके चलिए तो यहां पे हमेशा एक बात याद रखिए बेटा, आपका इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा 2 वीएम में पाई आएगा बेटा। यहां वीएम क्या बेटा आपका 1 है, ये क्या हो गया 2 में पाई आ जाएगा और यहां पे भी आ जाएगा आपका 2 वीएम में पाई, यहां भी वीएम क्या है 1 है तो इसका भी आंसर क्या आएगा 2 में पाई। तो मतलब क्या समझाना चाह रहे हो सर आप, क्या समझाना चाह रहे हो बेटा, मैं ये कहना चाहता हूं कि आपका जो एवरेज वैल्यू होता है और आपका चाहे बेटा आरएमएस वैल्यू हो वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता बेटा, फ्रीक्वेंसी चाहे कुछ भी हो और आपका एंगल कुछ भी हो फेज एंगल कुछ भी हो, आपका एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू फ्रीक्वेंसी पे और फेज एंगल पे कभी भी डिपेंड नहीं करता, कभी भी डिपेंड नहीं करता, वो सेम आएगा, वो सेम आएगा। अगर आपको क्या बेटा यहाँ पे मैग्नीट्यूड या वीएम क्या है अगर सेम है तो आपका वैल्यू क्या आएगा सेम आएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट आरएमएस वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड द फेज एंगल, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड फेज एंगल। इस बात को दिमाग में रखिएगा, बहुत क्वेश्चन भी पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन भीड़ से आपको अलग कर देगा। ओके तो आई होप बेटा बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हमको बेटा याद रखना है कि एक छोटे से समय में इतना कुछ बताना बहुत अच्छा लगता है, कर रहे हैं मेहनत आपके लिए, तो इसको दिमाग में रखिएगा, कहीं पे नोट कर लीजिएगा। ओके चलिए आगे बढ़ते बेटा। तो कह रहा है भैया कोई भी आपका सर्किट है, कोई भी सर्किट है उसमें भैया अगर बेटा चीजें समझ में आ रही है तो लाइक शेयर कर दो बेटा, संडे का दिन है लगातार चल रही चीजें और हमको पता नहीं चल रहा कि आज संडे भी है, तो हम सब भूल चुके हैं कि यहाँ क्या संडे क्या मंडे, पिछले एक महीने से लगातार सुबह उठ रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं पता नहीं चलता बेटा। तो इसलिए ये मेहनत जो हो रही है आपके लिए हो रही है बेटा, तो आपको रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, आपकी तरफ से भी फीडबैक आना चाहिए। अगर एक भी क्वेश्चन समझ में आता है आप लोग लाइक शेयर किया करो बेटा और आगे बढ़ते रहो बेटा। ओके चलिए तो भैया यहां पे देखिए बेटा एक बात देखिए, कह रहा है कि भैया कोई भी सर्किट है उसमें जो हमारा इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल है उसने कहा है कि भैया कोई भी आपका क्या हो इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसमें ज्यादा लीकेज कितना लीकेज होना चाहिए बेटा, कितना लीकेज होना चाहिए। तो उसने बोला भैया कि आपका जो मैक्सिमम लीकेज है वो कितना होना चाहिए 1/5000 होना चाहिए बेटा, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा आपका सर्किट में लीकेज हो रहा है मतलब वो खराब है। वो कैसे है बेटा खराब है, याद रखिएगा इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अकॉर्डिंग 1956 के अकॉर्डिंग आपका जो लीकेज होना चाहिए करंट का किसी भी सर्किट में वो 1/5000 ऑफ दैट करंट रेटिंग से कम होना चाहिए बेटा, वो उतने कम होना चाहिए ज्यादा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपका क्या है रेटिंग कितना है करंट आपका सर्किट का 10 एम्पियर है, तो आपका जो लीकेज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए बेटा आपका 1/5000 इतना होना चाहिए बेटा। तो यहां से काटोगे ये तो कितना आपका ये 0.002 एम्पियर से ज्यादा आपका लीकेज नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा लीकेज होगा तो आपका सर्किट प्रॉपर नहीं है बेटा। ओके चलिए आगे बढ़ते बेटा, यहां से आगे बढ़ते कह रहा है फॉर द स्लैक बस इन लोड फ्लो स्टडी, फॉर द स्लैक बस इन लोड फ्लो स्टडी कौन सा इसमें से ऑप्शन सही है, कौन सा इसमें से ऑप्शन सही है। कह रहा है फॉर द स्लैक बस इन लोड फ्लो स्टडी कौन सा इसमें ऑप्शन सही है बेटा, कौन सा इसमें ऑप्शन सही है, ध्यान से करना बेटा। ओके चलो ध्यान से करिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है बेटा ध्यान से करिएगा।
मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से बेटा, ध्यान से करिए बेटा, ओके चलिए, ओके चलिए, वेरी गुड। तो मैंने यहां पर दिया है, मैंने यहां पर दिया बेटा, मैंने यहां पर दिया है क्या बेटा, लेट अस सपोज मैंने यहां पर दे दिया बेटा क्या, यहां पर मुझे मान लीजिए बेटा मैंने दे दिया v इंटू डेल्टा, है ना, मैंने यहां पर दे दिया, मान लो हमने यहां पर क्या दे दिया बेटा p इंटू क्यू, है ना बेटा, और यहां पर दे दिया बेटा हमने क्या दे दिया, यहां पर लेट अस सपोज यहां पर हमने एक और क्वेश्चन दिया बेटा, यहां पर हमने क्या किया, बस आपको कह रहा है मैच करना, ये क्या a है, ये क्या b है, ये क्या है बेटा, देखना मैक्सिमम लोग इसमें गलती करेंगे, मुझे पता है, इसलिए ध्यान से करना इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा, क्योंकि हमको पता है कुछ ना कुछ गलती होगी बेटा, इसलिए हम यहाँ पे इसको लिखते हैं बेटा, ध्यान से करिएगा, आराम से करिएगा, और बिल्कुल भी नर्वसी आइएगा नहीं बेटा, ओके चलिए, वेरी गुड। तो हमने यहाँ पे ले लिया बेटा क्या, हमने यहाँ पे ले लिया बेटा आपका, यहाँ पे हम लेते हैं लेट अस सपोज, यहाँ पे हम लेते हैं बेटा क्या, लेट अस सपोज हम लेते हैं यहाँ पे दैट इज योर क्यू इंटू डेल्टा। तो मुझे बताइए भैया इसको मैच करो, ये है क्या है वन, ये क्या है टू, ये क्या है थ्री बेटा। तो आपको मैच करना है कि यार ए के साथ क्या होगा, बी के साथ क्या होगा, सी के साथ क्या होगा। बिलीव मी अच्छे अच्छे बच्चे इसमें गलती करेंगे, बिलीव मी बेटा अच्छे अच्छे बच्चे इसमें गलती करने वाले हैं, अच्छे अच्छे बच्चे इसमें गलती करने वाले बेटा, ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर आपसे बहुत, हाँ बेटा गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग बोली, ध्यान रखिएगा एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन गलत कराने के लिए ऑप्शन देगा, वो आपको ध्यान से ऐसे क्वेश्चन में पहले भी कराया हुआ है। मुझे ये बताइए कि तुम यहां पे क्या मेंशन करोगे, ये ए है, बी है, सी है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, तो तुम किसको किससे मेंशन करोगे बेटा, ध्यान से बताइए बेटा, ध्यान से बताएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा, ध्यान से बताओगे तो आपका आंसर निकल के चला आएगा बेटा। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, इसका आंसर क्या होगा बेटा, तो इस केस में आपका जो आंसर होगा वो मैं चेक करता हूं बेटा, वो मैं चेक करता हूं। तो भैया मान लो ए क्या है, ए ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, तो आप लोग आंसर दीजिए क्या होगा, वन टू थ्री, थ्री टू वन, जो भी है आपका आंसर देना बेटा। तो बच्चे कह रहे हैं क्या, वन टू थ्री, वन टू थ्री करें बेटा, अच्छी बात है, अच्छी बात है बेटा। और बताइए बेटा, ये बच्चा अच्छा, क्या नाम बच्चे का, प्रिंस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। लुकेश, वेरी गुड बेटा, लुकेश, वेरी गुड बेटा। मुसाफर अली, आंसर बेटा आंसर। तो ध्यान देखो बेटा, ध्यान देखो, बच्चे क्या करेंगे, बच्चों को याद होता है क्या बेटा, लोड बस मतलब क्या होता है, पी क्यू बस, तो बच्चे क्या करेंगे थ्री, फिर कहेंगे स्लैक बस मतलब क्या होता है आपका वी इंटू डेल्टा, तो क्या करते बेटा स्लैक बस क्या लिख देंगे, टू लिख देंगे। उसके बाद सी, सॉरी आपका ए क्या है, लोड बस है, पी कर दिया, बी क्या बेटा आपका, बी बी क्या आपका, यहां पे जनरेटर बस है, तो बच्चे सोचेंगे हाँ भैया जनरेटर बस है, तो चलो देखते हैं। सी क्या है आपका, स्लैक बस है, स्लैक बस मतलब क्या होता है वी इंटू डेल्टा, तो कह देंगे यहां पे टू, और ये क्या हो जाएगा बेटा आपका, ये हो जाएगा वन। तो ऐसे करोगे जिसका ये आंसर आ रहा है ये गलत है बेटा, ये जिसका भी आ रहा है बेटा आंसर वो गलत है, क्यों, क्योंकि उसने यहां पर आपको मेंशन किया है क्या, ये पूछ रहा है आपसे अननोन क्वांटिटी, यहां पूछ रहा बेटा क्या अननोन क्वांटिटी, वो ये लिखेगा नहीं बेटा, ये वो ये लिखेगा नहीं कि हाँ तुम क्वांटिटी नोन बताओ कि अननोन बताओ, ये आपको खुद से जानना पड़ेगा, ये आपको खुद से जानना पड़ेगा। देखो बेटा जैसे मान लो हमने यहां पर लोड बस क्या कर दिया, पीक्यू कर दिया, हमने क्या किया स्लैक बस क्या कर दिया, वी डेल्टा कर दिया। जब हम जनरेटर पे गए तो जनरेटर बस क्या होता है, ये होता है पीवी बस होता है, क्या होता है पीवी बस, तो भैया आप पीवी तो दिया नहीं है, इसका मतलब भैया ये क्या दिया हुआ है, ये आपका अननोन क्वांटिटी है, ये क्या है अननोन क्वांटिटी है बेटा। देखो आप देखो कैसे करोगे इसको, इसको कैसे करोगे, तो भैया लोड बस क्या होता है आपका, लोड बस क्या होता है पी क्यू होता है, तो आपको पी क्यू, तो बेटा चार वेरिएबल होते हैं पी क्यू वी डेल्टा, तो भैया इसका नोन क्या है पी क्यू पता होता है, तो तुमको इसमें क्या नहीं दिया होता है वी डेल्टा, तो भैया इसका आंसर क्या हो गया वी डेल्टा। तो लोड बस का आंसर क्या हो गया टू हो गया, इसका क्या हो गया टू आ गया। उसके बाद जनरेटर बस क्या होता है आपका पीवी बस होता है, P और V पता होता है, P और V पता होता है, क्या नहीं पता होता है Q डेल्टा नहीं पता होता है, क्या हो गया इसका आंसर ये हो गया, ये क्या हो गया आपका दिस इज योर टू का क्या हो गया, B का क्या हो गया बेटा आपका वन हो गया। और थ्री क्या होता है स्लैक बस, स्लैक बस में क्या पता होता है आपको V और डेल्टा पता होता है, तो क्या पता नहीं होता है आपको P और Q नहीं पता होता बेटा, इसका आंसर क्या हो गया थ्री हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया बेटा टू वन थ्री, टू वन थ्री। तो हमेशा रखिएगा वो एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन देख बच्चों से गलती करवाता है, आपको गलती नहीं करनी बेटा, इसलिए हम आप मेहनत से इतना पढ़ा रहे हैं आपको, ध्यान से इस बात को याद रखिएगा कि आपको बताएगा नहीं कि हाँ नोन अननोन बताओ, वो आपसे बोलेगा कि हाँ तुम बस मैच करो। तो आपको अपना दिमाग लगाना है, कॉमन सेंस यूज करना है कि हाँ अगर नोन निकाल रहे हैं तो सबका नोन होना चाहिए, अननोन निकाल रहे हो तो वो सबका ही अननोन होना चाहिए बेटा, ओके। तो आई होप बेटा आप बात इसको समझ में आओगे, ये बात अगर आपको समझ में आई है समझ दिखाइए, ये बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा। जितने बच्चे क्या कर रहे हैं बेटा यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर हो गए, यूपी
आर्मिनल हो गया, आपका आर्मिनल हो गया, जितने पेपर है आपको बेटा उसमें ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये जो मैचिंग वाला है, मैचिंग वाले में बच्चे गलती करेंगे करेंगे, लोड मतलब समझेंगे पीक्यू, लेकिन बेटा यहाँ पे पीक्यू नहीं होगा क्योंकि बेटा वो क्या है अननोन है बेटा। ओके चलिए वेरी गुड। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको बेटा सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले बेटा। ओके चलिए, ये रहा भैया अगला क्वेश्चन। ये क्या बेटा आपका अगला क्वेश्चन बेटा कह रहा है कि भैया इसमें से कौन सा डैम्पिंग हम लोग कौन सा डैम्पिंग यूज करते हैं बेटा आपके कहां पे पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में कौन सा डैम्पिंग यूज करते हैं आपको पता है बेटा क्या होता है हमारे इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है एक होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है एक क्या होता है बेटा कंट्रोलिंग टॉर्क होता है और एक क्या होता है आपका एक होता है क्या डैम्पिंग टॉर्क होता है। डैम्पिंग क्या होता है आपका जो आपका पॉइंटर है वाइब्रेट करता है उसको रोकने के लिए तो भैया उसको स्टैंड स्टिल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं पीएमएमसी में कौन सा डैम्पिंग यूज करते हैं बेटा। तो याद रखिएगा एयर फ्रिक्शन नहीं बेटा फ्लूइड मैकेनिक्स फ्लूइड फ्रिक्शन नहीं बेटा आपका एडी करंट हाँ बेटा एडी करंट हम लोग यूज करते हैं बेटा आपका पीएमएमसी में। तो आंसर विल बी ओनली थ्री आंसर विल बी ओनली थ्री इज द राइट आंसर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम याद रखिएगा। और याद रखिएगा बेटा इसमें इसमें याद रखिएगा हम लोग जो पीएमएमसी में जो हम लोग स्प्रिंग यूज करते हैं वो क्या होता है वो क्वाइल के सीरीज में लगता है क्वाइल के सीरीज में लगता है। तो कभी भी कोई पूछेगा कि भैया मान लो पीएमएमसी में आपका स्प्रिंग टूट गया तो उसमें डिफ्लेक्शन कितना होगा आपको भैया जीरो होगा क्योंकि भैया सर्किट क्या हो जाएगा सर्किट ओपन हो जाएगा अगर स्प्रिंग क्या हो जाएगा ओपन हो जाएगा तो बेटा। तो इस बात को हमेशा दिमाग में रखिएगा। ओके चलो आगे बढ़ते आगे बढ़ते। ये क्वेश्चन कह रहा है कि भैया टू पोर्ट नेटवर्क पड़े हो तो बताओ इसको कह रहा है भैया कि टू पोर्ट नेटवर्क पड़े हो तो इसका आंसर बताइए बेटा। कह रहा है कि अगर तुमने टू पोर्ट नेटवर्क पढ़ा है तो बताओ भैया क्योंकि टू पोर्ट से पूछेगा क्वेश्चन। तो कह रहा है कि भैया हमारे पास कितने पैरामीटर होते हैं जो भी पैरामीटर होता है आपके पास वो आपसे पूछ रहा बेटा। तो भैया हाइब्रिड पैरामीटर कौन सा बेटा आपका हाइब्रिड पैरामीटर। तो भैया आपको पता है हाइब्रिड पैरामीटर में होता है बेटा क्या होता है इसमें जो आपका वी वन आई टू जो होता है वो क्या होता है आपका ये जो आपका होता है V1 I2 इट इज द फंक्शन ऑफ इट इज द फंक्शन ऑफ बेटा क्या I1 V2 इसको याद रखिएगा। आंसर इज योर V1 I2 इज द फंक्शन ऑफ I1 बेटा। इसमें और इसमें बच्चे गलती करेंगे इसमें और सी और डी में बच्चे गलती करते हैं याद रखिए बेटा आपका हाइब्रिड पैरामीटर में क्या होता है V1 I2 इज द फंक्शन ऑफ I1 V2 इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। और आपको इसका इक्वेशन लिखना पड़ा ऐसे ऐसे लिखते हाँ V1 इज इक्वल टू H11 ऑप्शन ए है ये कौन सा पैरामीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है ये जो ए ऑप्शन है वो किस पैरामीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है ये जो है वो किस पैरामीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है बात बेटा ये क्या है जेड पैरामीटर मतलब कि जेड पैरामीटर क्या ओपन सर्किट पैरामीटर हाँ बेटा। इस तरह क्या बेटा I1 I2 इन टर्म्स ऑफ V1 V2 ये क्या आपका ये हो गया Y पैरामीटर हो गया ये क्या आपका Y पैरामीटर हो गया। और बेटा आगे देखते बेटा तो यहाँ पे I1 V2 एंड V1 I2 बेटा ये इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है बेटा ये हमने पता कर लिया ये क्या आपका H पैरामीटर है इसको बताओ तो बूझे इसको बूझो तो बताए इसको बूझो तो बताए बेटा। यस वेरी गुड इन्फिनिटी ज्ञान यात्रा ओके बेटा वेरी गुड एच हो गया बेटा इनवर्स एच बेटा इन्फिनिटी यस बेटा एक्टिव रीजन में आपका जो बीजेटी है वो जो एक्टिव रीजन में उसमें जो कलेक्टर बेस है देखो बेटा ध्यान देखना यहाँ पर क्या दिया है कलेक्टर बेस दिया है बच्चे क्या याद रखते हैं एक्टिव रीजन मतलब क्या होता है एक्टिव रीजन मतलब क्या होता है फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस नहीं भैया ऐसे मत याद रखो आपको यह याद रखना है कौन सा आपका जो आपका बायसिंग है वो किसके बीच में तो आपको याद रखना है कलेक्टर बेस में क्या होता है आपका क्या होता है कलेक्टर बेस में क्या होता है रिवर्स बायस होता है। बच्चे ने क्या उसने क्या किया पहले पूछ दिया कलेक्टर बेस तो आपका पहला आंसर क्या आएगा आपका पहला आंसर आएगा रिवर्स यहां पर क्या आएगा रिवर्स और आगे बेटा यहां पर आपका इमिटर बेस क्या आएगा फॉरवर्ड यहां पर आंसर क्या आएगा आपका रिवर्स फॉरवर्ड तो उसने आपने आपसे गलती कराने के लिए क्वेश्चन को थोड़ा उल्टा पूछ लिया है तो आप लोग गलती मत करिएगा इसका आंसर फॉरवर्ड रिवर्स मत दे दीजिएगा बेटा। ओके चलिए और ये किसका है फॉरवर्ड किसका है बेटा ये आपका सैचुरेशन है
सैचुरेशन रीजन, रिवर्स रिवर्स की साइड आपका ये कट ऑफ रीजन है। तो बार बार ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि गलती होते बेटा। और ये एक बात और, अल्फा क्या होता है आपका बीटा वन प्लस बीटा, इसी तरह आपका बीटा क्या होता है अल्फा वन माइनस अल्फा ना बेटा। और आपका जो डोपिंग होता है सबसे ज्यादा डोपिंग किसमें होता है आपका, आपका सबसे ज्यादा डोपिंग किसमें होता है इमिटर में, फिर कलेक्टर में, फिर बेस में। सबसे बड़ा साइज किसका होता है, साइज देखा जाए तो साइज सबसे बड़ा किसका होता है कलेक्टर का, फिर का बड़ा इमिटर का, फिर किसका बड़ा बेस का। इस तरह से चीजें आपसे पूछी गई है बेटा एमसीक्यू में, आपको ध्यान से सारी चीजों को रिवाइज करा रहा हूं। क्यों? क्योंकि बड़ा क्वेश्चन आएगा तो गलती नहीं करना बेटा। ओके चलिए, बेटा क्या बेटा आपका ये करंट गेन है, ये क्या होगा आपका आईसी बाय आईबी, कलेक्टर करंट बाय बेस करंट है ना बेटा। इसी तरह आपका अल्फा क्या बेटा आपका, दिस इज योर आईसी बाय आई। तो ये सब याद रखिए बेटा, हमेशा याद रखिएगा, अल्फा क्या होता है हमेशा एक से कम होता है, बीटा क्या होता है एक से बहुत ज्यादा होता है, एक से बहुत ही ज्यादा होता है। तो ये छोटी छोटी देखो बेटा, यहाँ पे हमने दो एक मिनट में पांच छह क्वेश्चन कर लिए, क्योंकि बेटा ये सारे पांच छह क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। दिमाग में हमेशा बरकरार रखिएगा कि साइज जो होता है सबसे ज्यादा किसका होता है, कलेक्टर का होता है, फिर एमीटर का, फिर बेस का। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, अब यहां से आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन बेटा, कह रहा है कि भैया 100 माइक्रो एम्पियर, माइक्रो मतलब क्या होता है आपका, माइक्रो एम्पियर क्या बड़ा 10^-6। अच्छा भाई ठीक है, कह रहा है 100 माइक्रो एम्पियर है जिसमें 300 ओम मीटर का मूवमेंट है ना बेटा, 300 ओम का है वो, 3000 ओम का है सॉरी। तो कह रहा है कि उसमें हम लोग शंट रेजिस्टेंस कितना लगाएंगे फॉर डबलिंग द करंट रेंज। तो भैया पहले क्या था 100 था, फिर कह रहा है भैया हमको इसको डबल करना है, तो हम कितने का शंट रेजिस्टेंस लगाएंगे। ये भैया रहा एमीटर, इसमें हम क्या करना बेटा, हमको शंट में लगा देंगे रेजिस्टेंस, हमारा इसका रेंज बढ़ जाएगा। तो कह रहा है जो शंट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, ये जो शंट रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू क्या होगी अगर हमको जो रेंज है एमीटर का उसको डबल करना है। तो हमने आपको बताया है कि जितने टाइम्स बढ़ रहा है रेंज उसमें से माइनस वन करके उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा शंट रेजिस्टेंस आ जाएगा जो कि आप लोग एमीटर में लगाओगे ताकि उसका रेंज बढ़ जाए। तो बेटा इसमें आंसर क्या होगा बेटा, इस केस में आंसर क्या होगा बेटा, देखो आपका ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखोगे तो गलती होगी इसमें। क्यों? क्योंकि यार आपसे जो कह रहे इतना ही आ जाएगा। देखो बेटा देखो आपका कितना टाइम से रेंज बढ़ रहा है, ये कितना हो रहा है दो गुना हो रहा है, कितना हो रहा है दो गुना, टू टाइम्स हो रहा है। तो टू में से एक गया, कितना बचा एक बचा, और आपको इस ए को किससे डिवाइड करना है, आपको जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल कितना है बेटा आपका 3000 है। तो आंसर क्या है बेटा आपका 3000 ओम आ जाएगा, आंसर क्या है बेटा आपका 3000 ओम आ जाएगा, आंसर क्या है बेटा आपका 3000 ओम आ जाएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर ध्यान से क्वेश्चन करने बेटा, ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए बेटा। ओके चलो इसी बात पे थोड़ा सा मैं इसको और अच्छा कर देता हूं। मान लो हमने यहां पे लिख दिया बेटा, इसको डबल हटा दिया, इस डबल को हटा दिया, मान लीजिए इस डबल को हटा दिया बेटा, इस डबल को हटा दिया है ना बेटा, और हमने यहां पे क्या लिख दिया ट्रिपल, क्या लिख दिया बेटा हमने यहां पे ट्रिपल लिख दिया। तो उस केस में हमको शंट में कितना रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा ताकि हमारा जो मीटर है उसका जो रेंज है वो बढ़ जाए। भैया कितना लगाएंगे बेटा जल्दी से, ध्यान से आराम से बता बेटा, कितना है तीन गुना हो रहा है, तीन गुना, तीन में से एक माइनस किए दो, और फिर दो को इंटरनल रेजिस्टेंस डिवाइड कर देंगे तो 3000 है, 3000 में से आधा किए 1500, तो 1500 का अगर शंट में आर लगाओगे तो आपका रेंज क्या हो जाएगा तीन गुना हो जाएगा, आपका रेंज क्या हो जाएगा बेटा आपका तीन गुना हो जाएगा, तीन गुना हो जाएगा सर। ओके तो हर चीज को ध्यान से प्यार से पढ़ोगे बेटा तो कुछ होता नहीं बेटा, और कुछ होता नहीं बेटा। और इसी में अगर मैं एक क्वेश्चन और बना दूं तो मजा आ जाएगा, आज संडे का दिन हो जाएगा बहुत बढ़िया, अगर मैं इसी में एक क्वेश्चन और बना दूं तो बड़ा ही मजा आ जाएगा। क्या बनाओगे सर, बना दो, हमने के लिख दिया, मान लो क्या है पहले क्या था ये 100 माइक्रो वोल्ट था हाँ बेटा, बाद में हमको क्या करना है, हमको क्या करना है द सीरीज रेजिस्टेंस, हम लोग कितना सीरीज रेजिस्टेंस लगाएंगे ताकि जो हमारा ये क्या है आपका जो मीटर है उसका जो वोल्टेज रेंज है वो क्या हो जाए आपका ट्रिपल हो जाए, आपका वोल्टेज रेंज ट्रिपल हो जाए किसका वोल्ट मीटर का, उसके लिए हम सीरीज में कितना रेजिस्टेंस लगाएंगे ताकि हमारा जो वोल्टेज का रेंज है वो ट्रिपल हो जाए, तीन गुना हो जाए, तीन गुना हो जाए। तो तरीका वही है, कितने टाइम्स बढ़ रहा है उसमें से माइनस वन कर दो, और आपको अब इस केस में क्या करना है वोल्ट मीटर का रेंज बढ़ाने के लिए जो उसका इंटरनल दिया हुआ है उसमें उसको मल्टीप्लाई कर देना है, और जो वैल्यू आएगी उतना अगर तुमने सीरीज में लगा दिया वोल्ट मीटर के तो आपका रेंज क्या हो जाएगा तीन गुना हो जाएगा। तो भैया हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, पहले क्या था 100 वोल्ट था, अब क्या करना है 300 करना है, भाई कितना टाइम्स हो रहा है तीन टाइम्स, तीन माइनस वन दो, अब इस दो को हम लोग क्या करेंगे सीरीज वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे इंटरनल कितना दिया 3000 आपका कितना 6000 लगाएंगे। अब इसको तुम कैसे लगाओगे, इसको लगाओगे तुम किसमें सीरीज में,
वोल्ट मीटर के सीरीज में लगाओगे बेटा, इसको किस में लगाओगे बेटा, आपको वोल्ट मीटर के सीरीज में, सो दैट यू कैन योर रेंज विल गोइंग टू बी बिकम कितना बेटा, 3 गुना। तो इसलिए कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है, आराम से पनीर की तरह काटोगे कट जाएगा, पनीर की तरह कॉन्सेप्ट सिंपल है भैया। क्या एमीटर केस में हम लोग क्या करेंगे, जितने टाइम से उसमें से माइनस वन करके रेंज जो आपका इंटरनल दिया हुआ है उससे डिवाइड कर देंगे। वोल्ट मीटर का रेंज बढ़ाने के लिए कितने टाइम से माइनस वन करके इंटरनल से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको सीरीज में लगा देंगे, काम खत्म। तो हर चीज को ध्यान से प्यार से आराम से सीखना बेटा, बार बार हम इसको बताते हैं, क्यों, क्योंकि हमको सारे क्वेश्चन ऐसे माइंड से करने हैं, इसके लिए फॉर्मूला नहीं लिखना बेटा। ओके चलिए आगे बढ़ते बेटा, आगे बढ़ते बेटा, ये रहा अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि यहां पे आपको दिया हुआ है i5, क्या दे रहा आपको i5 दिया है, कह रहा जो i5 है वो कितना होगा, i5 जो है वो यहां पे कितना होगा बेटा। तो ध्यान से देखोगे तो इसको इसमें इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, सिंपल सा क्वेश्चन बेटा, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। तो भैया टोटल इनकमिंग इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग, तो भैया यहां पे इनकम कितना हो रहा है 4। अब यहां देखो बेटा ये दिया ऐसे, ये ऐसे दिया और ये ऐसे दिया, तो ध्यान से पहले देखो, तो ये रहा 2 इनकमिंग, 5, 2, 7, ये क्या है, तीनों ही क्या इनकमिंग है, ये भी इनकमिंग है, ये भी इनकमिंग है, ये भी इनकमिंग है, तो 4, 2, 6, 6, 5, 11, तो यहां पे कितना आ रहा है 11 आ रहा है बेटा, यहां पे 11 आ रहा है। तो गलती करोगे यहां पे, हमको पता है बेटा गलती होगी, तो गलती क्या होगी वो आप लोग बता बेटा, वो आप लोग बता बेटा, यहां पे गलती क्या होगी वो आप लोग बता बेटा। तो ध्यान से इस क्वेश्चन करोगे तो सारी गलती आपको समझ में आ जाएगी। तो आप लोग आंसर बताइए बेटा, आप लोग आंसर बताइए बेटा, सभी लोग का इसमें आंसर सही आना चाहिए, क्योंकि बेटा ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आंसर क्या होगा बेटा, यहाँ पे आंसर विल व्हाट बेटा, आंसर विल बी व्हाट, यस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, दैट इज 2-2 किसका है बेटा, आंसर 11 आ रहा है 9 जा रहा है बेटा, ओके वेरी गुड वेरी गुड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आंसर क्या होगा बेटा 2 आ रहा है, किसका आंसर 2 आ रहा है बेटा और किसका आ रहा है 11, ध्यान से करना इस क्वेश्चन को, किसका 2 आ रहा है और किसका क्या आ रहा है 9 आ रहा है, दोनों में कंफ्यूजन मत करना, दोनों में कंफ्यूजन मत करना, जो आपको सही लगे वो आंसर आप लोग मेंशन करोगे मुझको और आंसर बताओ बेटा। ओके चलिए वेरी गुड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। देखिए ध्यान से बच्चे क्या करो बेटा, इसमें गलती क्या आएगा बेटा, इसमें गलती क्या आएगा, बच्चे भूलेगा यार हमारा जो करंट आ रहा है वो सारा इसमें चला जा रहा है, अरे भैया यहां पे भी तो कुछ है, यहां पे तो कुछ होगा, तो यहां पे कितना होगा 4 + 3 = 7, भैया 7 होगा ना बेटा, ये तो इसको उसने दिया नहीं है ताकि आप उसको सोचो ना, आपने सोचा क्या भैया यहां 11 आ रहा है, इसमें 2 गया तो इसमें 9 गया, तो वो अलग बात है किसी ने दिया नहीं ऑप्शन, नहीं तो कोई बच्चे क्या कर देगा इसको 9 भी लगा देगा। लेकिन आपको ध्यान देना है कि बीच में एक सर्किट है, एक आपका वायर है, तो भैया उस वायर में कितना जा रहा है आपका 4, 3, 7, ये 7, 2, 9 और ये 11 में माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, तो आंसर विल बी 2 विल बी द राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन में गलती नहीं करना है, आपको हर चीज को ध्यान देखना, जो बीच वाला वायर है उसमें उसने कुछ दिखाया नहीं है ताकि आप डर जाओ और गलत कर दो, लेकिन आपको गलत नहीं करना सर, आंसर इज 2 इज द राइट आंसर बेटा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग दीजिए बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग दीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है हटके है, क्योंकि ये क्वेश्चन जनरली आपको मिलता नहीं किताब में, और यही क्वेश्चन आपको दिया था इस बार 2 साल पहले, इस क्वेश्चन को उसने दिया था, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता बेटा ताकि आपको दिखे, मैं थोड़ा इसको छोटा कर देता बेटा है ना, ताकि आपको दिखे बेटा, ताकि आपको दिखे। कह रहा है कि RLC सर्किट में आपको बोल रहा है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितना ओमेगा नॉट है, नेचुरल कितना ओमेगा डी है, तो यहां पूछ रहा है नीपर फ्रीक्वेंसी, ये क्या होता बेटा, ये नीपर फ्रीक्वेंसी क्या होता बेटा, तो ये जो नीपर फ्रीक्वेंसी है सारा नीपर निकल निकाल देगा ये सबका, तो ध्यान से जो नेपर फ्रीक्वेंसी है, नीपर किसकी यूनिट होती है पहले ये बताओ बेटा, उसके बाद नेपर फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। तो हमेशा एक बात याद रखिए बेटा, हमेशा एक बात याद रखिएगा, आपको क्या होता है जो कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है उसमें क्या होता है, अल्फा होता है और एक होता है बीटा होता है, जो आपका ये रियल पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निपर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अभी इसको हम लोग ज्यादा डिटेल में लेकर नहीं जाएंगे, लेकिन याद रखिए बेटा आपका जो आपका पैरेलल में जो होता है निपर फ्रीक्वेंसी वो कितना होता है आपका, दैट इज होता है आपका 1/2 RC, किसमें बेटा आपके पैरेलल में, कौन, ये जो अल्फा है दैट इज निपर फ्रीक्वेंसी है, और सीरीज में क्या होता है आपका, ये बेटा सीरीज में होता है आपका दैट इज योर R/12। तो ये क्वेश्चन आधे बच्चों को तो समझ नहीं आता कि हाँ क्या हो गया, लेकिन ये क्वेश्चन बेटा आया हुआ था इसलिए हमने इसका क्वेश्चन आंसर पहले दे दिया आपको, वो ज्यादा डिटेल में नहीं लेके जाएगा, आपसे पूछेगा नेपर फ्रीक्वेंसी क्या होता है पैरेलल और सीरीज के लिए, इसको याद रखिएगा, बिलीव मी क्वेश्चन आ जाएगा, तो ऐसे छूटना नहीं चाहिए, ये छूटना नहीं चाहिए बेटा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग में रखिए बेटा। तो आंसर इज योर 1/2 RC, कहां दिया ये रहा 1/2 RC और R/12 का ये रहा बेटा, तो दिस इज द नेपर फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस इज पैरेलल एंड दिस इज सीरीज बेटा, तो इसको याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका डिटेल में जानना है तो हमारा रेजोनेंस वाला
चैप्टर देखिएगा, हमने वहां पे इसको समझाया हुआ बेटा। ओके चलिए आगे बढ़ते बेटा, यहां से अब यहां से आगे बढ़ते। कह रहा है कि भैया मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में जो आपका वोल्टेज सोर्स है इन सीरीज विद द इंपेडेंस डिलीवर मैक्सिमम एवरेज पावर टू द लोड इंपेडेंस जनरेटर व्हेन, कब कब भैया कब होगा, कब होगा ऐसा, ऐसा कब होगा बेटा, ऐसा कब होगा, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ, जल्दी बताइए, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताइए, आराम से बताइए बेटा, आराम से बताइए बेटा, आंसर क्या होगा, आराम से बताइए बेटा, है ना बेटा, आराम से बताएंगे बेटा आंसर, आंसर आराम से बताएंगे। ये क्या आपका, यह है सिर्फ थ्री ओम। ओके चलिए, तो भैया हमको पता है क्या सर, जब हमारा क्या होता है लोड इंपेडेंस क्या होता है, कंजुगेट ऑफ थेवेनिन इंपेडेंस होता है, तो हमारा क्या होता है मैक्सिमम पावर जाता है लोड में। अब इस केस में बताओ बेटा, इस केस में ये रहा लोड, ये क्या है आपका लोड है, ये क्या आपका लोड है, ये क्या आपका लोड है, ये क्या आपका लोड है। तो हमसे पूछ रहा है कि हम आर की वैल्यू क्या रखें कि हमारा मैक्सिमम पावर फ्लो हो सके। इस केस में बताओ बेटा, इस केस में आंसर, चलो इसमें आपने बता दिया, मैं इसमें पूछ रहा हूं कि मान लो यहां पर दिया है 20 वोल्ट और बोल रहा है ये रहा हमारा लोड, ये क्या बेटा हमारा लोड है, क्या हमसे लोड है बेटा, ये हमारा क्या है लोड है, ये हमारा क्या है लोड है, ये हमारा क्या है लोड है, ये हमारा लोड है बेटा। तो कह रहा है कि हम आर की वैल्यू क्या रखेंगे कि हमारे लोड में, हमारे लोड में मैक्सिमम पावर जाए बेटा, आर की वैल्यू क्या रखेंगे कि हमारे लोड में मैक्सिमम पावर जाए। पहला क्वेश्चन, पहला क्या है थ्री है, थ्री ओम, दूसरा क्या बेटा आपका जीरो है, तीसरा क्या आपका इनफाइनाइट है, और चौथा क्या है नन ऑफ दिस, इट इज योर नन ऑफ दिस। भैया आंसर क्या होगा, तो भैया इसमें आंसर क्या होगा, तो देखो बेटा ऐसे क्वेश्चन करने में दिक्कत होती है, ध्यान रखिए बेटा। पहली बात, पहली बात, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम जो है वो कब एप्लीकेबल है, जब आपका लोड क्या होता है वेरिएबल होता है, जब क्या होता है आपका लोड वेरिएबल होता है। अब बेटा यहां पे देखो आपका लोड जो है वो कांस्टेंट है, तीन ओम का दिया हुआ है, मतलब वो तीन ओम हमेशा रहेगा, आपका जो लोड है वो तीन ओम हमेशा रहेगा बेटा। तो यहां पे हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम नहीं लगा सकते, यहां पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि हमारा लोड क्या है फिक्स है, फिक्स है, तो हम लोग एमपीटी नहीं लगा सकते। एमपीटी का कंडीशन क्या है कि आपका लोड वेरिएबल होगा तभी आप लोग उसको लगाओगे बेटा। तो इसकी बात, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि हमको भैया क्या करना है, हमको यहां पे इस, ये हमारा लोड है, ये हमारा लोड है, तो यहां पे मैक्सिमम पावर चाहिए, तो यहां पे हमको मैक्सिमम करंट चाहिए बेटा। तो यहां पे अगर तुमको मैक्सिमम करंट चाहिए तो जो यहां से करंट निकलेगा, हम चाहेंगे कि जो भी यहां से करंट निकलेगा वो सारा यहां चला जाए, वो सारा कहां चला बेटा, यहां चला जाए। तो सारा करंट यहां जाने के लिए हमको इसको क्या करना पड़ेगा, इसको हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, इनफाइनाइट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि करंट जो होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो आर जितना ज्यादा होगा करंट उसमें उतना कम जाएगा बेटा। तो अगर ये इनफाइनाइट हो गया तो हमारा सारा करंट कहां जाएगा बेटा, लोड में जाएगा और उसको मैक्सिमम पावर मिलके चलाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो बेटा इसका आंसर क्या होगा बेटा, आपका इनफाइनाइट हो जाएगा, आंसर विल बी इनफाइनाइट। हमेशा याद रखिएगा कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कब लगाओगे, जब आपका लोड क्या होगा वेरिएबल होगा। अगर वेरिएबल नहीं है तो तुमको भैया वो कंडीशन सोचनी है जिससे वहां पे करंट मैक्सिमम पहुंच पाए। तो यहां पे मैक्सिमम करंट पहुंचाने के लिए हमको इस आर को इनफाइनाइट करना पड़ेगा, तभी हमारा क्या होगा वहां पे मैक्सिमम करंट जाएगा और आंसर क्या आएगा आपका, आंसर वहां पे पावर मैक्सिमम पहुंच जाएगा। तो ऐसे चीजों को समझ के आपको करना बेटा, ऐसे चीजों को आपको समझ करना है। चलो इसी पे, इसी बात पे, इसमें एक क्वेश्चन और, इसी बात पे, इस पे एक क्वेश्चन और बेटा, इसी बात पे, इस पे एक क्वेश्चन और, कैसा बेटा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन ये रहा, इसी बात पे एक क्वेश्चन और बेटा, मैंने मान लिया ऐसे दे दिया प्लस माइनस, यहां दे बेटा ये, यहां पर क्या दे दिया, यहां पर दे दिया बेटा ये, ठीक, आर यहां पर क्या ऐसे दे दिया, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा लोड है, ये हमारा लोड है बेटा, लोड की वैल्यू क्या दे दी हमने, फिर से ले ली थ्री ओम, थ्री ओम ले लिया। तो कह रहा है हमको लोड पे मैक्सिमम पावर चाहिए, लोड पे मैक्सिमम पावर चाहिए, यहां पे मैक्सिमम पावर चाहिए, तो उसके लिए हम आपको आर की वैल्यू क्या रखें, आर की वैल्यू क्या रखें, आर की वैल्यू क्या रखें कि हमको मैक्सिमम पावर मिल जाए, हम आर की वैल्यू क्या रखें कि हमको मैक्सिमम पावर मिल जाए। तो पहला ऑप्शन क्या बेटा, पहला ऑप्शन दे दिया उसने, पहला ऑप्शन दे दिया बेटा क्या, पहला ऑप्शन दे दिया सिक्स, पहला ऑप्शन क्या दे दिया सिक्स ओम दे दिया, दूसरा जीरो, तीसरा इनफिनाइट, चौथा नन ऑफ दिस। तो देखो बेटा हम क्या सोचेंगे, हम ये सोचेंगे कि अरे यार ये तीन है तो ये भी तीन हो जाए किसी तरह, तो इसको तीन करने के लिए हम इसको छह कर देंगे, छह और छह तीन हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, आधे बच्चे करके आएंगे। लेकिन वो ये नहीं जानते कि भैया मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम हम कब लगाएंगे, जब हमारा लोड क्या होगा वेरिएबल होगा, चेंज करता हुआ होगा, तब हम लोग इसको यूज करते हैं। तो ये तो फिक्स है, ये थ्री ओम है, तो यहां पे हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम नहीं लगाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमको यहां पे अगर मैक्सिमम पावर चाहिए तो हमको यहां पे मैक्सिमम करंट चाहिए होगा,
यहाँ पे मैक्सिमम करंट आएगा तो हमको मैक्सिमम पावर मिलेगा। तो भैया उसके लिए हमको यहाँ पे वैल्यू क्या रखे, यहाँ पे वैल्यू क्या रखे बेटा? तो अगर हम क्या करें बेटा, यहाँ से मान लो करंट जा रही है तो हम चाहेंगे कि सारी करंट इसमें कुछ ना जाए, सारी करंट इसमें से चली जाए और यहाँ पहुंच जाए। तो भैया सारी करंट इसमें जाने के लिए इसको हमको शॉर्ट करना पड़ेगा, और शॉर्ट मतलब क्या होता है, आर को जीरो करना पड़ेगा सर। तो आंसर क्या आ गया, जीरो आ गया आंसर सर, जीरो हो जाएगा। तो अगर तुमने आर को जीरो कर दिया, तुम्हारा लोड के पास मैक्सिमम पावर पहुंच के चला जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन होते, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, रटना नहीं है कि हाँ रट लियो कि हाँ आर एल इज इक्वल टू आर टी एच मैक्सिमम पावर, नहीं बेटा। वो कंडीशन कब ट्रू है, जब आपका लोड क्या होगा, वेरिएबल होगा, उस केस में आप लोग उसको लगा दोगे चलेगा। लेकिन जब आपका लोड कॉन्स्टेंट है, वैल्यू दिया हुआ है, उस केस में भैया वो आपका इनवैलिड हो जाएगा भैया। तो दिमाग में रखना, इस बात को दिमाग में रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और अच्छे अच्छे बच्चे इसमें गलती करते हैं, चाहे ईएस हो, चाहे पीएस हो, चाहे एई हो, चाहे जेई हो, सब गलत करके आते हैं। बट आप लोग ध्यान से इसको कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना बेटा, ओके। चलो वेरी गुड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप बेटा बात समझ आई बेटा, दिखाइए बात अगर समझ आई बेटा, तो आप 150 लाइक तो हो जाना चाहिए बेटा, 150 लाइक तो हो जाना चाहिए, इतना कम क्यों है, ओके। चलो वेरी गुड, तब तक हम बेटा इसको हटाते आगे करते हैं, आप लोग आगे बढ़ा बेटा उसको, ओके। चलिए चलो, इसी में देखो बेटा लास्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा हमारा लास्ट क्वेश्चन, ये हमारा क्या है लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद भैया नहीं लगाएंगे, इसके बाद हम नहीं लगाएंगे बेटा, ओके। चलो ये क्या है, ये 6 है, ठीक है, ये 6 है, ओके। ये क्या बेटा आपका, ये क्या है, ये आपका 6 है, नहीं बेटा ये नहीं बेटा, ये नहीं, ये ध्यान से अभी देखो, थोड़ा सा चिंतन बेटा, थोड़ा सा ध्यान देखें बेटा, इस क्वेश्चन को जो कर लिया समझ लो उसका काम हो गया बेटा, जो इस क्वेश्चन को कर लिया बेटा समझ आइए उसका काम हो गया। ये 6 है, ठीक है, ये 6 है, लोड हमारा कहां पे है, लोड हमारा यहां पे बेटा, यही तीन कंडीशन होती है बेटा, यही तीन कंडीशन होती है, कह रहा है लोड यहां पे, हमारा लोड यहां पे है, तो कह रहा है लोड के वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि हमारा आंसर क्या है बेटा, मैक्सिमम पावर यहां से पहुंच पाए, मैक्सिमम पावर हमको यहां पहुंचाना है। तो आपका जो इस लोड की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा, तो लोड की वैल्यू उसने दिया नहीं हुआ, तो इस केस में हम क्या आंसर देंगे बेटा, ऑप्शन दे रहे हैं आपको, पहला ऑप्शन 12, दूसरा ऑप्शन बेटा क्या आपका, दूसरा ऑप्शन दे दिया बेटा क्या 6, तीसरा ऑप्शन क्या दे रहे आपको, तीसरा ऑप्शन दे दिया बेटा हमको, तीसरा ऑप्शन 3, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दिस, चौथा ऑप्शन क्या बेटा आपका, नन ऑफ दिस। तो इस केस में हमको ये रहा हमारा लोड, कह रहा है इस लोड की वैल्यू क्या रखें कि हमारा यहां पे मैक्सिमम पावर पहुंच पाएगा बेटा। तो यहां पे क्या रखें बेटा, यहां पे हम लोग क्या रखें बेटा, तो यहां पे हम क्या रखें बेटा, तो यहां पे कितना होना चाहिए बेटा, यहां पे कितना होना चाहिए बेटा, तो ध्यान से प्यार से देखोगे तो क्वेश्चन कर लो बेटा, क्वेश्चन कर लो। अब देखो बेटा हमको लोड में वैल्यू नहीं दिया है, लोड में वैल्यू नहीं दिया है, मतलब हम लोग यहां पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम लगाएंगे। तो भैया उसको लगाने के लिए हमने क्या किया, इसको ओपन कर दिया, इसको हमने क्या किया बेटा, यहां से इसको हमने ओपन कर दिया भैया, और इसको हमने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। जब इसको तुम शॉर्ट करोगे तो यहां से तुम जब आर निकालोगे, तुमको दिखेगा क्या भैया, ये और ये क्या है पैरेलल में है, ये और ये क्या है पैरेलल में है, तो भैया 6-6 पैरेलल में हो जाएगा, आंसर क्या जाएगा, 3 विल बी द राइट आंसर, 3 विल बी द राइट आंसर, बस काम हो गया। सर्किट है भैया, बुझा हुआ खेल है, खेल लो तो खेलो, एंजॉय करो, ये गेम है बेटा, गेम है, हार जीत लगी रहती है, उससे भागो मत, खेलो। 3-4 कंडीशंस होती है, रूल रेगुलेशन होते हैं, वो सीख लो और खेलो और सीख जाओ बेटा। तो ऑलवेज रिमेंबर, ऑल दिस थिंग्स आर लाइक अ गेम, यू हैव टू नो ऑल द कंडीशंस, देन यू कैन विन दिस गेम बेटा, क्योंकि हमारा सिलेक्शन आएगा, पैसा जेब में आएगा, पैसा आएगा तो हमारा सब कुछ काम हो जाएगा बेटा, ओके। चलिए तो आगे बढ़ते बेटा, अब यहां से आगे बढ़ते, कह रहा है कि हमको बताइए कि हमारा जो ए बी है, ये ए है, ये बी है, यहां पे हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, यहां से अगर हम देखेंगे, हम लोग इक्विवेलेंट निकालेंगे रेजिस्टेंस, तो वो कितना निकल के आएगा, यहां से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकल के आएगा वो हमसे पूछ रहा है भैया, वो हमसे पूछ रहा है यहां पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा बेटा। तो तुम ध्यान से देखो बेटा, इसको तुम ध्यान से करोगे, आंसर बड़ा ही आराम से आएगा, कैसे आएगा बेटा, देखो तुमने क्या किया, मान लो यहां पर तुमने करंट भेजा, तो जो करंट भेजोगे वो इसमें जाएगा और इसमें जाएगा बेटा, तो जो इसमें करंट जाएगा, मान लो I1 जाएगा, ये I1 इसमें जाएगा, इसमें जाएगा बेटा, है ना बेटा, ये क्या है, क्या है ये आपका करंट सोर्स है, तो ये ओपन हो गया, तो जो करंट है वो इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, तो हम देख रहे हैं I1 इसमें गया, इसमें गया, इसी तरह इसमें जाएगा I2, तो हमने ये देख रहा है कि ये दोनों क्या है सीरीज में, ये दोनों सीरीज में और इसके पैरेलल में, ये दोनों क्या जाएंगे, एक दूसरे के पैरेलल में होकर चले आएंगे बेटा। तो बस आपको देख रहा बेटा,
ये क्या है, दो और दो चार, ये क्या हो गया चार हो गया बेटा, ये क्या हो गया चार, और ये क्या आपका हो गया, ये छह और चार दस, ये दस बेटा, ये क्या बेटा दस हो गया बस। तो भाई यही दस बस करो बेटा, पर आंसर आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आंसर। तो भाई यहाँ से निकालो बेटा आंसर आ जाएगा बेटा, यहाँ सॉल्व करो बेटा, चालीस बाय चालीस बाय चौदह, तो ये कितना आपका, ये हो जाएगा आपका एट जोर बेटा, एट जोर टेन बाय सॉरी ट्वेंटी बाय सेवन बेटा। ओके इसको सॉल्व कर दोगे आंसर को, सात दुना के चौदह, सात दुना चौदह और सात चौदह बेटा यहाँ पे, और आपका उसके बाद आंसर निकालो बेटा, सेवन टू जाए फोर्टीन और यहाँ पे जाएगा सिक्स, तो सेवन एट जाए फिफ्टी सिक्स, तो आंसर विल बी 2.86, 2.86 विल बी द राइट आंसर। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आपको कंफ्यूजन लगे कि हाँ यार कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है, तो गलती नहीं करना बेटा, चुपचाप से आंसर निकाल लोगे। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या ध्यान रखना है, करंट फ्लो करा दो, जहां जहां करंट सेम होगा वो सीरीज में होगा, जहां जहां करंट क्या होगा बेटा आपका अलग होगा वो पैरेलल में हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन मैं एक असाइनमेंट दे रहा हूं आपको, एक मैं असाइनमेंट दे रहा हूं, मैंने क्या किया, इस करंट सोर्स को जगह क्या लगा दिया हमने, वोल्टेज सोर्स लगा दिया। यहां पे हमने करंट सोर्स जगह क्या लगा दिया बेटा, हमने वोल्टेज सोर्स लगा दिया। इस केस में आंसर हम लिखोगे बेटा आप लोग कहां पे, कमेंट बॉक्स से। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन बन गया ये, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन बन गया। हमने क्या किया यहां पर बेटा, इस करंट सोर्स जगह हमने क्या लगा दिया, वोल्टेज सोर्स लगा दिया। इस केस में आंसर क्या आएगा, ध्यान से बेटा, मैंने कहा ना बेटा ध्यान से, मैंने फिर से कहा ध्यान से बेटा, मैंने फिर से कहा ध्यान से, ध्यान मतलब ध्यान। ओके चलो बेटा वेरी गुड, तो इसका आंसर दीजिए बेटा, इसका आंसर दीजिए बेटा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है भैया बूल टैग, भैया बूल क्या आ गया, बूल टैग इन प्रोग्रामिंग लॉजिक कंट्रोल पीएलसी में बूल टैग क्या होता है, पीएलसी में बूल टैग क्या होता है, वो हमसे पूछ रहा है। हमको आएगा तो देंगे, नहीं आएगा स्किप कर देंगे, लेकिन आपको याद रखना है, हम आपको बताई दे रहे हैं, याद रखिए भैया, याद रखना भैया क्या होता है बूल टैग, क्या होता है, इट इज द होल्ड ट्रू और इट इज यूज्ड फॉर होल्ड ट्रू और फॉल्स वैल्यू। क्या कहता है ये, आपका होल्ड करता है ट्रू वैल्यू को और फॉल्स वैल्यू को, होल्ड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा पीएलसी में बूल टैग यूज करते हैं। दो बार ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए हमने आपको बता दिया बेटा, बूल टैग का फंक्शन याद रखना, कभी भी आएगा तो गलती ना होने पाए बेटा। ओके चलिए आगे बढ़ते बेटा, आगे बढ़ते। कह रहा है कि क्या है भैया, एगो सीरीज आरएलसी सर्किट है, चलो ठीक है मान लिया। कह रहा भैया कि सीरीज आरएलसी सर्किट में जो आपका सर्किट है उसमें बिलो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से नीचे आपका जो करंट होगा वो क्या करेगा। तो भैया हम यहां बना लेते हैं, सीरीज है लो भैया, सीरीज हो गया, सीरीज में क्या होता है करंट मैक्सिमम होता है, तो ये हमारा क्या होगा करंट हो गया मैक्सिमम, यहां पर क्या होता है भैया फ्रीक्वेंसी हो गया रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। कह रहा भैया इसके नीचे, इसके नीचे भैया रेजोनेंस से नीचे हमारा जो है जो करंट होगा वो क्या होगा। तो आपको पता है सीरीज आरएलसी में रेजोनेंस से नीचे क्या होता है आपका, एक्सी बड़ा होता है किससे, एक्सएल से। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस से। यहां पे क्या होगा बेटा, करंट क्या करेगा बेटा, लीड करेगा किससे बेटा आपका वोल्टेज। ऑलवेज रिमेंबर, करंट विल लीड द वोल्टेज बेटा, करंट विल लीड द वोल्टेज। हमेशा हर चीज को टुकड़े में बांटो, हर चीज को टुकड़े में बांटिए, उसके बाद खाइए बेटा। पिज्जा बड़ा सा आता है उसको एक साथ नहीं खाते हो, तोड़ तोड़ के खाते हो बेटा, तो तोड़ तोड़ के क्वेश्चन को पढ़ लो, सीखो और बेटा आंसर दे दो बेटा। तो इस केस में आंसर क्या है बेटा, इस केस में आंसर बेटा व्हाट, दैट इज योर आई विल लीड द वोल्टेज। ओके चलो इसी क्वेश्चन मान लो बेटा, इसी क्वेश्चन में हमने क्या किया बेटा, इसी क्वेश्चन हमने चेंज किया, हमने यहां कर दिया बेटा पैरेलल, हमने क्या कर दिया यहां पे, हमने लिख दिया पैरेलल, क्या लिख दिया बेटा यहां पे, हमने लिख दिया पैरेलल, पैरेलल में मैं बोलूं पैरेलल यहां पे लिख दिया बेटा हमने, यहां पे लिख दिया पैरेलल। अभी अभी करना मत, अभी आप लोग आंसर नहीं दोगे, अभी आप लोग आंसर नहीं दे बेटा, अभी हम क्या करेंगे बेटा, अभी हम थोड़ा चेंज करेंगे, अभी थोड़ा सा हम और चेंज करेंगे। हम क्या करते हैं यहां पे लिख दिया अबव, हमने यहां पे क्या लिख दिया अबव, हमने यहां पे क्या लिख दिया अबव, हमने कहा ना बेटा अभी आप लोग आंसर नहीं दोगे, अभी आप लोग आंसर नहीं दोगे, हमने क्या किया यहां पैरेलल कर दिया यहां पे अबव द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब इस केस में आंसर क्या आएगा, अब इस केस में आंसर क्या आएगा, तो भैया याद रखिएगा कि पैरेलल में क्या होता है आपका इंपेडेंस मैक्सिमम होता है, करंट क्या होता है कम होता है, ये रहा करंट बेटा, तो ये रहा बेटा क्या आपका यहां पे करंट हो गया, यहां पे क्या होगा फ्रीक्वेंसी होगा, तो ये एफ नॉट है। तो भैया रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से नीचे किसमें, पैरेलल आरएलसी में रेजोनेंस से नीचे क्या होता है आपका एक्सएल क्या होता है ज्यादा होता है एक्सी से, और रेजोनेंस से ऊपर क्या होता है आपका एक्सी ज्यादा होता है एक्सएल से। तो हमने क्या पूछा, रेजोनेंस से ऊपर आपका जो करंट होगा वो क्या करेगा, तो रेजोनेंस से ऊपर जो आपका एक्सी है ज्यादा है एक्सएल से, मतलब क्या हो गया आई क्या करेगा बेटा, लीड करेगा किसे, वोल्टेज से। तो हमारा मेन मोटिव ये है कि आपको सिखाएं कि बढ़िया आपका क्वेश्चन कैसा भी आए एग्जाम में ध्यान रखिएगा पैरेलल सीरीज से रेजोनेंस से क्वेश्चन ना आए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। लिख के ले लो, लिख के ले लो बेटा, रेजोनेंस एक ऐसा टॉपिक है जिससे वो क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, तो आपको उसके लिए तैयार रहना है। सारे हमला चेक द सीरीज देख लीजिएगा, कोई भी उससे बाहर
नहीं आएगा बेटा। ओके चलिए, तो आई होप बेटा ये बात आप लोग समझ में आगे होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहा है इस क्वेश्चन में, कुछ भी लिखा हुआ है तो उसको जाने दो। कह रहा है भैया ए बी के क्रॉस, यहाँ पे ए बी है, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा भैया? तो ध्यान देखो बेटा, ये क्या है, दो दुना के चार, क्या दो दुना चार, ये क्या हो गया चार बाय तीन, चार बाय तीन प्लस आठ क्या बेटा आठ हो गया, तो इसको छोड़ दो क्या आ जाएगा, ये आठ थे चौबीस, अट्ठाईस बाय तीन है ना बेटा, ये क्या आ गया आपका आर आ गया, आर आ गया, और वी निकालो बेटा यहाँ से, तो वी निकालोगे तो क्या जाएगा वी इज इक्वल टू आई इंटू आर, तो क्या होगा बेटा ये आपका फोर बाय थ्री इंटू क्या बेटा अट्ठाईस, बस इसको सॉल्व कर दो आपका आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा, देखो ये अट्ठाईस है, अट्ठाईस के साथ क्या जाएगा बेटा अट्ठाईस में ये हो गया, इसका सही लिखोगे आप लोग, इसका सही लिखोगे क्या बेटा आपका वन प्लस वन बाय थ्री, तो भैया क्या आ गया यहाँ पे अट्ठाईस जाएगा, यहाँ प्लस क्या बेटा आप तीन, तीन नौ सत्ताईस, तो क्या आ गया अट्ठाईस और नौ कितना जाएगा बेटा अट्ठाईस में दो जोड़ दिया, ये आपका कितना आएगा सैंतीस पॉइंट समथिंग आएगा बेटा। तो आपको क्वेश्चन ऐसे करना बेटा, देखिए ऐसे करोगे, देखो कैसे करोगे, फोर बाय थ्री इंटू अट्ठाईस हो रहा है, तुम इसको कैसे लिखोगे बेटा, इसको लिख सकते हो वन बाय वन प्लस वन बाय थ्री इंटू अट्ठाईस, यहाँ पे क्या आएगा बेटा अट्ठाईस और प्लस क्या बेटा यहाँ पे इसको तीन नंबर सत्ताईस, तीन नंबर सत्ताईस, तो कितना जाना होगा ये सैंतीस पॉइंट समथिंग आएगा, तो सैंतीस पॉइंट समथिंग कहीं आ रहा है, ये रहा बेटा आंसर विल बी 37.22 विल बी द राइट आंसर। सो ऑलवेज रिमेंबर, आपको पूरा आंसर निकालने की जरूरत नहीं होती है, अप्रोक्सीमेट किया करो और तुरंत आंसर मार के आगे बढ़ा। ओके चलिए आगे देखते बेटा, आगे देखते हैं, कह रहा है कि भैया एक तो वॉट मीटर है जिसका रेंज क्या है हजार है, ये 10 सेकंड का क्वेश्चन है बेटा, 10 सेकंड में आंसर आना चाहिए, हजार वाट का आपका क्या है वॉट मीटर है, जिसमें कितना है एरर इतना है, कब फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे, तो भैया आपको पूछ रहा है कि 100 वाट पे कितना होगा, तो भैया इसका 1% कितना होगा, इसका 1% होगा कितना बेटा आपका 10 होगा, कितने में पूछ रहा है बेटा, कितने में पूछ रहा है बेटा, वो कितने पूछ रहा है 100 पूछ रहा है, भैया बस कर दो इसको, इसको सॉल्व कर दो, ये कितना है बेटा, ये कितना आएगा 10%। तो फार्मूला मत लिखो, फार्मूला छोड़ो आप, हमने ये कहा कि पहले कितना परसेंट दिया हुआ है वो निकाल लो, कितने पूछ रहा है उसको उससे डिवाइड कर दो आंसर है, जैसे कि मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करता बेटा, मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, हमने ये लिख दिया यहाँ पे, लिखते क्या बेटा हमने लिख दिया यहाँ पे 2%, हम लिख दिया यहाँ पे प्लस माइनस 2% क्या है आपका एरर है फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे, तो भैया 1% क्या होगा 10 होगा, तो आपका 2% कितना होगा 20 होगा, कितने में पूछ रहा है 100 में पूछ रहा है, तो भैया आंसर क्या हो जाएगा आपका 100 कर दोगे यहाँ पे आंसर आ जाएगा 20%। तो आपको फॉर्मूला जब तक आप लोग नोट करोगे तब तक बच्चे आंसर देके आगे बढ़ जाएंगे, वो बच्चे कौन है आप हैं, तो बेटा आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम में क्वेश्चंस कम से कम यूज करना है, तरीके यूज करना है जो कि हम बता रहे हैं आपको बेटा, बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हो आप लोग। ओके चलो इसी बात देखो बेटा, इसी बात पे एक क्वेश्चन बेटा, मान लो हमने यहाँ पे दे दिया बेटा, यहाँ हमने क्या दे दिया बेटा, हमने यहाँ पर लेटर सपोज यहाँ पे दे दिया 5000 वॉट, यहाँ पर दे दिया बेटा आपका 2%, और यहाँ पे कह दिया बेटा हमने 50 दे दिया, तो इस केस में आपका जो रिलेटिव एरर आएगा वो कितना आएगा बेटा, यहाँ पे 500 ले लो दैट इज मोर देन बेटा, 500 ले लोगे तो आपका रिलेटिव एरर कितना आएगा बेटा, 500 ले लोगे तो आपका रिलेटिव एरर कितना आएगा, तो भैया यहाँ पे 1% कितना होगा, 1% होगा 50, 2% कितना होगा आपका 100 हो जाएगा, तो 100 इंटू क्या बेटा आपका 500 इंटू क्या बेटा आपका 100, भैया कितना जाएगा आपका ये जाएगा 20%, क्या जाएगा आपका ये 20%। तो हमेशा रखिए कि पहले फुल स्केल का निकाल लो और कितने में पूछ रहा है उससे डिवाइड कर दो, आपका आंसर निकल के चला आएगा, बस इतना ही आपको याद रखना है, आपको बस डिजिट चेंज होता है बेटा, सारा स्टेटमेंट सारा पूरा सेम रहता है, बस एग्जाम में डिजिट चेंज होता है, आप ईएस की बुक उठा लो आपको बस हर क्वेश्चन में डिजिट चेंज दिखेगा और कुछ नहीं दिखता बेटा, तो हमारा जो तरीका है उसको यूज करिएगा, बहुत जल्दी एग्जाम में क्वेश्चन लगा के आओगे बेटा आप लोग। ओके चलो भैया ये रहा अगला क्वेश्चन, कह रहा है क्वालिटी फैक्टर, भैया ये क्या नया आ गया, डिमांड फैक्टर पढ़े थे आपका, लोड फैक्टर पढ़े थे, ये क्वालिटी फैक्टर क्या आ गया, ये क्वालिटी फैक्टर क्या आ बेटा, तो मुझे बेटा अब जब भी क्या हो एग्जाम में कुछ समझ में ना आए कुछ बुझाए ना, तो कुछ कॉमन सेंस यूज करो, कुछ कॉमन सेंस यूज क्या करो बेटा, जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है क्वालिटी फैक्टर क्या होता है आपका, ये होता है ओमेगा एल बाय आर, ओमेगा एल बाय आर होता है बेटा, तो ओमेगा एल यहां ऊपर क्या आ रहा है इंडक्टर आ रहा है, ऊपर क्या आ रहा है बेटा इंडक्टर आ रहा है, तो इंडक्टर क्या करता है एनर्जी को स्टोर करता है, तो भैया एनर्जी को स्टोर करता है बेटा ना यहाँ पे, तो एनर्जी को स्टोर करता है, तो यहाँ पर याद रखिए बेटा, ऐसे आप लोगों को दिमाग में रखना इसको कि हाँ ऊपर एनर्जी स्टोर नीचे एनर्जी डेसिपेट, याद रखिएगा आंसर विल बी 2 pi इनटू मैक्सिमम एनर्जी स्टोर अपॉन टोटल एनर्जी लॉस पर पीरियड, दिस इज द वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर। ओके तो ध्यान से प्यास इसका बेटा एक 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 फॉर्मूला और होता है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बाय क्या बेटा आपका बैंडविड्थ, ये तीनों पे फॉर्मूले, इन तीनों वैल्यू पे
आपके क्वेश्चन बनते हैं, और ये क्वेश्चन नहीं बनता बेटा तो इसको ध्यान में रखिएगा। मैक्सिमम बच्चे इसका ये फॉर्मूला नहीं जानते हैं और यही वो क्वेश्चन पूछ लेगा, तो गलती मत करना। याद रखो आज पढ़ लो, आज के बाद दोबारा ना देखना पड़े, ऐसा आप लोग पढ़िए बेटा कि आज के बाद इसको ना देखना पड़े बेटा, क्योंकि आप दिख गया ये एग्जाम में दिख गया तो इसको छोड़ेंगे नहीं। ओके चलो आगे बढ़ते बेटा, आगे बढ़ते। कह रहा है कि भैया बैलेंस डेल्टा कनेक्टेड सर्किट है, अच्छी बात है, उसका वैल्यू दिया हुआ है। कह रहा है कि अगर हमने क्या क्या इक्विवेलेंट स्टार में कन्वर्ट किया तो भैया हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर क्या आएगा बेटा, हमारा आंसर क्या आएगा। ओके एग्जांपल में आंसर क्या है बेटा, आंसर क्या है बेटा, तो इसमें आंसर दो आएंगे बेटा, इसमें आंसर आपके दो आ सकते हैं, वो आप लोग दीजिए बेटा, वो आप लोग दीजिए। इस केस में बच्चे आंसर दो लगाएंगे, या तो ये लगा देंगे या तो ये लगा देंगे। तो याद रखेंगे बेटा क्या, जेड इन डेल्टा इज, अब देखो बेटा अब ये क्या है, बैलेंस लोड है। बैलेंस लोड में तो क्या होता है, आप किस आप पहला देखो आपके माइंड में क्या आएगा कि भैया डेल्टा है तो डेल्टा में जरूरी थोड़ा कि हाँ सारा बराबर ही होगा, जब सारा बराबर होगा तभी हम क्या लिखते हैं कि भैया जेड इन डेल्टा, जेड इन डेल्टा जोड़ क्या होता है थ्री टाइम्स जेड इन स्टार। ये कब लिखते हैं, जब तीनों बराबर होता है, तो ये तीनों बराबर है, ये कहीं लिखा है क्या, नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसने क्या किया है, एक वर्ड मेंशन किया है बैलेंस, क्या मेंशन किया बेटा, बैलेंस। बैलेंस लोड मतलब क्या होता है, बैलेंस मतलब यही होता है कि भैया तीनों वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी भैया, तो ये क्या है तीनों बराबर है, मींस क्या हो गया जेड इन डेल्टा इज इक्वल टू थ्री टाइम्स जेड इन स्टार, तो भैया यहां से जेड इन स्टार कितना जाएगा आपका, इट इज 1/3 जेड इन डेल्टा बेटा। तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मान लो हम इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देंगे, मान लो हमने ये लिख दिया बेटा कि यहां पे जो जेड डेल्टा क्या है, ये जेड डेल्टा क्या है, ये लिखा है फैरेड, ये लिखा है फैरेड, ये क्या लिखा है यहां पे जेड स्टार का लिखा है फैरेड, तो भैया आंसर क्या होगा, ये क्या है जो वैल्यू दिया है जेड, ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है कैपेसिटेंस की, किसकी वैल्यू बेटा, ये कैपेसिटेंस की वैल्यू है, किसकी वैल्यू बेटा, ये कैपेसिटेंस की। फैरेड मतलब क्या होता है, जेड, फैरेड मतलब क्या होता है, सी होता है बेटा। तो याद रखिएगा जेड को उसने क्या किया है, सी से रिप्रेजेंट किया है। अब पूछ रहा है बताओ आंसर क्या होगा, अब पूछ रहा है भैया आंसर क्या होगा, तो मुझे बताइए बेटा, हमने पढ़ा हुआ है सी इन डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा आपका 1/3 टाइम सी इन स्टार बेटा। तो यहां से उसने सी से ना दिखा के उसने इस सी को जेड से दिखाया है, तो उससे हमसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिप्रेजेंटेशन थोड़ा भी कोई फर्क पड़ता है। तो बेटा यहां पे क्या जाएगा, सी इन स्टार जो क्या बेटा जेड इन स्टार के बराबर है, दैट विल इक्वल टू सी इन थ्री टाइम्स जेड इन डेल्टा, या फिर आप लिख सकते हो थ्री टाइम्स सी इन डेल्टा। तो इस केस में आंसर क्या जाएगा आपका, इस केस में आंसर जाएगा सर दिया जाएगा। तो हर चीज को पॉइंट वाइज पॉइंट याद रखोगे, गलती नहीं करोगे बेटा। ओके चलो मान लो दिया आपको, मान लो ये दिया है, मान लो आपको ये दिया बेटा, मान लो ये दिया है, मान लीजिए आपको ये दिया बेटा, मान लो ये दिया है -J9 बोल रहा है कि भैया इसका जो इक्विवेलेंट स्टार होगा वो क्या होगा, इसका जो इक्विवेलेंट स्टार होगा वो क्या होगा भैया, अब बताइए बेटा। तो -J9 ओम दिया, -J9 दिया, तो ये दिया क्या है, ये दिया है आपको एक्सी, क्या दिया बेटा आपको एक्सी, एक्सी दिया बेटा, क्या दिया है एक्सी दिया है। तो इस केस में आंसर क्या लिखो बेटा, यहां पे आंसर क्या आएगा, इस केस में यहां पे जो आंसर लेके चला आएगा, हम समझ जाएंगे कि हाँ भैया आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, आप बार बार चेकलिस्ट सीरीज को देख रहे हो कि बेटा ये क्वेश्चन आ चुका है, और ये भीड़ से अलग करेगा, कॉमन क्वेश्चन सभी करते हैं, सारा खेल कहां बिगड़ेगा बेटा, सारा खेल यहीं पे बिगड़ने वाला बेटा। ओके तो इस केस में आंसर क्या आएगा, इस केस में आंसर क्या आएगा बेटा, जल्दी से बताइए बेटा, जल्दी से सभी लोग बताए बेटा, इस केस में आंसर क्या आएगा बेटा, इस केस में आंसर क्या आएगा, सभी लोग प्यार से बताओ बेटा, क्योंकि हमको क्वेश्चन नहीं करना है, हमको कॉन्सेप्ट सीखना है, और कॉन्सेप्ट सीख गए बिलीव मी कोई भी क्वेश्चन निकाल ले जाओगे। ओके तो इस केस में आंसर क्या है बेटा, वेरी गुड, किसी का कह रहा है -27 आ रहा है, किसी का कह रहा है -3 आ रहा है। तो एक बात हमेशा दिमाग में रखना क्या सर, कि जेड इन डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है थ्री टाइम्स जेड इन स्टार। ओके उसके बाद एक्सएल इन डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है थ्री टाइम्स एक्सएल इन स्टार, और इसी सॉरी यहां पे एक्सएल इन स्टार, और इसी तरह आपका एक्सी इन डेल्टा क्या होता है थ्री टाइम्स होता है एक्सी इन स्टार। इसको हमेशा किसी पॉइंट की जगह पर लिख लेना, इसको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा, चाहे जेड हो चाहे एक्स हो चाहे एक्सी हो, ये तीनों के लिए वैलिड है। और इस केस में क्या होगा बेटा आपका, ये डेल्टा में दिया हुआ है, तो आपका जब एक्सी निकालोगे किसी बेटा स्टार में, वो क्या आएगा बेटा 1/3 टाइम्स एक्सी इन डेल्टा। तो भाई यहां पे क्या देगा आपका, इसका आपका 1/3 कर दोगे तो क्या जाएगा भैया -J3 और -J3 बेटा आ जाएगा। और पहला ऑप्शन क्या दिया रहेगा उसमें -J27, जो कि बच्चे में लगा के आएंगे और सारा खेल बिगाड़ देंगे। तो हमेशा याद रखना बेटा,
अगर वैल्यू जो सी है वो फैरड में दिया है, अगर सी की जो वैल्यू है वो फैरड में दिया है, उस केस में आपका आंसर सही होता है। लेकिन यहां पे क्या दिया है आपको, यहां पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस दिया है जिसपे की जो फॉर्मूला लगता है वो सेम लगता है जो कि आर में लगाते हैं, जेड में जो लगाते हैं वही आपका एक्सी में भी लगता है। इस बात को अपने दिमाग में घुसा लीजिएगा, नहीं तो बेटा बड़ा ही दुखदाई हो जाएगा बेटा, एक साल आगे चीजें बढ़ सकती है। ऑलवेज रिमेंबर एक्सी इन डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है आपका, थ्री टाइम्स एक्सी इन स्टार। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट बेटा। एंड ये जो आप लोग पढ़ते हो सी इन डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/3 टाइम्स सी इन स्टार। ये सी क्या है, सी क्या है, फैरड कैपेसिटेंस है। लेकिन यहां पे क्या बेटा, ये आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। ये दो आपको वैल्यू को दिमाग में रखना बेटा, बाकी सारा हो जाता है, बाकी तो सारा अपने आप हो जाता है बेटा। ओके चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, अब यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बेटा, बहुत ही प्यार से आराम से क्वेश्चन करने बेटा, बिल्कुल भी वरी नहीं करना है। कह रहा है भैया कि मान लो तुम्हारा क्या है, पीएलसी है, प्रोग्रामिंग आंगाई, उसमें कह रहा है एक टूल होता है जो कि हमारा जो इसमें यूज होता है कहां पे, आपके पीएलसी प्रोग्रामिंग में कौन सा इसमें से टूल यूज होता है ज्यादा बेटा, आपका आरएस लॉजिक 500 हो जाता है बेटा, आपका आरएस लॉजिक 500 आपका वो टूल होता है जो कि इनमें से ये भी नहीं यूज होता, ये भी नहीं यूज होता, ये भी नहीं यूज होता, आपका आरएस लॉजिक 500 यूज होता है कहां पे बेटा, आपका पीएलसी प्रोग्रामिंग टूल में बेटा। इसको याद रखिएगा, बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है, इसलिए हमने इसको कराते बेटा। ओके चलिए अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ ऑफ किसका, SF6 गैस, भैया सल्फर हेक्साफ्लोराइड। क्या भैया सल्फर हेक्साफ्लोराइड बेटा, ये सर्किट ब्रेकर हम लोग यूज करते हैं आजकल, जल्दी क्या होता है हर जगह हाई वोल्टेज पे हम लोग क्या कर रहे हैं, SF6 सर्किट ब्रेकर यूज कर रहे हैं बेटा, क्योंकि इससे बड़े फायदे हैं। लेकिन इसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है बेटा, जो एयर का ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ है वो कितना होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा, और इसमें बच्चे गलती करते हैं बेटा। हमने टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन दिया था तो वहां पे अराउंड 10% बच्चों का इसका आंसर सही आया था। हम चाहते हैं कि उस 10% में आप लोग का नाम होना चाहिए, क्योंकि बेटा ये क्वेश्चन आ गया तो अच्छे अच्छे नहीं ला पाएंगे, वो पढ़ रहे हैं क्या मशीन का वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ के जाएंगे, मशीन का क्या पढ़ के जाएंगे बेटा, आपका लीडिंग लैगिंग सर्किट पढ़ के जाएंगे, लेकिन ये सब आ गया तो वहीं पर रुक जाएंगे। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ ऑफ सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस इज नन अदर देन दैट इज योर 90 kV/cm, 90 kV/cm इज द राइट आंसर बेटा, इसको दिमाग में याद रखिएगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि भैया मेश क्या होता है, मेश क्या होता है बेटा, मेश इज अ लूप दैट कंटेन डैश लूप्स विद इन इट। भैया ये सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है भैया मेश क्या होता है, मेश होता है एक होता है मेश एक होता है लूप, तो भैया मेश और लूप में क्या डिफरेंस होता है, हमने पढ़ा रखा है इसको अच्छे से, तो पूछ रहे मेश क्या होता है, भैया बताओ मेश क्या होता है। तो कह रहा है मेश में कितने लूप होते हैं, मेश में कितने लूप होते हैं बेटा। तो ऑलवेज रिमेंबर कि भैया यहां पे आंसर क्या है बेटा, अब मुझे ये क्या है, ये देखो ये ध्यान देखिए, ये क्या बेटा, ये मतलब प्लस माइनस है, ये क्या है सर्किट है, ये एक सर्किट है और ये एक सर्किट है, तो मुझे बताइए ये जो आपका टर्म है ये क्या हो गया, ये क्या है, ये आपका एक मैश है, ये क्या है मैश है, तो इस मैश में कितने लूप है, अरे कम से कम एक लूप तो होगा ना भाई, मैश में एक लूप तो होगा ना यार, मैश में एक लूप तो होगा ना भाई। मैश क्या कहता है, मैश का डिफरेंस क्या है, मैश इज अ लूप विच डोंट हैव एनी अदर लूप इनसाइड इट, जिसके अंदर कोई दूसरा लूप नहीं होता, मैश एक ऐसा लूप है जिसके अंदर कोई दूसरा लूप नहीं होता। तो भैया पहले तो ये एक लूप है ना, मैश पहले एक लूप है ना भैया, तो मैश है तो कम से कम एक लूप तो वो होगा ना भाई, मैश कोई ओपन सर्किट तो है नहीं, तो मैश क्या होता है डेफिनेशन कि भैया मैश के अंदर कोई दूसरा लूप नहीं होता, लेकिन भैया एक तो लूप है ना वो भाई, वो एक तो लूप होगा ना भाई, एक लूप होगा भैया, इसी में कंफ्यूजन करके बच्चे गलत करके आए थे। भैया मैश है ये, मैश तो क्या होता है, मैश एक ऐसा क्लोज लूप है जिसके अंदर कोई दूसरा क्लोज लूप नहीं होता, दूसरा नहीं होता, एक तो है ना भाई वो, तो एक है तो हम क्या लिखेंगे, मैश इज अ लूप दैट कंटेन वन लूप विद इन इट, दैट कंटेन वन लूप विद इन इट बेटा। तो ऐसे क्वेश्चन गलत करने के लिए उसने यहां पर दिया है नो, लेकिन भाई मैश क्या है, ये भी क्या है, क्लोज लूप तो ही है, तो कम से कम एक लूप तो वो बनाएगा ना बट्टा, वो ओपन तो है नहीं, तो आंसर इज मैश इज अ लूप दैट कंटेन वन लूप विद इन इट, काम खत्म, काम खत्म बेटा। तो आंसर क्या होगा इसका, वन इज द राइट आंसर बेटा। इसलिए हम कहते हैं कि हम बेटा यहाँ पे आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं सिखा रहे हैं, हमको बेटा आपको समझा के कराना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट में वो गड़बड़ी नहीं कर सकता, क्वेश्चन चेंज होते हैं, क्वेश्चन तो चेंज होते हैं। यहां पे याद रखिएगा कि ऑल मैश आर लूप बट
बट वाइस वर्सा इज नॉट 100% ट्रू, नॉट 100% ट्रू बेटा। ओके, हर मैच लूप होता है, लेकिन हर लूप मैच हो ये जरूरी नहीं है बेटा, इसको हमेशा दिमाग में रखिए बेटा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, चलो ये पीएलसी कंडीशन इसके बाद में देखेंगे, पीएलसी के वैल्यू बाद में देखेंगे बेटा। कह रहा है भैया बताओ, इन सीरीज आरएलसी सर्किट, आर दिया हुआ आपको, एल दिया हुआ है आपको, क्या दिया बेटा आपको, आर एल दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है। कह रहा है कि करंट क्या होगा सर्किट में जब रेजोनेंस कंडीशन में है सर्किट, जब आपका सर्किट रेजोनेंस कंडीशन में है उस केस में कह रहा है भैया आपका जो करंट होगा वो क्या होगा। तो यहां पे आपको एक चीज याद रखना है बेटा कि यहां बच्चे क्या करेंगे, बच्चे क्या करेंगे बेटा, एक्सएल इज इक्वल टू एक्स निकालेंगे। भैया ये निकालने की जरूरत नहीं है भैया, तुम जान रहे हो कि सर्किट में आपका रेजोनेंस है, कौन सर्किट है, सीरीज है। जब सर्किट सीरीज सर्किट में रेजोनेंस होता है तो क्या होता है, जेड बराबर आर हो जाता है भैया। तो हमको ये नहीं निकालना कि यहां एल दिया है, यहां सी दिया है, बैठे हो क्या निकाल रहे हो, यहां एक्सएल निकाल रहे हो, फिर एक्स निकाल रहे हो, फिर चेक कर रहे हो कि हाँ दोनों बराबर है कि नहीं। नहीं भैया इतना नहीं करना है आपको, उसने बता दिया है कि सर्किट कैसा है, रेजोनेंस में है। जब वो रेजोनेंस में है बेटा तो ऑब्वियस बात है जेड इक्वल टू आर हो जाएगा, और आर दिया है 1 और आपको वी दिया है 10, तो यहां से आई क्या जाएगा, वी बाय आर, दैट इज इक्वल टू बेटा क्या, 10/1, दैट इज इक्वल टू 10 एम्पियर। तो छोटी छोटी बातें हैं, इनको बेटा बड़ी बातें नहीं करना है। एक्सेल एक्सेल निकालने मत बैठ जाना कि हाँ भैया पहले हम चेक करेंगे कि हाँ ये सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, भैया वो सही बोल रहा है। ओके, तो उसकी बातों को सही मान के चलना। ओके चलिए आगे बढ़ते बेटा, आगे बढ़ते। अच्छा देखो बेटा, अब यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे देखो बेटा, या तो 10 होगा या तो 100 होगा। देखो यहां से अब कहां पे इसका खेल कहां आ रहा है, यहां पे खेल आएगा यूनिट का। भैया आई क्या होता है, वी बाय आर, वी क्या दिया आपको 10 वोल्ट, के क्या दिया है 10^-3 दिया भैया, इसको क्यों भूल गए। तो ये कितना जोड़ा आपका, ये हो जाएगा बेटा आपका कितना हो जाएगा बेटा, इसको ध्यान से देखिए और आंसर दीजिए बेटा। तो यहाँ पे आंसर दोगे तो आंसर क्या है बेटा, ये हो जाएगा 10^10 कितना जोड़ा आपका, ये 10^4 हो जाएगा सर, 10^4 हो जाएगा बेटा। तो इसलिए यहाँ पे आंसर क्या दोगे बेटा, यहाँ पे आंसर क्या दोगे बेटा, वेरी गुड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे ध्यान से आंसर देना, गलती नहीं करना बेटा कि हाँ ये लगा दिए या ये लगा दिए, एक ही आंसर होगा और वो आंसर जो भी होगा बेटा उसको ध्यान से करेंगे। एंड आंसर इज बेटा 10 कर दिया यहाँ पे, ये जाएगा ऊपर, यहाँ पे क्या जोड़ोगे, यहाँ पे क्या लिख दोगे बेटा, दिस इज प्लस। यहाँ पे गलती नहीं करना कि हाँ इसको माइनस कर दोगे और फिर इसको 10^4 को देना बेटा, ये प्लस है, ये ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा बेटा 10 × 10^-3, और आंसर क्या जोड़ा आपका 10 mA। तो बच्चे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बच्चे ये कर रहे हैं कि अरे इसको क्या कर दिए, प्लस कर दिए, फिर यहाँ पे ऊपर ले गए। नहीं बेटा, आपका क्या है, ये आपका 1 kΩ है, तो 1 kΩ मतलब क्या होता है, 10^3 होता है, -3 नहीं होता है। इस बात को हमेशा दिमाग में रखिएगा, सो ऐसा मत करिएगा कि हाँ ऐसा करके तुमने 100 लगा दिया, नहीं बेटा दिस इज रॉन्ग, ए इज द करेक्ट आंसर। ओके चलिए अब आगे बढ़ते, अब यहां से आगे बढ़ते। कह रहा है ड्यूरिंग स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर एट द टर्मिनल ऑफ मशीन --, क्या सही होगा। कह रहा भैया स्टार्ट कर दिया, तो उन्होंने क्या कर दिया, इंडक्शन मोटर को स्टार्ट कर दिया। तो कह रहा है ड्यूरिंग स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर एट द टर्मिनल ऑफ द मशीन द करंट इज लो करंट, देयर इज अ टिप इन वोल्टेज, देयर इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ करंट एंड वोल्टेज डिप, नन ऑफ द पोर्शन। तो याद रखिए बेटा, तुम ही सोचो बेटा, जब तुम क्या करते हो, किसी गाड़ी को स्टार्ट करते हो, घर में गांव में गए कि नहीं, गांव में ट्रैक्टर होता है, खेत जोते हैं ना, जिससे ट्रैक्टर को स्टार्ट करते हो, रात के समय स्टार्ट करते हो, तो उसका लाइट क्या होता है, भुकभुकाता है ना बेटा, पल्सेटिंग होता है वो, जैसे स्टार्ट करते हो तो लाइट थोड़ा सा डिम हो जाता है। तो बेटा आपका जो, जब भी क्या करते हो मोटर को स्टार्ट करते हो, याद रखिएगा आपका जो वोल्टेज होता है वो डिप होता है, करंट बढ़ जाता है, स्टार्टिंग में जो करंट होता है वो बढ़ता है और वोल्टेज डिप होता है। तो बेटा याद रखिएगा आपका, जैसे तुम मशीन को स्टार्ट करोगे तो आपका जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, आपका डिप होता है, वोल्टेज डिप होता है, करंट बढ़ता है। यहां पर क्या लग रहा है कि दोनों ही क्या होते हैं, डिप होते हैं, दोनों ही कम होते हैं, दोनों कम नहीं होते बेटा, दोनों कम नहीं होते, वोल्टेज कम होता है, करंट बढ़ता है बेटा, करंट क्या होता है, बढ़ता है स्टार्टिंग जब किसी भी मोटर को स्टार्ट करते हो तो, इसलिए इसका आंसर क्या होगा बेटा, वोल्टेज डिप हो जाएगा जब क्या करेंगे बेटा, हम लोग अपने मोटर को स्टार्ट करेंगे। ओके, ये आप लोग जनरली देखते भी हो अपने एग्जाम में जनरली देखते भी हो बेटा। अब ये रहा बड़ा आज का सबसे बढ़िया क्वेश्चन, बड़ा ही सिंपल तरीके से करिएगा और आंसर दीजिएगा। कह रहा है कि हमने इनपुट में दिया, ये हमने दिया बेटा क्या, इनपुट में दिया ये साइनोसॉइडल दिया, क्या बेटा साइनोसॉइडल दिया, साइन वेव दिया, ये रहा साइन वेव। कह रहा है कि भैया हमको आउटपुट में क्या मिलेगा, आउटपुट में वेव फॉर्म कैसा मिलेगा पूछ रहा है। तो भैया इसको ध्यान से देखो, सोचो
जवाब दो और आंसर दो बेटा। तो इसका जो वेब फॉर्म है वो नीचे ऑप्शन में बना के दिया हुआ है। अब बी कैसे लिख रहे हो बेटा, यहाँ पे बी है ही नहीं ऑप्शन, तो बताइए यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या है, यहाँ पे जो वेब फॉर्म बनेगा वो क्या बनेगा। मैं यहाँ बना देता हूँ, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है बेटा, और आपका ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन है बेटा ऐसे, और ऑप्शन क्या बेटा आपका ये ऐसे ऑप्शन। तो कौन सा इसमें सही होगा बेटा, इसमें सही मान लो ये ए है, ये क्या बेटा बी है, ये क्या सी है, तो कौन सा आउटपुट में क्या आएगा बेटा, आउटपुट में क्या आएगा। तो ध्यान से बेटा, जब ये पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव है ना बेटा, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव बेटा ना, ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव निगेटिव होगा, तो ये क्या हो गया, ये आपको क्या बेटा यहां से आपको देखोगे तो ये पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव हो गया, रिवर्स वायस हो गया, ये क्या बेटा रिवर्स वायस हो गया, ये आपका रिवर्स वायस बेटा। तो आपको बेटा क्या होगा, जब ये पॉजिटिव होगा तो उस केस में आपको वेवफॉर्म नहीं मिलेगा बेटा, तो वेवफॉर्म नहीं मिलेगा, तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। तो निगेटिव करोगे इसको, जब जब तुम्हारा क्या होगा निगेटिव आएगा तो ये क्या हो जाएगा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा निगेटिव के लिए फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। और आपको जब ये फॉरवर्ड बायस हो गया तो भैया इसमें से कोई एक ना एक तो फॉरवर्ड बायस होगा ही होगा, तो बेटा उसे फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, तो आपको किससे मिलेगा क्या निगेटिव पल्स मिलेगा बेटा, इसका जो है आपको बस ये वाला पल्स मिलेगा, तो ये वाला पल्स मिलेगा बेटा। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, बी इज द राइट आंसर बेटा। और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था जो कि बच्चों ने छोड़ के आए थे। देखिए बेटा, ये वेव फॉर्म बना के दिया हुआ कि भैया इसमें से कौन सा वेव फॉर्म है जो कि ट्रू है बेटा। तो इस केस में जो वेव फॉर्म ट्रू है बेटा वो कौन सा है, वो है आपको बेटा क्या, दिस इज द, इस केस में क्या होगा निगेटिव साइकिल में ये फॉरवर्ड वाइज होगा, तो आपका सर्किट क्या होगा कंप्लीट होगा, और आंसर आपको मिल जाएगा सर बी मिल जाएगा बेटा। क्या मिल जाएगा आपको, आंसर बी देखने को मिल जाएगा बेटा। ओके चलिए, वेरी गुड। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखनी बेटा, एग्जाम में पूछेगा, गलती नहीं करना बेटा। ओके चलो अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो और आंसर देने की कोशिश करो बेटा। कह रहा है द रेशियो ऑफ पावर डेसिपेटेड व्हेन टू रेजिस्टेंस आर इतना इतना आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो भैया कह रहा है कि जो पावर डेसिपेट होगा उसका रेशियो क्या होगा बेटा, बहुत ध्यान से करना बेटा। बिरयानी बिरयानी आज संडे है, बिरयानी खाना, लेकिन अच्छी बात है बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो फिर आंसर दो बेटा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना एग्जाम में भी, यहां भी एग्जाम में भी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए बेटा, क्योंकि एक छोटी सी गलती एक साल आगे बढ़ जाएगा, क्या आपका सिलेक्शन एक साल आगे बढ़ जाएगा, आपकी शादी एक साल आगे बढ़ जाएगी। एक साल में हर महीने अगर आपको 5,000-50,000 रुपए मिलेंगे तो एक साल में कितना हो गया 12-25-60 600,000 रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो भैया इतना नुकसान क्यों देख रहे हो, आप पैसा समझो कि पढ़ाई कर रहे हो किस लिए, पैसा कमाने के लिए। बस ये मत बोलो कि हाँ हम बहुत ज्ञानी बनना चाहते हैं, हम दिखाना चाहते हैं, हम देश सेवा करना चाहते हैं। बेटा पहले अपनी खुद की सेवा कर लो, उसके बाद देश सेवा करना। पहले आपको सिलेक्शन चाहिए, किसने चाहिए भैया, कि जल्दी से नौकरी मिले, जल्दी से जो भी मिले मिले जल्दी। ओके चलो देखो बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ध्यान से इसको करिए बेटा। देखिए आपका जो है पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज कांस्टेंट होता है। तो भैया हमारा जब वोल्टेज कांस्टेंट होगा तो हम पावर क्या होगा, मतलब P1 क्या है, पावर, पावर P1 क्या होगा वी स्क्वायर बाय क्या होगा R1 होगा, मान लो क्या R हो जाएगा। P2 क्या होगा बेटा आपका, P2 क्या आपका ये होगा वी स्क्वायर बाय R2 हो जाएगा। तो पूछ रहा है जब पावर P1 P2 है इसका रेशियो क्या होगा बेटा, तो इसका रेशियो क्या होगा बेटा, देखिए आप पे तो रेशियो मालूम क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो P1 बाय P2 कितना हो जाएगा आपका, P1 और P2 कितना हो जाएगा आपका 2R/R। तो भैया यहां से आंसर क्या आएगा बेटा आपका 2/1। तो भैया यहां से आंसर क्या आएगा बेटा आपका, यहां से आंसर क्या निकला बेटा, यहां से आंसर क्या निकला बेटा, यहां से आंसर क्या निकला बेटा, तो यहां से आंसर आ जाएगा बेटा बी इज द राइट आंसर बेटा। तो ध्यान रखिएगा बच्चे क्या करते हैं, अरे यार 20 पर कर दिया, तो भैया 20 स्क्वायर 20 स्क्वायर कट गया, भैया दोनों क्या है पैरेलल में है तो वोल्टेज दोनों के लिए कांस्टेंट होगा। चलो मैं बना देता हूं, हम बना देते बेटा, ये रहा बेटा ये रहा सर्किट, सर्किट ये रहा बेटा, सर्किट क्या रहा बेटा ये रहा, ये क्या है पैरेलल में दिया हुआ, ये क्या बेटा आपका दोनों पैरेलल में दिया हुआ, ये पैरेलल में, ये पैरेलल में, और इसके साथ दिया हुआ बेटा क्या सर्किट में यहाँ पे वोल्टेज लगाया बेटा। तो ये क्या है आर है, ये क्या है 2R है। तो भैया दोनों में वोल्टेज क्या होगा सेम होगा भैया, तो सेम होगा तो कट जाएगा बेटा। तो वो आपसे पूछ रहा है कि दोनों का जो पावर है उसका आंसर आपको बताना है बेटा, दोनों का पावर का रेशियो क्या होगा वही आपसे पूछ रहा है। तो मान लो इसमें जो पावर होगा, इसमें जो पावर होगा क्या होगा वी स्क्वायर बाय आर होगा, इसमें जो पावर होगा क्या होगा वी स्क्वायर बाय 2R होगा, 2R होगा बेटा। बस इसको रेशियो निकालोगे तो क्या जाएगा आपका 2/1 हो जाएगा सर, आंसर 2:1 इज द राइट आंसर। ओके चलिए, और इसी तरह और बेटा, इसी तरह बेटा, इसी तरह एक बात और, एक बात और इसी तरह बेटा, मान लो पूरा क्वेश्चन सेम है, पूरा क्वेश्चन सेम है और हमने क्या किया यहां पे बस पैरेलल की जगह लगा दिया बेटा, हमने यहां पे सीरीज लिख दिया, यहां पे पैरेलल की जगह हमने क्या लिख दिया बेटा सीरीज लिख दिया, उस केस में आंसर क्या होगा। अगर हमने क्या किया बेटा पैरेलल की जगह यहां पे क्या लिख दिया बेटा सीरीज लिख दिया, तो उस केस में आंसर बताओगे बेटा, क्योंकि हमको सिखाना है हर तरीके से।
कुछ भी छूटे ना बेटा, एग्जाम से पहले वो सब पढ़ जाना है जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज इस बार सिलेक्शन लेना बेटा, क्योंकि बहुत आजकल रिश्तेदार आके परेशान कर रहे हैं ना बेटा। देख बेटा फिर से देख बेटा, तो सिल्म लगा, क्या लगा बेटा आपका, सिल्म लगा हुआ, ये क्या है आर है, ये क्या है टू आर। हमको कॉम्बिनेशन नहीं पूछ रहा है कि हाँ दोनों का ऐड करें कितना आएगा, नहीं बेटा हमसे पूछ रहा है कि भैया ये मान लो ये पावर पी1 ले रहा है, ये पावर पी2 ले रहा है, तो इनका रेशियो क्या होगा। तो मान लो यहाँ पे आई है तो यहाँ भी आई होगा, तो हमको पता है कि यहाँ पे कॉन्स्टेंट करंट है, तो हम क्या करेंगे पी1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आई स्क्वायर आर, और पी2 का लिखेंगे बेटा हम लोग यहाँ पे आई स्क्वायर टू आर। तो भैया बस यही करना है आपको, यही करना है। अब इसका रेशियो लोगे तो क्या आएगा बेटा आपका, ये हो जाएगा पी1 और पी2 कितना जाएगा आपका, ये हो जाएगा आर बाय टू आर, दैट इज इक्वल टू 1/2, तो आंसर विल बी 1/2। तो चीजों को सिंपल रखो, चीजों को सिंपल रखो बेटा, क्वेश्चंस बहुत लंबे लंबे नहीं आते, वो बेसिक कॉन्सेप्ट उठाएगा और आंसर देगा बेटा। इसरो 2016 उठाइएगा बुक और इसको देखिएगा, ये आपको मिल जाएगा वहां पे। तो ये हम क्वेश्चन करा रहे हैं ताकि आप लोग का बेस बना रहे बेटा, क्योंकि सिलेक्शन लेना है इसी बार। ओके चलिए आगे बढ़ते बेटा, आगे बढ़ते हैं और आगे चलते बेटा। ये रहा अगला क्वेश्चन, ये रहा बेटा क्या अगला क्वेश्चन, कह रहा है इफ अनचार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू एन एनर्जी सोर्स, तब क्या होगा उसके साथ, तब उसके साथ क्या होगा। कह रहा भैया एक क्या है अनचार्ज कैपेसिटर है, ठीक है, एक अनचार्ज कैपेसिटर मतलब क्या, क्यू जीरो है इसके ऊपर, क्यू जीरो है, तो क्यू जीरो है तो वी भी क्या होगा जीरो होगा। जैसे ही ये क्या मान लो ऐसे मैंने सर्किट लगा दिया, ये ऐसे को हम ऐसे बनाते, इसको हम क्या बनाएंगे बेटा ऐसे बनाते, इसको बनाएंगे ऐसे, यहाँ पे ये हमारा सी है, ये हमारा क्या है, ये हमारा स्विच लगा हुआ है यहाँ पे, और ये क्या बेटा हमारा वोल्टेज सोर्स है, ये क्या बेटा हमारा वोल्टेज सोर्स है। तो कह रहा है कि हम जैसे ही सी को जो कि अनचार्ज है लगाने से पहले, जैसे हम क्या क्या वोल्टेज सोर्स लगाया, जब इसको लगाओगे तो ये जो कैपेसिटर है वो कैसे बिहेव करेगा, एज अ शॉर्ट सर्किट। क्यों भैया, क्योंकि कैपेसिटर डजंट अलाउ सडन चेंज ऑफ वोल्टेज, जो वोल्टेज पहले था वही वोल्टेज बाद में रहेगा, तो पहले जीरो था बाद में भी जीरो रहेगा, तो ये शॉर्ट हो जाएगा बेटा। जैसे तुम स्विच वोल्टेज लगाओगे ये शॉर्ट हो जाएगा, और ये अगर शॉर्ट हो गया तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा, तो आपको बताइए बेटा। कैपेसिटर एक्ट एज ओपन सर्किट, नहीं भैया, जैसे तुम स्विच को लगाओगे बंद करोगे ये कैसे बिहेव करेगा, एज अ शॉर्ट सर्किट। क्यों, क्योंकि स्विचिंग से पहले वोल्टेज जीरो था, स्विचिंग के बाद वोल्टेज क्या होगा जीरो होगा, और वोल्टेज जीरो का मतलब क्या होता है शॉर्ट सर्किट। तो भैया पहला ऑप्शन गलत, दूसरा ऑप्शन देखो बेटा, करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग इन द कैपेसिटर ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, नहीं भैया आपका हमेशा नहीं बहेगा, आपका हमेशा करंट नहीं बहेगा बेटा, जो करंट बहेगा वो कुछ इंस्टेंट के लिए बहेगा और फिर धीरे धीरे क्या होगा कम हो जाएगा। तो आंसर विल बी राइट कि भैया आपका जो करंट है कैपेसिटर में, जैसे तुम क्या करो बेटा सोर्स लगाओगे, उस केस में उस इंस्टेंट पे आपका वोल्टेज जो होगा वो जीरो होगा, तो करंट फ्लो करेगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे आपका कैपेसिटर चार्ज होगा करंट कम होता चला जाएगा बेटा, और वो एट स्टडी स्टेट जो कैपेसिटर होगा वो कैसा हो जाएगा बेटा आपका ओपन हो जाएगा, कैसा हो जाएगा बेटा आपका ओपन सर्किट हो जाएगा। सो ऑलवेज रिमेंबर द आंसर विल बी सी इज द करेक्ट आंसर, एग्जाम में आया हुआ है, गलती मत करना बेटा, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा है रोल प्ले करते हैं आपके एग्जाम में, क्योंकि बेटा ये क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चे नहीं टच करेंगे, आप टच करोगे और आप सिलेक्शन लेके जाओगे बेटा। ओके चलिए दैट इज बेटा, ये क्यों नहीं होगा, बी क्यों नहीं होगा बेटा, देखो बी कह रहा है कि आपका जो करंट है वो बहुत टाइम के लिए फ्लो करेगा, ऐसा तो होगा नहीं बेटा, आपका जो करंट होता है जो आप लोग ट्रांजिएंट पढ़ते हो ये बहुत थोड़े देर के लिए होता है, जो ट्रांजिएंट होता है बहुत थोड़े देर के लिए होता है बेटा। तो ये कह रहा है कि आपका जो करंट फ्लो करेगा वो बहुत देर के लिए करेगा, फॉर कोर्स ऑफ टाइम, टू कोर्स ऑफ टाइम मतलब कि ये बहुत समय के लिए फ्लो करेगा ना बेटा, बहुत कम समय के लिए फ्लो करेगा, फिर धीरे क्या होगा वो कम होते हुए चला जाएगा और आपका सर्किट ओपन हो जाएगा। सो ऑलवेज रिमेंबर आपका जो करंट होगा वो कुछ इंस्टेंट के लिए फ्लो करेगा, उसके बाद आपका सर्किट ओपन हो जाएगा बेटा। ओके तो आई थिंक बेटा बात समझ आ गई आपको, फर्मित पार्टी। ओके चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन, ये रहा बेटा क्या अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखो बेटा और इसका आंसर देने की कोशिश करो बेटा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा डायग्राम है, कुछ नहीं पूछा उसने। कह रहा है कि भैया हमको बताइए टर्न रेशियो क्या होगा, टर्न रेशियो क्या होगा वो उसने पूछा है, जल्दी से आंसर दे दो बेटा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है इसमें कि टर्न रेशियो क्या होगा, आर का रेशियो, आर दिया हुआ बेटा। तो आपको पता है कि ट्रांसफॉर्मर में पावर क्या होता है, सेम होता है, प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, हम लिखेंगे इसका बेटा इसको आई वन स्क्वायर आर वन इज इक्वल टू आई टू स्क्वायर आर टू। यहां से क्या करें बेटा, यहां पे हम लिखेंगे आई वन बाय आई टू इज इक्वल टू क्या होगा आपका, या फिर इसको ऐसे लिख दो बेटा, इसको ऐसे लिख दो बेटा, इसको क्या लिखो बेटा आप लोग ऐसे लिख दो,
कैसे सर? सूत्र तो क्या था? I2 का स्क्वायर बाय I1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा R1 बाय R2। तो यहां से हम क्या करेंगे बेटा? I2 बाय I1 क्या हो जाएगा आपका? अंडर रूट दैट इज योर R1 बाय R2। तो सर यहां से हम देखेंगे तो जो I2 बाय I1 आएगा वो क्या आएगा बेटा? N1 बाय N2 के बराबर होगा, क्योंकि हमको पता है कि जो टर्न रेशियो होता है जस्ट अपोजिट होता है आपको करंट का। ये अगर क्या है? प्राइमरी में सेकेंडरी है, तो ये क्या होगा? सेकेंडरी में प्राइमरी होगा। तो यहां से निकालोगे तो N1 बाय N2 क्या होगा? यहां पे क्या है? R1 कितना है आपका? ये रहा, तो ये बढ़िया कितना है? 1, 2, 3। ये कितना आपका? वो कितना है आपका? 1 है। तो कट जाएगा, तो आंसर क्या जाएगा? 10। तो भैया ये N1 बाय N2 कितना आ जाएगा आपका? टर्न रेशियो क्या जाएगा आपका? 10:1। तो आंसर विल बी 10:1 बेटा, दैट इज योर 10, दैट इज योर 10 बेटा, दैट इज योर 10 बेटा। ओके, तो आई होप बेटा बात आप लोग को समझ में आ गई होगी बेटा, बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसी क्वेश्चन में मैं आपसे ये पूछूं, ये है 10 आपने निकाला, ये है 1 आपने निकाला, मैं ये पूछूं कि इस प्राइमरी को, इस सेकेंडरी को आपने क्या किया, इस आर को आपने क्या किया? प्राइमरी में रिफर किया, प्राइमरी में रिफर किया। तो भैया प्राइमरी में जो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? जल्दी बता दो, जल्दी से बताइए कि आपने क्या किया? सेकेंडरी का आर प्राइमरी में रिफर कर दिया, तो आपको प्राइमरी में अब टोटल आर कितना हो जाएगा? जल्दी से बताओ बेटा इस बात को, जल्दी से इस बात को बताइए बेटा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि तुमने क्या किया? सेकेंडरी का आर प्राइमरी में रिफर किया। अब जब प्राइमरी में रिफर किया तो भैया क्या करोगे? तो हमेशा रखिएगा कि इसका आंसर देने में गलती नहीं करना बेटा, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और दिमाग को खोलने वाला क्वेश्चन बेटा। तो आंसर विल बी योर, दैट इज योर 2000। कैसे बेटा? अब देखो बेटा, इस क्वेश्चन को करने के लिए, देखो बेटा इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर तुम बीएल थर्जा यूज करते हो, अगर तुम क्या करते हो बेटा? बीएल थर्जा यूज करते हो, तो वो कहता है कि तुम क्या करो, जब सेकेंडरी से प्राइमरी में जाओगे तो आर को के स्क्वायर से डिवाइड करोगे। लेकिन उसके लिए के क्या होता है? उसके लिए किसके लिए? बीएल थर्जा के लिए के क्या होता है? उसके लिए होता है N2 बाय N1। ओके, तो ऐसे करोगे तो आपको आंसर क्या आएगा इसका? यहां पे 1000 आ जाएगा। लेकिन जाओगे कहां पे? अशफाक हुसैन को उठाओगे, तो अशफाक हुसैन कहता है कि सेकेंडरी से प्राइमरी जाओगे तुम क्या करोगे? आर को के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन वो कहता है कि अशफाक हुसैन क्या कहता है कि भाई हमारा के जो होगा वो क्या होगा? N1 बाय N2 होगा। तो मैं बेटा मैं यहां पे ये कहना चाह रहा हूं, चाहे तुम बीएल थ्रेजा उठाओ चाहे अशफाक हुसैन उठाओ, उनका पढ़ाने का तरीका अलग है लेकिन गोल एक ही है। इसलिए कंफ्यूज मत हुआ करिए, किसी एक बुक को पकड़ो और उसके साथ हमेशा अपना जिंदगी भर लाइफ दीजिए, बिलीव मी सक्सेस मिल जाएगा। आपको क्या लगता है जो आपके पास होता है उसका तुम साथ छोड़ देते हो? जो लगता है यार उसके साथ जो है ना, उसके साथ जो खड़ी है वो बड़ा सही लग रही है, हमारे साथ कोई अच्छा नहीं है। ठीक है, तो बात ये रखिए जो आपके पास है वो अच्छा है बेटा, उसका हाथ मत छोड़ो, कंटिन्यूअसली बना रखिए, बिलीव मी आपको सक्सेस मिल जाएगी। ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, और इस बात को ध्यान रखिएगा। आप बीएल थ्रेजा उठाओ तो वो क्या कहेगा? ऐसे कहेगा। आप अशफाक हुसैन उठाओ वो क्या कहेगा बेटा? ऐसे कहेगा। तो कोई कुछ भी कहे आपको एक लोग को लेके चलना बेटा। ओके, चलिए आगे बढ़ते बेटा, अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते बेटा। ओके, अब ये देखो बेटा कह रहा है क्वेश्चन, द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ सिंगल कोर केबल इज इतना। ठीक है बेटा, इंसुलेशन जो है आपका किसका बेटा? सिंगल कोर केबल का इतना है भैया। तो बोल रहा है कि जो इंसुलेशन होगा, रेजिस्टेंस होगा 10 किलोमीटर के लिए कितना होगा? 10 किलोमीटर के लिए इंसुलेशन कितना होगा बेटा? तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ी सी गलती और सारा खेल खत्म। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, थोड़ी सी गलती सारा खेल खत्म। तो भैया खेल खत्म नहीं होने देंगे, क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके बेटा? लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंसुलेशन रेजिस्टेंस बेटा। तो मुझे बताइए 150 मेगा ओम पर किलोमीटर, इसका मतलब क्या होता है कि भैया एक किलोमीटर में आपका कितना रेजिस्टेंस है? 150 मेगा ओम। तो मुझे बताइए पूछ रहा है क्या बेटा? 10 में पूछ रहा है। किसने पूछ रहा है बेटा? 10 किलोमीटर पूछ रहा है। कह रहा 10 रुपए कुरकुरे, कहते हैं ना 10 रुपए का कुरकुरे। तो भैया यहां पूछ रहा है कि 10 किलोमीटर में आपका जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा? तो यहां पे किलोमीटर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है किससे? 10 से। तो भैया हमारा यहां पे क्या होगा? 10 से डिवाइड होगा। क्यों सर? क्योंकि हमारा जो आर है, एल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों? क्योंकि भैया जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है बेटा। तो यहां पर इसको डिवाइड करोगे तो ये क्या आएगा बेटा? ये आ जाएगा 15 मेगा ओम। जहां दिया बेटा वही आपका आंसर हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि इंसुलेशन
रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। वो कह रहा है कि एक किलोमीटर के लिए क्या है 150 मेगा ओम है, तो भैया 10 किलोमीटर के लिए कितना होगा? तो भैया यहाँ पे एक से 10 जाने के लिए इंटू कर रहे हो, तो इसको हमें करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है बेटा आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा, इसलिए आंसर क्या बेटा आपका 15 मेगा ओम हो जाएगा बेटा। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर चीजें सिंपल होती है, उसको हार्ड मत करिए बेटा, बड़ा ही सिंपल तरीके से लेकर चलो, आंसर निकल के चलाएगा। अब देखो बेटा, अब यहां पर देखिएगा इसी क्वेश्चन में, मान लीजिए हमने लिख दिया बेटा क्या द कोर, यहां पर क्या लिख दिया हमने कोर, यहां पर क्या लिख दिया हमने कोर लिख दिया, द कोर रेजिस्टेंस ऑफ सिंगल केबल इज इतना, देन द कोर देन कोर देन कोर देन कोर रेजिस्टेंस फॉर 10 किलोमीटर लेंथ विल बी व्हाट। हमने क्या किया, थोड़ा सा चेंज किया क्या बेटा, हमने यहां पे इंसुलेशन क्या लिख दिया कोर रेजिस्टेंस लिख दिया। तो याद रखिएगा कोर जो कोर का रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके लेंथ के। तो याद रखिएगा इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके लेंथ के, और जो कोर का रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके बेटा लेंथ के। तो बस यहां पे कोर का दिया है, तो भैया एक किलोमीटर में कितना है आपका 150 मेगा ओम है, तो भैया 10 में कितना होगा, तो भैया 10 में क्या हो जाएगा, ये क्या है 10 टाइम्स बढ़ रहा है, तभी क्या हो जाएगा 10 टाइम्स बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अब क्या आ गया कोर आ गया, कोर का रेजिस्टेंस क्या होगा लेंथ के साथ बढ़ता है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1500 मेगा ओम। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो कोर का पूछ रहा है कि इंसुलेशन का पूछ रहा है, और आप लोग गलती करते हो, इसलिए उसने क्या किया है 1500 को पहले दिया है, ताकि आप लोग जल्दी से उसको मार के अपना एक साल आगे बढ़ जाओगे, और एक साल आगे बढ़ गया बेटा तो 12-25-60 6 लाख रुपया गया। तो भैया ध्यान से प्यार से आराम से क्वेश्चन करिए बेटा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, और आपको हर क्वेश्चन को अच्छे से करना है। माइंड में ये रखिएगा कि जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और आपका जो कोर का होता है रेजिस्टेंस वो क्या होता है आपका दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। बस इतना याद रखिएगा, कभी भी कोई गलती नहीं होगी बेटा। ओके चलिए आगे बढ़ते बेटा, अब यहां से आगे बढ़ते, कह रहा है बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए पढ़िए सीखिए, गलत आए चलेगा लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए बेटा, क्योंकि हमने पहले भी आपको कहा है कि कॉमन क्वेश्चन सभी करेगा बेटा, जो मेरिट होती है वो इन्हीं सब क्वेश्चन से बनती है, इसको आप लोग रिवाइज करके पीडीएफ आपको कहां मिलेगी जेनिक लर्निंग ऐप मिल जाएगी बेटा, इसलिए क्वेश्चन को करो सीखो और आंसर देने की कोशिश करो बेटा, जो भी आएगा आंसर चलेगा लेकिन आंसर दो बेटा, आंसर देने की कोशिश करे बेटा, मैंने कहा फिर से आंसर जो भी आए चलेगा बेटा, आंसर लेकिन दो बेटा, आंसर दीजिए बेटा। देखिए ध्यान से ध्यान देखिए कह रहा है स्लिप ऑफ मोटर, तो अगर देखो बेटा यहां पे तो कह रहा है कि एक वोल्ट मीटर है जो क्या कर रहा है 180 ऑस्किलेशन पर मिनट। तो हमको याद रखना बेटा कि जो फ्रीक्वेंसी होती है बेटा आपका, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है बेटा 1 सेकंड में कितना ऑस्किलेशन होता है, 1 सेकंड में कितना ऑस्किलेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो यहां पर कह रहा है कि एक मिनट में कितना हो रहा है, एक मिनट में कितना हो रहा है आपका, एक मिनट में क्या हो रहा है 180 ऑस्किलेशन हो रहा है। तो भैया हमको क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी कहता है कि भैया 1 सेकंड में जितना ऑस्किलेशन होगा उसको हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो एक मिनट में कितना होता है, इतना हो रहा है, तो एक मिनट हम क्या ले सकते हैं 60 सेकंड, भैया यहां पर 60 सेकंड में कितना हो रहा है 180 ऑस्किलेशन हो रहा है, तो भैया 1 सेकंड में कितना होगा, और जो 1 सेकंड में निकलेगा वही फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो जो फ्रीक्वेंसी आ गया कितना बढ़ा, यहां पर जो फ्रीक्वेंसी आ गया वो कितना आ गया सर, वो आ गया बढ़ा क्या 3 आ गया। तो 1 सेकंड में जितना ऑस्किलेशन होता है उसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो भैया हम लोग जानते हैं कि रोटर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है क्या, स्लिप टाइम द स्टेटर फ्रीक्वेंसी बेटा। तो आपको पूछ रहा कह रहा है, ये पूछ रहा है आपको, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, आंसर निकल जाएगा बेटा, ये दिया हुआ है आपको, ये भी दिया हुआ है, आप लोग आंसर निकाल दो बेटा। तो आंसर क्या है बेटा, यहां से आंसर क्या है बेटा, यहां पे आंसर क्या है बेटा, तो व्हाटएवर द आंसर द आंसर विल बी बेटा। आप लोग को ध्यान रखना है कि आपको स्लिप जो है मोटर का वो पूछ रहा है सर, तो स्लिप आप लोग निकालोगे बेटा, बड़ा ही सिंपल है, ध्यान रखिएगा ऑस्किलेशन तो क्या होता है इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 सेकंड में जितना ऑस्किलेशन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ओके चलिए, वेरी गुड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके अब आगे बढ़ते, अब यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान से करने की कोशिश करो बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, टू द पॉइंट क्वेश्चन बेटा, और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर दे बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर दे बेटा। ओके चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करो बेटा, आराम से प्यार से ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो बेटा और फिर आंसर देने की कोशिश करो बेटा। ये क्वेश्चन देखने में बड़ा सिंपल है बेटा, ये क्वेश्चन देखने में बड़ा सिंपल, लेकिन ये एग्जाम में अच्छे अच्छे बच्चे इसको गलत करके आते हैं बेटा। कह रहा है कि आपके 3 फेज हैं, आपके जिसमें क्या है
हॉरिजॉन्टल में लगे हुए, ये हॉरिजॉन्टल में लगा हुआ, ये क्या आपका ये डी है, ये क्या है डी है, और ये क्या जाएगा आपका ये हो जाएगा टू डी हो जाएगा। तो तुम यहां से जब तुम एल निकालोगे बेटा, यहां से एल निकालोगे, एल क्या होता है, यहां से जीएमडी निकालोगे, जीएमडी ज्योमेट्रिक मीन डिस्टेंस निकालोगे बेटा, तो वो क्या जाएगा आपका, वो जाएगा आपका हो जाएगा डी डी टू डी, तो यहां से क्या जाएगा आपका डी अंडर रूट टू आ जाएगा बेटा। तो याद रखो बेटा आपका, आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो एल होता है वो क्या होता है आपका, एल जो होता है वो क्या होता है म्यू नॉट बाई टू पाई एल एन डी बाय आर, और आपका जो सी होता है वो क्या होता है टू पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन डी बाय आर। तो भाई यहां पे देखो डी किस में ज्यादा होगा बेटा, डी यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस में है, एल में है, तो भैया इस केस में क्या होगा हॉरिजॉन्टल में क्या होगा आपका एल जो होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू योर वर्ड बेटा सी। तो ऐसे क्वेश्चंस में गलती नहीं करना है, इस क्वेश्चन में दो कॉन्सेप्ट यूज होगा, कह रहा है भैया हॉरिजॉन्टल को हमने क्या किया ट्रायंगुलर में कर दिया, तो ट्रायंगुलर में क्या होता है ये भी डी, ये भी डी और ये भी डी बेटा, ये भी डी बेटा। अब देखो बेटा यहां पे क्या आएगा आपका जो जीएमडी आएगा वो क्या आएगा बेटा आपका जीएमडी क्या आएगा आपको यहां पे आएगा डी, ठीक है बेटा। तो देखो बेटा आपको यहां से तो जीएमडी बढ़ेगा, जीएमडी बढ़ेगा तो आपका एल बढ़ेगा, आपका एल बढ़ेगा, और जीएमडी बढ़ेगा तो आपका सी क्या होगा घटेगा बेटा, सी क्या होगा आपका घटेगा। तो आपको दिख रहा है कि जो हॉरिजॉन्टल से हम कहां गए ट्रायंगुलर में गए, तो हमारा जो जीएमडी है वो कम हो गया, कम हो गया तो आपका जो एल हो जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, और आपका जो सी होगा वो आपका बढ़ जाएगा बेटा। तो आपको देखिए बेटा यहां पे जो सी है वो कहां पे इंक्रीज है और आपको बेटा एल कहां पे डिक्रीज है, तो आंसर विल बी बी विल बी द राइट आंसर। बहुत ही प्यार से इस क्वेश्चन को फिर से समझ लो बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आता है बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है एल क्या होता है आपका दैट इज योर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीएमडी, और जो सी होता है वो क्या होता है आपका दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जीएमडी बेटा। तो जहां पे जीएमडी ज्यादा होगा वहां पे एल ज्यादा होगा और वहां पे सी कम होगा। तो तुमने हॉरिजॉन्टल में कितना आया था अंडर रूट टू डी आया था, और ट्रायंगुलर में क्या आया था आपका ट्रायंगुलर में डी आया था, तो भैया ट्रायंगुलर में आपका ज्यादा है डी कि आपका हॉरिजॉन्टल में ज्यादा जी है, तो आपका हॉरिजॉन्टल में डी ज्यादा है, तो हॉरिजॉन्टल से हम लोग जा रहे हैं ट्रायंगुलर में, तो आपका क्या हो रहा है जीएमडी कम हो रहा है, तो जीएमडी अगर कम हो रहा है बेटा तो आपका एल कम होगा, और जब जीएमडी कम होगा तो आपका सी ज्यादा होगा, तो भैया सी क्या हो जाएगा आपका इंक्रीज होगा होगा अगर तुम हॉरिजॉन्टल से ट्रायंगुलर वेवफॉर्म में जाओगे, और इंडक्टेंस क्या होगा डिक्रीज होगा बेटा। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, दिक्कत ना करना बेटा। ओके चलो ये रहा अगला क्वेश्चन, ये रहा बेटा क्या आपका अगला क्वेश्चन, बहुत ही प्यार से ध्यान से आंसर दीजिए बेटा इसका और आगे खेले बेटा। तो कह रहा है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर दोज व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन क्या होगा बेटा, ऑप्शन यहां पे क्या होगा, ऑप्शन यहां पे क्या होगा बेटा, ऑप्शन इस केस में आंसर क्या होगा, आंसर इस केस में क्या होगा। कह रहा है कि भैया आपका जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो जो है आपका इनमें से किस में आपका ऑप्शन सही है बेटा, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है बेटा। याद रखिएगा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को जब तुम एक्सटर्नल फील्ड में रखते हो तो क्या होता है वो उसको बहुत तेजी से अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो क्या हो जाएगा ये आर स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड, आंसर डी विल बी द राइट आंसर। ओके चलो मान लो इसी में मैंने लिख दिया बेटा, इसी में हमने क्या कर दिया बेटा यहां पर लिख दिया क्या बेटा आपका डाया मैग्नेटिज्म, क्या लिख दिया यहां पर डाया मैग्नेटिज्म लिख दिया बेटा, तो इस केस में आपका आंसर क्या आएगा बेटा डाया मैग्नेटिज्म केस में आपका आंसर क्या आएगा बेटा, डाया मैग्नेटिज्म के केस में आपका आंसर क्या है बेटा। तो याद रखिएगा डाया मैग्नेटिज्म को जब तुम किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखोगे तो क्या करता है उसको अपोज करता है, उसका क्या करता है आपका अपोज करता है, उसका क्या करता है आपका अपोज करता है, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या आएगा स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज इन अपोजिट टू द फील्ड, और वीकली मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड बेटा, और वीकली मैग्नेटाइज इन द अपोजिट ऑफ फील्ड, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, इसका आंसर बेटा आपका ए विल बी द राइट आंसर बेटा। ओके चलिए और एक बात और याद रखिएगा कि जो आपका डाया होता है डायमंडिज होता है उसका जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो क्या होती है निगेटिव होती है, और किसी का नहीं होता, पैरा हुआ फेरो हुआ किसी का आपका ससेप्टिबिलिटी निगेटिव नहीं होता, बस किसका होता है डाया का होता है। ओके चलिए आगे बढ़ते बेटा, अब यहां से आगे बढ़ते, कह रहा है कि जो आपका एडी करंट होता है, जो आपका एडी करंट होता है वो किसकी वजह से होता है, जो आपके सर्किट में किसी क्वायर में वायर में आपका जो एडी करंट होता है वो किसकी वजह से होता है बेटा। तो क्वेश्चन दिया हुआ आपको आंसर बताइए बेटा, आपको ऑप्शन दिया हुआ है आप लोग आंसर देख के बताइए बेटा, तो किस केस में आपका एडी करंट होता है बेटा, किस केस में आपका एडी करंट होता है बेटा। तो याद रखिएगा
ये जो एडी करंट होता है वो किसकी वजह से होता है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बेटा, कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड नहीं बेटा, कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड नहीं बेटा। आपका आंसर क्या जाएगा? प्रेजेंट इन मैटर विच इज चेंजिंग इन मैग्नेटिक फील्ड, चेंज करेगा थोड़ा फ्लक्स, क्या करेगा बेटा? चेंज करेगा, तो वहां पे आपका क्या होता है? ईएमएफ इंड्यूस होता है और सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करती है, एक सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करती है बेटा। इसलिए आप लोग क्या करते हो? लेमिनेशन करते हैं बेटा। याद रखिएगा, जो आपका एडी करंट होता है वो किसकी वजह से होता है? दैट इज ड्यू टू द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। हमने पढ़ा है कि भैया सिर्फ फ्लक्स के होने से और कॉयल के होने से आपका ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता, उसमें वेरिएशन होना चाहिए। तो वेरिएशन होगा तभी क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा और एक सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करेगी, दैट इज योर एडी करंट। तो ऑलवेज रिमेंबर ए इज द राइट आंसर बेटा, दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ओके चलिए आगे बढ़ते बेटा, अब यहां से आगे बढ़ते बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, तो ध्यान से ऐसे क्वेश्चंस में गलती नहीं करना। और ये क्वेश्चन है बेटा, याद रखिएगा, नंबर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन जो होता है आपका, नंबर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन जो होता है आपका क्या होता है? वो होता है आपका क्या बेटा? नंबर ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट, नंबर ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट बाय टू, नंबर ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट बाय टू। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, आपको इसमें दो तीन स्टेप करने पड़ेंगे। आपका नंबर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन निकल के चला आएगा, वो क्या होता है? नंबर ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट बाय टू। तो यहां पे देखो बेटा, यहां पे देखिए आपका क्या है, ये क्या है? मैट्रिक्स है जिसमें क्या है 150 बस है, तो 150 बस है तो इसमें जो देखो मैं पूछूं, यहां पे ये दो है, ये दो है, ये दो है, दो है, ये 2x2 का मैट्रिक्स है, तो यहां पे कितने एलिमेंट होंगे? चार होंगे। तो मैं यहां पे ये पूछूं कि हमारा क्या है 1/50 × 1/50 का क्या है आपका मैट्रिक्स है, तो उसमें कितने एलिमेंट होंगे? तो आपके जो टोटल एलिमेंट होंगे वो कितने होंगे बेटा आपके? 150 × 150, तो ये कितना होगा बेटा आपका? ये हो गया 225 00, है ना। और कह रहा है कि भैया क्या है उसमें 96% जो है आपका क्या है? आपका स्पेस है। द वाई मैट्रिक्स ऑफ द सिस्टम इज 96%, मतलब कि आपका 96% खाली है। तो भैया उसमें कितने एलिमेंट है फिर? उसमें कितने एलिमेंट होंगे फिर? तो भैया इसमें कितने एलिमेंट होंगे? इसमें से आप इसका 4% निकाल लो, तो इसका 4% कितना होगा? 4×5 20, 4×2 8 10, और 4×2 8 4×2 8 10 बेटा, यहाँ पे क्या जाएगा? 4×5 20, 4×2 8 यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे और यहाँ पे जाएगा 4 जाएगा, इसको काट लेंगे। आप लोग क्या करोगे? 4% निकालोगे तो आपका आ जाएगा बेटा जोर 4×5 20, 4×2 9 10, और यहाँ जाएगा 4×8 9 9, यहाँ पे हो जाएगा। तो बस आपको अब यह करना है, इसका आपको क्या करना है सर? यहाँ पे अब इसमें से आपको क्या करना है? इसमें से 150 माइनस करना है। क्यों? क्योंकि आपको डायगोनल एलिमेंट नहीं लेना, आपको डायगोनल एलिमेंट नहीं लेना बेटा। तो इसमें से 150 माइनस कर दोगे तो आपके पास नॉन डायगोनल एलिमेंट आ जाएंगे, वो कितने हो जाएंगे? 750 बेटा। और यही नॉन डायगोनल एलिमेंट के आधा कर दोगे, आपका आंसर निकल के चला आएगा सर, दैट इज योर 375। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, मैक्सिमम बच्चों ने इसको नहीं किया था, आप लोग करिएगा बेटा, प्लीज समय बचा के करिएगा। क्या सर? आपका जो नंबर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन होता है वो होता है नंबर ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट बाय टू। तो हमको मोटा मोटी नॉन डायगोनल एलिमेंट निकालना है, उसको हाफ कर देना। तब ज्यादा देखो हमारे जो टोटल एलिमेंट है कितने हैं? 900 हैं, उसमें से डायगोनल कितने होंगे भैया? तो यहां पर क्या है 150 का आपका क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो 150 डायगोनल एलिमेंट होंगे, तो उसको माइनस कर दो कितना आ जाएगा आपका? 750, 750 का आधा कर दोगे 375 क्या हो गया आपका? राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलो फिर से देखो, फिर से देख लो कह रहा है कि आपका क्या है 150 बाय 150 का मैट्रिक्स है, तो भैया इसमें टोटल एलिमेंट कितने होंगे? 2 2 2 2 5 00 हो गया बेटा। कह रहा है कि इस जो आपका मैट्रिक्स है उसमें 96% क्या है? खाली है, एलिमेंट नहीं है। 96% क्या है? 00 है, तो खाली है। तो भैया आपका कितने एलिमेंट होंगे? तो बस 4% एलिमेंट होंगे, तो 4% इसका निकालोगे तो वो क्या आएगा बेटा आपका? 00 कट गया, 4×5 20, 4×2 8 10, 4×2 8 9, इतने आपके उसमें एलिमेंट होंगे, बाकी सब क्या होंगे? 0 होंगे। लेकिन इसके अंदर क्या होंगे? डायगोनल एलिमेंट भी होंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट भी होंगे, तो हमको सिर्फ नॉन डायगोनल एलिमेंट चाहिए बेटा। तो इसके अंदर आपका 150 बाय 150 का क्या है? मैट्रिक्स है, तो यहां पर कितने एलिमेंट होंगे डायगोनल में? कितना होंगे? 150 होंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 150 माइनस कर दो बेटा, ये क्या आ गया? 0 5, और ये क्या गया आपका? 7 हो गया। तो इतने नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे, और जो नंबर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन होता है
उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका होता है नंबर ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट बाय 2। तो भैया यहां पर कितना है, 750 बाय 2 कर दोगे तो इतना आपका ट्रांसमिशन लाइन होगा सर, दैट इज योर 375। तो इस क्वेश्चन को बार 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 2-3 बार कर लीजिएगा, वो बस डिजिट चेंज करता है, आंसर निकल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को जो करता है बेटा, बिलीव मी, मेरिट में नाम आता है, क्योंकि कॉमन क्वेश्चन सभी करते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाँ भैया आ गए हिंदी में, आ गए सर हिंदी में, आ गए भैया हिंदी में, हिंदी हो गई खत्म। आ जाओ बेटा नॉन टेक में, आ जाओ। आओ बेटा, आज क्या है, पेपर है, मॉडल पेपर है। किसका आपका? मॉडल पेपर है भैया आपका यूपीआरएनएल का, जिसमें हिंदी भी आएगा, आपका जीएस भी आएगा, टेक्निकल भी आएगा बेटा। और बिलीव मी, अगर आपने लास्ट के 40 चेकदेस सीरीज देख लिए, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कि आपका छूटेगा नहीं। ओके, तो भैया ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। कह रहा है भैया जो उत्तर प्रदेश है उसको भैया हम पहले कहा कहते रहे, भैया ओका हम पहले कहा कहते रहे, उसका जो पहले नाम था वो क्या नाम था भैया, तो याद रखिएगा उसको हम लोग कहते भैया लगान थोड़े चल रहा कि हाँ उस प्रांत, वो प्रांत, हाउ प्रांत, नहीं भैया ये क्या है, असली वाला काम बोलो। लगान में देखो कि हाँ लगान में कहते थे हाँ 10 प्रांत में एक प्रांत वो होता, नहीं बेटा आपको जो उत्तर प्रदेश था ओका हम बोलते रहे क्या भैया, यूनाइटेड प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस बेटा, उसको हम लोग क्या बोलते थे, यूनाइटेड प्रोविंस बोलते थे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये और एग्जाम में आता है सर, इसलिए हमने इसको हिंदी में लिखा है, क्योंकि हिंदी में है, आप लोग को थोड़ा सा चीजें समझ में आनी चाहिए बेटा। ओके, चलो भैया आगे देखते हैं। कह रहा है कि भैया उत्तर प्रदेश में नागो का जो शहर है, नागो का जो प्रधान है केंद्र, वो कहां पे, नागो का जो प्रधान केंद्र है वो कहां पे बेटा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि भैया उत्तर प्रदेश में जो नागो का प्रधान केंद्र है वो कौन सी जगह बेटा, वो ज्यादातर नागो कहां देखेंगे आप लोग, तो आप लोग देखते हो कहां पे बेटा, वो मथुरा में, मथुरा में नागो का सबसे ज्यादा क्या होता है आपका केंद्र है, क्योंकि भैया पूजा पाठ वहीं पे होता है, पूजा पाठ वहीं पे होता है सर। ये भी क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है और योगी जी हैं, इसको रिपीट करेंगे। ओके सर, चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं कि भैया उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन, पढ़ने में आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा क्योंकि भैया तुम लोग इंग्लिश मीडियम से, हम रहे हिंदी मीडियम से। ओके, उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया, उत्तर प्रदेश पंचायती राज, भैया पंचायती राज कब पारित किया गया बेटा, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, दैट इज योर 1994 में, 1994 में सबसे पहले कहां आया था पंचायती राज, राजस्थान में आया था पहले, लेकिन भैया आपका उत्तर प्रदेश में कब आया था बेटा, दैट इज योर आपका 1994 में आया था, इसको याद रखिएगा, यह भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। अभी हिंदी का भी क्वेश्चन है बेटा, हिंदी इसलिए लिए हैं ताकि आप लोग हिंदी का भी कुछ थोड़ा समझ लो। कह रहा है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, तो भैया ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा देर तक आपके सीएम बने हुए थे, मुख्यमंत्री बने हुए थे, कौन है भैया इसमें से, किसी को याद है, किसी को याद है क्या बेटा इसका, इसका आंसर किसी को याद है बेटा, तो याद रखिएगा इसका आंसर कौन है, चौधरी चरण सिंह, नहीं बेटा आपका आंसर इज गोविंद बल्लभ पंत इज द राइट आंसर, गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत इज द राइट आंसर, इसको दिमाग में रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट नाम है बेटा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन बेटा, ये रहा अगला क्वेश्चन बेटा, ये रहा अगला क्वेश्चन। कह रहा भैया कि प्रधानमंत्री जो है, उप मुख्यमंत्री है, उनकी जो नियुक्ति करता है कौन करता है, योगी जी है, उनकी नियुक्ति किसने किया है, मोदी जी ने किया है ना बेटा, तो मोदी जी क्या है, प्रधानमंत्री है, क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री हो जाएगा। ओके चलिए वेरी गुड, तो ऐसा नहीं करना कि हाँ योगी मोदी का क्या है रिलेशन है तो तुमने उसको लगा दिया, नहीं बेटा आंसर इज, देखिए भैया जो मुख्यमंत्री होता है उसको कौन देता है बेटा आपका, राज्यपाल इज द राइट आंसर, राज्यपाल इज द राइट आंसर बेटा, जो नियुक्ति होती है उत्तर प्रदेश में या किसी भी स्टेट में, मुख्यमंत्री की कौन करता है, राज्यपाल करता है, और ये जो राज्यपाल है इसकी नियुक्ति कौन करता है, करते हैं जो आपके प्रेसिडेंट, कौन करता है बेटा, प्रेसिडेंट करते हैं। ओके तो याद से ध्यान से याद रखिएगा इस बात को, पूछ रहता है एग्जाम में। ओके चलिए अगला क्वेश्चन, अशोक द्वारा निर्मित, अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज्य चिन्ह सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहां पर है, तो आधे बच्चों को पता नहीं होगा, हाँ ये उत्तर प्रदेश में है भी, ये जो अशोक चक्र देखते हो आप लोग पैसे पे लिखा होता है या फिर कभी देखोगे हाँ 3 शेर होते हैं और आपका अशोक चक्र बना होता है, तो भैया जो स्तंभ है वो हमारे उत्तर प्रदेश में ही है, तो भैया उत्तर प्रदेश में कहां पे है वो, उत्तर प्रदेश में कहां पर है बेटा वो, तो वो कहां पे है आपका सारनाथ में है, कहां पे बेटा ये सारनाथ में। अब ये सारनाथ उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है, जो सारनाथ है वो उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है बताओ, सारनाथ जो है वो उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, किस जिले में आता है, सारनाथ है
वो उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? भैया जहां हम रहते हैं उसी डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो हम कहां पर रहते हैं हम बताएं आपको पहले भी। तो भैया जो आपका जो सारनाथ है वो कहां पे आता है बेटा? वो आता है सर जहां पे हम रहते हैं, दैट इज योर काशी। काशी में है बेटा। काशी मतलब क्या? वाराणसी। वाराणसी मतलब क्या? बनारस। बनारस में बेटा आपका सारनाथ कहां पे है? बनारस में है सर। इसको दिमाग में रखिएगा, यहीं पे आए थे बुद्ध जी। बुद्ध जी ने 5 लोगों को ज्ञान दिया था बैठ के, यहीं पे दिया था। कहां पे? सारनाथ में। तो इसको याद रखिएगा। ओके चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब कह रहा है उत्तर प्रदेश में मुख्य चमड़े का व्यापार कहां होता है? मुख्यतः जो उत्तर प्रदेश में चमड़ा का व्यापार है वो ये, अभी आशापुर तुम कहां चले गए? आशापुर सारनाथ कहां चले गए तुम बेटा? ये बच्चा तो लग रहा है डायरेक्ट सारनाथ से ही जुड़ा हुआ है, ये आशापुर मंडी का है ये बच्चा लग रहा है। ओके चलो, तो कह रहा भैया यहाँ पे कि भैया उत्तर प्रदेश मुख्य चमड़ा व्यापार जो है वो कहां पर होता है? ये जो चमड़ा व्यापार है वो कहां पर होता है बेटा? ये चमड़ा व्यापार होता है कहां पर होता है? इट इज नन अदर देन कानपुर। इसको बोला जाता है मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ। क्या बोला जाता है इसको बेटा? मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ। मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ भी बोला जाता है इसको। मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ भी बोला जाता है। और यहीं पे चमड़े का सबसे ज्यादा व्यापार आप होता है बेटा। ओके चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? चावल की जो खेती है उसका जो प्रथम साक्ष्य है वो कहां से प्राप्त हुए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 बार रिपीट हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दोगे हम कहां पर बेटा? कमेंट बॉक्स में। हम चाहते हैं कि इसका आंसर सभी लोग देंगे बेटा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ध्यान से इसका आंसर दीजिएगा, और इसका आंसर हमने आपको 3 बार रिपीट किया है एग्जाम में, इसलिए इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ओके चलिए आगे देखते हैं। कह रहा भैया उत्तर प्रदेश राज्य में जो राजकीय चिन्ह है वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश राज्य में जो उसका राजकीय चिन्ह है, राजकीय सिंबल है, वो कौन सा है भैया? तो भैया बताओ भैया, राज्य का सिंबल क्या? कमल का फूल? नहीं भैया, कमल का फूल नहीं बेटा। क्या है? शेर, गाय है भैया। योगी जी हैं, गाय को भैया कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, तो इसको मार दोगे? नहीं बेटा, जो आपका राजकीय चिन्ह है वो क्या है भैया? कौन सा है भैया? वो है मांगुर मछली। मांगुर नहीं भैया, मछली बस। मांगुर हो गया आपका, क्या हो गया? मांगुर बताओ को जाता है, रोहू आता है, तो नहीं मांगुर रोहू मत करना। क्या है? सिंपली मछली। मछली क्या है आपका? राजकीय चिन्ह है किसका बेटा? आपका उत्तर प्रदेश का। इसको याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि गुप्त काल में उत्तर प्रदेश में किन नगरों की समृद्धि चरम पर थी? भैया कौन गुप्त काल में? तो भैया ऐसी कौन सी जगह है जहां भगवान जी का क्या कहा जाता है कि भैया आसन था? तो भैया हरि लोग, सभी लोग क्या करते थे? भगवान के पास जाके क्या करते थे? पैसा दान करते थे। तो भैया जहां पैसे ज्यादा होगा वहां पे समृद्धि ज्यादा होगी। तो इसमें से कौन सी ऐसी जगह है जहां पे भगवान का निवास माना जाता है? तो भैया लोग वहीं पे जाते थे, पैसा कर देते थे वहां पे, तो भैया वो ज्यादा समृद्ध हो गए। तो वो कौन से थे भैया जगह थे? वो जगह कौन से भैया? तो वो जगह है आपका कौन सा बट्टा? आपका मथुरा और वाराणसी। यहाँ पे भैया क्या होता है, भगवान से मिलाप होगा। जैसे जैसे आपका पैसा बढ़ेगा वैसे वैसे आपको भगवान के पास पहुंचोगे। और एक बार आखिरी में कहां पहुंचाओगे? शमशान घाट। वहां पे शमशान घाट है, कहां पे? गंगा जी के पास। दशाश्वमेध घाट कहां बेटा? दशाश्वमेध घाट, वहां पे जाइएगा, आपको सब दिख जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते बेटा, यहां से आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते बेटा। ओके चलिए, कह रहा है किस शासक ने बाबर के पुत्र हुमायूं को पराजित किया था? किस शासक ने आपका जो बाबर जी के पुत्र थे हुमायूं, उसको क्या कहता बेटा? उसको बेटा क्या किया था? पराजित किया था। तो आंसर क्या हो बेटा इसके, इसमें आंसर क्या हो बेटा? बताइए बेटा, आप लोग आंसर बताइए बेटा। यस, दैट इज योर नन अदर देन शेरशाह सूरी। वेरी गुड, किसने बचा दिया? बच्चे ने कैसे दिया बेटा? ओके, शेरशाह सूरी वाज द पर्सन हु हैज डिफीटेड द सन ऑफ बाबर हुज नेम इज हुमायूं। वाह, क्या इंग्लिश ट्रांसलेट किया बेटा, हम भी पढ़े हैं लूसेंट से, ठीक है बेटा? हम भी लूसेंट से पढ़े हैं इंग्लिश, तो हमको भी आता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि भैया साइमन जो कमीशन है उसकी जो नियुक्ति हुई थी वो किस वाइसरॉय जो है बेटा, किस वाइसरॉय के अंडर में आपका जो वाइसरॉय कैसे लिखे बेटा, ऐसे लिखे बेटा, वाइसरॉय जो है वो किस वाइसरॉय के अंडर में आपका साइमन कमीशन आपका बेटा क्या हुआ था? आपका साइमन कमीशन लगा था बेटा। तो उसको आंसर बताइए बेटा, इस केस में आंसर क्या होगा बेटा? बहुत ही चर्चित व्यक्ति हैं, बड़ा ही काम किए थे ये, लेकिन एक गलत काम कर दिए, साइमन कमीशन। तो कौन थे बेटा? वो थे लॉर्ड डार्विन। लॉर्ड डार्विन थे बेटा, बहुत है ये बदमाश आदमी थे। अब एक पिक्चर आ रही है ना बेटा, कौन सी एक पिक्चर आ रही है, कौन सी बेटा, जो जाता है वहां पे उसको मार के आता है किसको?
वो आपका जो होता है ना जलिया वाला बाग वाला बंदा, उसको मार के आता ना बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ऊ लाला मत गाओ यहाँ पे। ये बताओ कि जो ऊ है उसको तुम लोग किसके हेल्प से बोल पा रहे हो? जो ऊ वर्ड है हिंदी आ गया बेटा, हिंदी में अगर क्वालिफाई नहीं किए, तुमने क्या किया पूरे टेक्निकल पेपर में 100 में से 80 करके आए हो, हिंदी में तुमने अगर क्वालिफाई नहीं किया तुम्हारा पेपर चेक नहीं होगा, इस बात को दिमाग में बैठा लो। ओके भैया, ऊ लाला या ऊ आ ई बोल रहे हो वो भैया किसके हेल्प से बोल रहे हो? आपके मुंह में क्या नहीं होगा कि भैया उससे तुम ऊ आ नहीं बोल पाओगे? तो गाना गाओ ऊ लाला वाला, ऊ लाला गाना गाओ तो भैया तुम्हारा क्या आ रहा है, क्या रहेगा कि तुम ये बोल पाओगे, और क्या नहीं रहेगा तो नहीं बोल पाओगे। तो भैया याद करो या भाई खुद से प्रैक्टिस करो। नटीजर होठ हो, होठों से छू लो तुम, मेरे गीत अमर कर दो बेटा। तो ये होठ है, मान लो इमेजिन करो कि ये तुम्हारे पास नहीं है, तुम बोलो ऊ बोल के दिखाओ, ऊ लाला गाना गा के दिखाओ, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो भैया जो आपके ऊ है और ऊ है बेटा, जो ऊ है वो ऊ जो है इस होठ के बिना आप लोग नहीं बोल पाओगे। ओके, इस बात को हमेशा दिमाग में रखिएगा। ओके चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सारे आपके UPPCL में आ चुके हैं, इसलिए हमें आपको दिए हैं ये सारे क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन क्या है, कॉपी पेस्ट कहां से, आपके प्रीवियस एग्जाम से। कह रहा है कि हिंदी में जो व्यंजन वर्ण है उनकी संख्या कितनी है? जैसे कि भाई पढ़ते ना ABCD A to Z कितना होता है, 26 के बोलते हो और कहते हो हाँ आई एम इंग्लिश मैन। तो भैया हम बताओ हिंदी में जो व्यंजन है, व्यंजन वर्णों की जो संख्या है वो कितनी है बेटा? व्यंजन वर्णों की जो संख्या है वो कितनी बेटा? दैट इज योर 33। वेरी इंपॉर्टेंट, 3-4 बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, इसलिए इसको दिमाग में रखिए बेटा, बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए आगे बढ़ते बेटा। आगे कह रहा है इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है? भैया इसमें किस में अशुद्धि दिख रही है तुमको भैया बताओ? विच ऑफ द फॉलोइंग हैव एरर, बता रहे इंग्लिश में बता देखो। अब ये जमाना आ गया कि हिंदी का जो सब्जेक्ट है उसको इंग्लिश में क्वेश्चन बताना पड़ रहा है। कह रहा है अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस विच हैव एरर, विच हैव स्पेलिंग एरर, विच हैव स्पेलिंग एरर इन द फॉलोइंग गिवन ऑप्शंस। तो आंसर इज व्हाट बेटा? आंसर इज व्हाट? द आंसर विल बी दैट इज योर अनुकूल। भैया देखो यहां पर क्या है, दोनों में क्या है, दोनों में क्या है आपका छोटा हुआ है बड़ा, एक में क्या होता है बड़ा होता है एक छोटा, ये दोनों छोटा लगा दिया इसने ऊ लगा दिया, तो ये गलत है बेटा, दिस इज रॉन्ग, अनुकूल इज द रॉन्ग बेटा। इसमें क्या है, स्पेलिंग एरर है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में वर्ण संबंधी अशुद्धि, अशुद्धि मतलब क्या, स्पेलिंग एरर। ओके चलो वेरी गुड, अब आगे बढ़ते बेटा, अब यहां से आगे बढ़ते। कह रहा है संज्ञा में कितने भेद होते हैं, भेद अभेद भवेद कितने होते बेटा संज्ञा में? वेरी गुड रीनू, रीनू पटेल वेरी गुड बेटा। तो ये आपका संज्ञा है नाउन, नाउन हैव हाउ मेनी पार्ट्स, नाउन इज डिवाइडेड इंटू हाउ मेनी पार्ट्स बेटा, मैंने हिंदी इंग्लिश में बोल दिया, बोल रहे संज्ञा में कितने भेद है भैया? अब याद रखना हम वहां पर बताने नहीं आएंगे इंग्लिश में, वहां पर एग्जाम में इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे, याद करो। पढ़ते हो बेटा कि हाँ पढ़ते हो आप लोग क्या बेटा, भाववाचक, भाववाचक संज्ञा पढ़ते, याद करो कभी पढ़े थे आजादी से पहले, पढ़े थे हिंदी भाववाचक संज्ञा पढ़े थे आप लोग, पढ़े थे क्या बेटा भाववाचक पढ़े थे, कितने होते बेटा? दैट मीन्स उन सभी को याद करना, उससे क्वेश्चन आते हैं बेटा, पांच होते हैं बेटा आपके टाइप्स, भेद जो होते हैं संज्ञा के कितने होते हैं, पांच होते हैं, इसको दिमाग में रखिएगा, एग्जाम में आएगा तो गलती मत करके आना। ओके चलिए वेरी गुड सुमित, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, और बेटा क्या, और बेटा आप बताओ। चलिए स्त्री पुरुष, स्त्री पुरुष के जोड़ों को क्या कहलाते, क्या कहलाते हैं? अब ये कपल कपल नहीं होगा, ये सॉरी कपल नहीं होगा, दिस इज नॉट अ कपल। ओके स्त्री पुरुष के जोड़ा को क्या कहा जाता है, स्त्री पुरुष के जो जोड़ा होता है उसको क्या कहा जाता है बेटा? तो क्वेश्चन ये मत समझना कि हाँ कपल आ गए, यहाँ कपल कहीं दिख रहा नहीं रहा आपको, ध्यान से पढ़ो और आंसर दो बेटा। तो इस केस में आंसर क्या है बेटा, जो स्त्री पुरुष है उनका जो जोड़ा होता है उसको क्या कहते हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड दंपत्ति, दंपत्ति कहते हैं बेटा उसको, क्या कहते हैं, दंपत्ति कहते हैं। एंड दिस इज अ क्वेश्चन आस्क्ड इन UPRVNL बेटा इन योर पेपर अराउंड 2013, इसको पढ़िएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो स्त्री पुरुष के जोड़े को क्या कहते हैं, दंपत्ति कहते हैं, दंपत्ति, दंपत्ति है, दोनों क्या है एक दूसरे के दंपत्ति है, यानी कि यहाँ कपल है, कपल अलग हो गया, शादी के बिना भी कपल होते हैं। ओके ये दंपत्ति में तो क्या आपका शादीशुदा जोड़ा जोड़ा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। जहां लोगों का मिलन होता है, जहां लोगों का मिलन होता है, अब ये गार्डन ये बताया ना कि हाँ गार्डन नहीं भैया, ये कह रहे हैं जहां लोगों का मिलन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड योर सम्मेलन, दैट इज कॉल्ड योर सम्मेलन बेटा, दैट इज कॉल्ड योर सम्मेलन, यानी कि संगम नहीं कि हाँ भैया गंगा जमुना सरस्वती संगम हो रहा है वहां पे तो वहां सम्मेलन कर रहे हो, नहीं बेटा ऐसा नहीं होता, हिंदी पढ़ो थोड़ा बहुत। जहां लोगों का होता है, जहां पानी का मिलन को कहते हैं संगम, ये जो लोगों का मिलन हो रहा है वो कहां होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सम्मेलन, क्या कहते हैं बेटा उसको हम लोग, सम्मेलन।
इसको याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है बेटा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। इनमें से हवा का पर्यायवाची क्या है? इनमें से हवा का पर्यायवाची मतलब क्या बेटा? पर्यायवाची मतलब क्या होता है? अ वर्ड हैविंग मेनी वर्ड्स। ओके, अ वर्ड सिमिलर टू इट, अ वर्ड सिमिलर टू इट, अ वर्ड हैविंग मोर देन वन वर्ड्स विच हैव सेम मीनिंग इज कॉल्ड पर्यायवाची, इज कॉल्ड पर्यायवाची बेटा। तो भैया उसका हवा का, एयर का आपका जो आपका पर्यायवाची है, सिनोनिम है, सिनोनिम्स, सिनोनिम्स कहते हैं उसको, वो क्या बेटा? पर्यायवाची है वो क्या बेटा? वो है बेटा बयार। सुनो ना गाना आता है, हाँ ये बयार वहां चली, बयार चल रही है, गाना सुनते हो ना कि हाँ गाँव में जाते तो हाँ हमारे बड़े बुजुर्ग आते रहते, बयार आया, बयार आया, हाई आया, हवा आया, ठीक बेटा। तो हवा का क्या होता है आपका? बयार इज द सिनोनिम, पर्यायवाची क्या आ गया? बयार हो गया। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या आ गया? आगे आ गया बेटा क्या? जेनिक जेई स्टडी आ गया। आपको क्या करना है सर, जाते जाते इस टेलीग्राम को लिंक को करना बेटा, क्या करना है इसको आपको इंस्टॉल करना है। और जितने बच्चों को आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, जितने बच्चों को टेस्ट सीरीज चाहिए वो क्या करेंगे बेटा? वो जेनिक लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे, कमेंट बॉक्स में नीचे अपना नाम लिख देंगे, हम आपको क्या करेंगे बेटा कॉल करके आपको फ्री में मॉक टेस्ट देने वाले हैं एग्जाम से जस्ट पहले। बस वो डिपेंड रहेगा कि आप लोग का क्या है बेटा, इन्वॉल्वमेंट कैसा है। आपको क्या करना है सर, जेनिक टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लेना है। किसको बेटा? जेनिक टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करना है और जेनिक लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। आपको हम नोटिफाई करेंगे कि भैया आप लोग मॉक टेस्ट जो कि सेम वैसा ही होगा जो कि एग्जाम में आप लोग पढ़ते हो, तो अपने घर बैठे बैठे फ्री मॉक टेस्ट आप लोग दे सकते हो, जिसमें क्या होंगे बेटा, सारे सब्जेक्ट मिले होंगे जो कि सेम एग्जाम होगा, जैसा कि आपका UPRV1L में होगा सर। तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में नीचे, अभी नहीं ये जो सेशन एंड हो जाएगा, तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखिएगा और जेनिक टेलीग्राम लिंक को जोड़ लीजिएगा, आपको हम वहां से कनेक्ट कर लेंगे और आपको बेटा वो लिंक प्रोवाइड कर देंगे। ओके सो मिलते हैं, टिल देन संडे को एंजॉय करो, एग्जामिनेशन के सारे PDF देख लीजिएगा, इसका PDF जेनिक लर्निंग ऐप मिल जाएगा। 40 जो है लेटेस्ट चकदे सीरीज को देख लीजिएगा, वैसे तो 70-80 चकदे सीरीज हो चुकी है, 4-5 हजार क्वेश्चन करवा दिए हमने, पूरी ESC की बुक हमने तो कंप्लीट कर दी है विद ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट, लेकिन आपको 40 चकदे सीरीज को देख जाना है, क्वेश्चन कोई भी फंस जाएगा बेटा। ओके थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ बेटा एंड जस्ट कीप स्माइलिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन गॉड ब्लेस बेटा। ओके थैंक यू सो मच। इंडिया में एग्जाम प्रिपरेशन की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है कि हम किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कैसे करें। तो जेनिक आपके इस समस्या को ध्यान में रखते हुए आपके लिए लेकर आया है कुछ ऐसा जो आपकी प्रिपरेशन में 4 चांद लगाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, आपके प्रिपरेशन में 4 चांद लगाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस कोर्स के अंतर्गत आपको JEE गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक जरूर बने। सभी डिप्लोमा और बीटेक के विद्यार्थी, जी हाँ दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनिए, सभी डिप्लोमा और बीटेक के विद्यार्थी अब तैयार हो जाओ। जेनिक टीम आपके लिए लेकर आया है प्रहार 2.0। प्रहार 2.0 के अंतर्गत आपको इंडिया के टॉप 40 गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई जाएगी, जिसके साथ आपको प्री मेंस एग्जाम प्लस इंटरव्यू की भी तैयारी करवाई जाएगी। तो आइए जानते हैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में, जिसमें आपको 1100 आवर्स लाइव क्लासरूम प्रोग्राम प्रोवाइड किए जाएंगे, प्लस आपको 7000 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट एंड डाउट सेशंस प्रोवाइड किए जाएंगे। प्रहार 2.0 कोर्स की वैलिडिटी है 400 डेज। जी हाँ दोस्तों, ये आपको 400 दिनों के लिए प्रोवाइड कराया जाएगा। इसमें आपको 4-5 आवर्स की आपकी रेगुलर क्लासेस होंगी, रिवीजन क्लासेस होंगी, प्लस ऑल सब्जेक्ट के PDF आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो बिल्कुल भी बिना देरी किए डाउनलोड एंड इंस्टॉल आवर जेनिक लर्निंग ऐप ऑन गूगल प्ले स्टोर। इंडिया में एग्जाम प्रिपरेशन की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है कि हम किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कैसे करें। तो जेनिक आपके इस समस्या को ध्यान में रखते हुए आपके लिए लेकर आया है कुछ ऐसा जो आपकी प्रिपरेशन में 4 चांद लगाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, आपके प्रिपरेशन में 4 चांद लगाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस कोर्स के अंतर्गत आपको JEE गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक जरूर बने।
सभी डिप्लोमा और बीटेक के विद्यार्थी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, सभी डिप्लोमा और बीटेक के विद्यार्थी अब तैयार हो जाओ। जेनिक टीम आपके लिए लेकर आया है प्रहार 2.0। प्रहार 2.0 के अंतर्गत आपको इंडिया के टॉप 40 गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई जाएगी, जिसके साथ आपको प्री मेंस एग्जाम प्लस इंटरव्यू की भी तैयारी करवाई जाएगी। तो आइए जानते हैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में, जिसमें आपको 1100 आवर्स लाइव क्लासरूम प्रोग्राम प्रोवाइड किए जाएंगे, प्लस आपको 7000 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट एंड डाउट सेशंस प्रोवाइड किए जाएंगे। प्रहार 2.0 कोर्स की वैलिडिटी है 400 डेज। जी हाँ दोस्तों, ये आपको 400 दिनों के लिए प्रोवाइड कराया जाएगा। इसमें आपको 4-5 आवर्स की आपकी रेगुलर क्लासेस होंगी, रिवीजन क्लासेस होंगी, प्लस ऑल सब्जेक्ट के PDF आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो बिल्कुल भी बिना देरी किए डाउनलोड एंड इंस्टॉल आवर जेनिक लर्निंग ऐप ऑन गूगल प्ले स्टोर। इंडिया में एग्जाम प्रिपरेशन की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है कि हम किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कैसे करें। तो जेनिक आपके इस समस्या को ध्यान में रखते हुए आपके लिए लेकर आया है कुछ ऐसा जो आपकी प्रिपरेशन में 4 चांद लगाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, आपकी प्रिपरेशन में 4 चांद लगाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस कोर्स के अंतर्गत आपको JEE गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक जरूर बने। सभी डिप्लोमा और बीटेक के विद्यार्थी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, सभी डिप्लोमा और बीटेक के विद्यार्थी अब तैयार हो जाओ। जेनिक टीम आपके लिए लेकर आया है प्रहार 2.0। प्रहार 2.0 के अंतर्गत आपको इंडिया के टॉप 40 गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई जाएगी, जिसके साथ आपको प्री मेंस एग्जाम प्लस इंटरव्यू की भी तैयारी करवाई जाएगी। तो आइए जानते हैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में, जिसमें आपको 1100 आवर्स लाइव क्लासरूम प्रोग्राम प्रोवाइड किए जाएंगे, प्लस आपको 7000 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट एंड डाउट सेशंस प्रोवाइड किए जाएंगे। प्रहार 2.0 कोर्स की वैलिडिटी है 400 डेज। जी हाँ दोस्तों, ये आपको 400 दिनों के लिए प्रोवाइड कराया जाएगा। इसमें आपको 4-5 आवर्स की आपकी रेगुलर क्लासेस होंगी, रिवीजन क्लासेस होंगी, प्लस ऑल सब्जेक्ट के PDF आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो बिल्कुल भी बिना देरी किए डाउनलोड एंड इंस्टॉल आवर जेनिक लर्निंग ऐप ऑन गूगल प्ले स्टोर। इंडिया में एग्जाम प्रिपरेशन की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है कि हम किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कैसे करें। तो जेनिक आपके इस समस्या को ध्यान में रखते हुए आपके लिए लेकर आया है कुछ ऐसा जो आपकी प्रिपरेशन में 4 चांद लगाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, आपकी प्रिपरेशन में 4 चांद लगाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस कोर्स के अंतर्गत आपको JEE गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक जरूर बने। सभी डिप्लोमा और बीटेक के विद्यार्थी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, सभी डिप्लोमा और बीटेक के विद्यार्थी अब तैयार हो जाओ। जेनिक टीम आपके लिए लेकर आया है प्रहार 2.0। प्रहार 2.0 के अंतर्गत आपको इंडिया के टॉप 40 गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई जाएगी, जिसके साथ आपको प्री मेंस एग्जाम प्लस इंटरव्यू की भी तैयारी करवाई जाएगी। तो आइए जानते हैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में, जिसमें आपको 1100 आवर्स लाइव क्लासरूम प्रोग्राम प्रोवाइड किए जाएंगे, प्लस आपको 7000 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट एंड डाउट सेशंस प्रोवाइड किए जाएंगे। प्रहार 2.0 कोर्स की वैलिडिटी है 400 डेज। जी हाँ दोस्तों, ये आपको 400 दिनों के लिए प्रोवाइड कराया जाएगा। इसमें आपको 4-5 आवर्स की आपकी रेगुलर क्लासेस होंगी, रिवीजन क्लासेस होंगी, प्लस ऑल सब्जेक्ट के PDF आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो बिल्कुल भी बिना देरी किए डाउनलोड एंड इंस्टॉल आवर जेनिक लर्निंग ऐप ऑन गूगल प्ले स्टोर। इंडिया में एग्जाम प्रिपरेशन की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है
वो है कि हम किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कैसे करें। तो जेनिक आपकी इस समस्या को ध्यान में रखते हुए आपके लिए लेकर आया है कुछ ऐसा जो आपके प्रिपरेशन में चार चांद लगाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, आपके प्रिपरेशन में चार चांद लगाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस कोर्स के अंतर्गत आपको JEE गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक जरूर बने। सभी डिप्लोमा और बीटेक के विद्यार्थी, जी हाँ दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनिए, सभी डिप्लोमा और बीटेक के विद्यार्थी अब तैयार हो जाओ। जेनिक टीम आपके लिए लेकर आया है प्रहार 2.0। प्रहार 2.0 के अंतर्गत आपको इंडिया के टॉप 40 गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई जाएगी, जिसके साथ आपको प्री मेंस एग्जाम प्लस इंटरव्यू की भी तैयारी करवाई जाएगी। तो आइए जानते हैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में, जिसमें आपको 1100 आवर्स लाइव क्लासरूम प्रोग्राम प्रोवाइड किए जाएंगे, प्लस आपको 7000 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट एंड डाउट सेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। प्रहार 2.0 कोर्स की वैलिडिटी है 400 डेज। जी हाँ दोस्तों, ये आपको 400 दिनों के लिए प्रोवाइड कराया जाएगा। इसमें आपको 4-5 आवर्स की आपकी रेगुलर क्लासेस होंगी, रिवीजन क्लासेस होंगी, प्लस ऑल सब्जेक्ट के PDF आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो बिल्कुल भी बिना देरी किए डाउनलोड एंड इंस्टॉल आवर जेनिक लर्निंग ऐप ऑन गूगल प्ले स्टोर। इंडिया में एग्जाम प्रिपरेशन की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है कि हम किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कैसे करें। तो जेनिक आपके इस समस्या को ध्यान में रखते हुए आपके लिए लेकर आया है कुछ ऐसा जो आपके प्रिपरेशन में चार चांद लगाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, आपके प्रिपरेशन में चार चांद लगाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस कोर्स के अंतर्गत आपको JEE गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक जरूर बने। सभी डिप्लोमा और बीटेक के विद्यार्थी, जी हाँ दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनिए, सभी डिप्लोमा और बीटेक के विद्यार्थी अब तैयार हो जाओ। जेनिक टीम आपके लिए लेकर आया है प्रहार 2.0। प्रहार 2.0 के अंतर्गत आपको इंडिया के टॉप 40 गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई जाएगी, जिसके साथ आपको प्री मेंस एग्जाम प्लस इंटरव्यू की भी तैयारी करवाई जाएगी। तो आइए जानते हैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में, जिसमें आपको 1100 आवर्स लाइव क्लासरूम प्रोग्राम प्रोवाइड किए जाएंगे, प्लस आपको 7000 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट एंड डाउट सेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। प्रहार 2.0 कोर्स की वैलिडिटी है 400 डेज। जी हाँ दोस्तों, ये आपको 400 दिनों के लिए प्रोवाइड कराया जाएगा। इसमें आपको 4-5 आवर्स की आपकी रेगुलर क्लासेस होंगी, रिवीजन क्लासेस होंगी, प्लस ऑल सब्जेक्ट के PDF आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो बिल्कुल भी बिना देरी किए डाउनलोड एंड इंस्टॉल आवर जेनिक लर्निंग ऐप ऑन गूगल प्ले स्टोर। इंडिया में एग्जाम प्रिपरेशन की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है कि हम किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कैसे करें। तो जेनिक आपके इस समस्या को ध्यान में रखते हुए आपके लिए लेकर आया है कुछ ऐसा जो आपके प्रिपरेशन में चार चांद लगाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, आपके प्रिपरेशन में चार चांद लगाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस कोर्स के अंतर्गत आपको JEE गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक जरूर बने। सभी डिप्लोमा और बीटेक के विद्यार्थी, जी हाँ दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनिए, सभी डिप्लोमा और बीटेक के विद्यार्थी अब तैयार हो जाओ। जेनिक टीम आपके लिए लेकर आया है प्रहार 2.0। प्रहार 2